हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उन करोड़, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए ड्रैगन बॉल फैन मांगा की मूवी लेकर आ गया हूं। ये मांगा लिखी है यंग जीजी ने। ये स्टोरी ड्रैगन बॉल फैन मांगा की एक बहुत ही क्लासिकल स्टोरी है और मैं जानता हूं कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं करीब 2 साल पहले इस स्टोरी को अपने चैनल पर कवर कर चुका हूं। इस स्टोरी को कवर करने में काफ़ी समय बीत चुका है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी मूवी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है स्पेस में, प्लैनेट फ्रीजा 79 के पास। वहाँ पर हम लोग एक सिटी को देखते हैं और तभी वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। एक लेबोरेटरी के अंदर फ्रीजा फोर्स का एक साइंटिस्ट होता है। उस साइंटिस्ट को उसकी एक मशीन में सिग्नल मिलता है। वो बोलता है, ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, क्या ऐसा सच में हो सकता है। तभी वो साइंटिस्ट एक अनाउंसमेंट करता है। वो बोलता है कि सभी ट्रूप्स तैयार हो जाओ, लॉर्ड आइस जागने वाले हैं। मैं ये बात फिर से दोहराता हूँ, लॉर्ड आइस जागने वाले हैं। जो भी ट्रूप्स उनके आसपास हों वो उनको लेने के लिए जाएं। तभी एक चेंबर का गेट खुलता है और उसके अंदर एक शख्स खड़ा होता है। ये शख्स होता है फ्रीजा का बेटा आइस। आइस अपने चेंबर से बाहर निकलता है और एक सोल्जर उसे ग्रीट करता है। वो बोलता है कि लॉर्ड आइस, आपका थॉनिंग पीरियड काफ़ी लंबा था, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। आइस थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि क्या मेरा नाम आइस है। सोल्जर बोलता है कि हाँ सर, आपके लेट फादर ने आपको ये नाम दिया था। आइस बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। सोल्जर बोलता है कि सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, पर अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आइस बोलता है कि ठीक है, मैं दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से लड़ना चाहता हूँ। सोल्जर बोलता है कि सबसे ताकतवर शख्स? आइस बोलता है कि मैं अपनी नई ताकत को आजमाना चाहता हूँ, जो मैंने अपने इतने साल के थॉनिंग पीरियड में जनरेट करी है। मैं फालतू नहीं बैठ सकता। सोल्जर बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपको उस प्लेनेट पर लेके चलूँगा जिस पर सबसे ताकतवर शख्स हो। इसके जवाब में आइस कुछ नहीं बोलता, पर थोड़ी देर बाद आइस बोलता है कि अच्छा, एक बात और, मुझे एक कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। सोल्जर बोलता है कि ज़रूर सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। ये यूनिवर्स अब एक ऐसे खतरे को देखने जा रहा है जो खतरा उसने पहले कभी नहीं देखा है। धरती पर गोकू और बाकी सभी ने ना जाने अभी तक कितने खतरे देखे हैं और उन सभी का सामना किया है, और इस बीच उनकी ताकतें भी लगातार बढ़ती चली गई हैं और आखिरकार उन्होंने अपने सबसे ताकतवर ओपोनेंट का सामना भी किया, यानी कि ओमेगा शेनरॉन। और आखिरकार एक बहुत ही लंबी बैटल के बाद वो उसे भी हराने में कामयाब रहे। और उस फाइट के बाद अब 3 साल बीत चुके हैं और हमारे सभी वॉरियर्स की ज़िंदगी काफ़ी कुछ नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है। इसके बाद हम पैन और चीची को देखते हैं। पैन अपने स्कूल जा रही होती है। वो अब 16 साल की हो चुकी है और वेस्ट सिटी के हाई स्कूल में पढ़ती है। आखिरकार पैन वेस्ट सिटी तक पहुंचने वाली होती है और इसीलिए वो नीचे उतरना शुरू कर देती है। वो सिटी में उतरती है और सीधा अपने स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती है। पर जैसे ही वो भाग के जा रही होती है, उसे रास्ते में कुछ दिखता है। उसके ठीक सामने एक बैंक रॉबरी हो रही होती है और बैंक में रॉबरी करने वाले होते हैं पिल्फ गैंग। पिल्फ बोलता है कि अगर तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं इसे मार दूंगा। बैंक लूटते वक्त पिल्फ को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि हमें क्यों करना पड़ रहा है। माय बोलती है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है लॉर्ड पिल्फ। ड्रैगन बॉल को पाने के लिए हम इतनी ज़्यादा बार फेल हुए हैं कि हमारे पास अब जीने के लिए भी पैसा नहीं है। शू बोलता है कि हमारी किस्मत सच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तभी वहाँ पे सिटी की हीरो पैन आ जाती है। वो बोलती है कि अपने हथियार नीचे करो और चुपचाप हार मान लो। अगर तुम लोग हार नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। सभी लोग पैन को देख के खुश होने लग जाते हैं और तभी पिल्फ चिल्लाता है कि तुम कौन हो, अगर तुम यहाँ पर आई तो मैं इसे मार दूंगा। पैन बोलती है कि लगता है तुम पिटके ही मानोगे। इसके बाद पैन वही काम करती है जो उसके मोमो डैड करते थे। वो गुंडों को पीट देती है और एक ही झटके में पिल्फ और माई को हरा देती है। शू बिना लड़े ही हार मान लेता है और पैन बोलती है कि तुम्हें शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। इसके बाद पुलिस आके पिल्फ गैंग को पकड़ लेती है और पैन को थैंक्स बोलती है। इसके बाद पैन अपने स्कूल में चली जाती है। बेसिकली पैन वही काम कर रही है जो उसके मोमो डैड करते थे, बस बिना ड्रेस के। शहर के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा होता है। ये सेलिब्रेशन होता है मिस्टर सेटन के रिटायरमेंट का, और रिटायरमेंट के साथ मिस्टर सेटन अपना सक्सेसर भी घोषित कर रहे होते हैं, और ये सक्सेसर होता है ऊप। आखिरकार धरती को एक नया चैंपियन मिल गया है। स्पेस में एक बहुत ही अलग तरीके की स्ट्रगल चल रही होती है। ये स्ट्रगल होती है आइस की। आइस अभी तक बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स से लड़ चुका होता है, पर वो सभी वॉरियर्स आइस के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आइस बोलता है कि ये तो सभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करूँगा। अभी तक मैं जितने भी वॉरियर्स से लड़ा हूँ वो सभी मेरे बस छूते ही मर गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा।
तभी आइस का सोल्जर बोलता है कि लॉर्ड आइस शांत हो जाइए। तभी उस सोल्जर को याद आता है, वो बोलता है कि एक सैयन था जिसका नाम शायद संगोकू था, उसने आपके फादर फ्रीजा को हराया था और हो सकता है कि वो आपको भी थोड़ी सी फाइट दे पाए। आइस बोलता है कि संगोकू, अच्छा तो ये वो शख्स है जिसने मेरे फादर को हराया है। आइस बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आखिर वो इस वक्त किस प्लेनेट पर है। सोल्जर बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं भी आपको देख के बताता हूँ। कुछ सेकंड्स में वो बोलता है कि वो सैयन अर्थ नाम के एक प्लेनेट पर है, वो प्लेनेट यहाँ से काफ़ी दूर है। आइस बोलता है कि अर्थ, ठीक है तो हम अर्थ नाम के इस प्लेनेट पर अभी जाएंगे। सोल्जर बोलता है कि ज़रूर सर। इसके बाद आइस हंसता है और बोलता है कि संगोकू मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद हम धरती पर कैप्सूल कॉर्प को देखते हैं जहाँ पर वेजिटा अभी भी अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहा होता है। अब वेजिटा अपनी लगातार ट्रेनिंग की वजह से सुपर सैयन 3 में बड़े आराम से बदल सकता है, पर वेजिटा वेजिटा है तो वो हार नहीं मानेगा और लगातार आगे बढ़ते रहने की कोशिश करेगा। आखिरकार वो अपनी ट्रेनिंग रोकता है। वो बोलता है कि सुपर सैयन 3 बनना अब मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है, पर सुपर सैयन 4 बनने के लिए मुझे अभी भी इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। लगता है टेल के बिना सुपर सैयन 4 बनना नामुमकिन है। पता नहीं मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल कब तक करना पड़ेगा, पर मैं और ज़्यादा ताकतवर बन के रहूँगा। मैं जानता हूँ कि कैकरॉड भी उसी बारे में सोच रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बुलमा और चीची आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलमा बोलती है कि सैयंस तो फाइट को लेकर बिल्कुल ही पागल हैं। वेजिटा अराउंड 60 का होने वाला है पर फिर भी वो पागलों की तरह ट्रेनिंग करता रहता है। चीची बोलती है कि गोकू को देखे हुए तो मुझे कई साल हो चुके हैं, 3 साल से तो वो घर पर भी वापस नहीं आया है, मैं तो अब हार ही मान चुकी हूँ। इसके बाद हम ट्रंक्स और गोटेन को देखते हैं। गोटेन अब ट्रंक्स की कंपनी में काम करता है और गोटेन की अब शादी भी हो चुकी है। जैसे ही गोटेन और ट्रंक्स आपस में बात कर रहे होते हैं वैसे ही गोटेन को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि वो फादर बनने वाला है, और ट्रंक्स गोटेन को घर जल्दी जाने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं। गोहान भी अपने किसी रिसर्च में लगा हुआ होता है। तभी गोहान को कुछ महसूस होता है। गोहान बोलता है कि ये की किसी है, धरती की तरफ कोई तेज़ी से बढ़ रहा है। गोहान के साथ बाकी सभी को भी ये सब कुछ महसूस हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर क्या हो रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि गोटेन क्या तुमने वो महसूस किया, कोई बहुत ही ताकतवर की धरती की तरफ बढ़ रही है। पैन को भी ये सब कुछ महसूस हो जाता है और वो भी ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आइस धरती तक पहुंचने ही वाला होता है। आइस की शिप बहुत तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रही होती है और आइस स्पेसशिप से देखता है कि धरती कितनी छोटी है। वो बोलता है कि अच्छा तो ये धरती है। इसके बाद आइस हंसता है और बोलता है कि देखते हैं कि संगोकू के साथ लड़के मुझे मज़ा आता है या नहीं, पर उसे ये नहीं पता कि धरती पे अब गोकू है ही नहीं। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं। गोहान बहुत तेज़ी से उड़ के उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पे आइस की शिप लैंड करने वाली है। गोहान अपने मन में बोलता है कि आखिर ये कौन हो सकता है, मुझे इससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। आइस की शिप धरती के बाहर तक पहुँच चुकी होती है और ये बात उसके सोल्जर्स को बताते हैं। वेजिटा आखिरकार वहाँ पहुँच चुका होता है जहाँ पर आइस की शिप लैंड करने वाली है। वेजिटा बोलता है कि वो जो भी हो वो यहीं पर लैंड करेगा। उसके पीछे हम देखते हैं कि ट्रंक्स खड़ा होता है और ट्रंक्स किसी को देख के बहुत हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि पैन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ट्रंक्स पैन से बोलता है कि पैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पैन बोलती है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक की महसूस हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ट्रंक्स पैन से बोलता है कि पैन ये शख्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम घर जाओ। पैन बोलते हैं कि नहीं, मैं भी एक सैयन हूँ तुम्हारी ही तरह, तो मैं लड़ूंगी। वेजिटा ये बात सुन के खुश होता है। इसके बाद वहाँ पे ऊप भी पहुँच जाता है। ऊप बोलता है कि तुम सभी से मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान भी आखिरकार वहाँ पे पहुँच जाता है। गोहान बोलता है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी सब पहुँच चुके हैं। इससे पहले कि गोहान किसी से मिले वेजिटा चिल्लाता है कि वो शिप यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद सभी लोग उस शिप को देखते हैं जो कि धरती पे लैंड करने वाली है। उस शिप के अंदर से जो ऑरा हमारे वॉरियर्स को महसूस हो रहा होता है वो हर किसी को डरा रहा होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक ऑरा होता है। इसके बाद वो शिप लैंड करती है और हमारे वॉरियर्स वहाँ पर जाते हैं। गोहान बोलता है कि ऐसी शिप्स तो मैंने पहले भी देखी हैं पर कहाँ। तभी उसे याद आता है, वो बोलता है कि हाँ ये तो फ्रीजा की स्पेसशिप हैं। गोटेन बोलता है कि तो क्या ये फ्रीजा है। वेजिटा बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, इस शख्स की बहुत ज़्यादा ताकतवर है, फ्रीजा से कहीं ज़्यादा ताकतवर, ये शख्स ज़रूर कोई और है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि यहाँ पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें वहाँ पर चल के देखना चाहिए कि ये कौन है। आइस की शिप लैंड कर चुकी होती है और आइस स्पेसशिप से बाहर आ चुका होता है। वो बोलता है कि अच्छा तो ये अर्थ है, बहुत बढ़िया। आखिरकार आइस धरती तक पहुंच जाता है और उसका बस एक ही मकसद है, संगोकू से लड़ना।
आइस अपने ट्रुप से बोलता है कि जाओ और सनगोकू को ढूंढो। उसका एक ट्रुप बोलता है कि जी सर, मैं वही काम कर रहा हूँ। और जैसे ही वो अपने स्काउटर पे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोलता है कि हमारी तरफ 6 लोग आ रहे हैं और उन सभी का पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। आइस बोलता है कि क्या कहा? तभी सारे के सारे जी वॉरियर्स एकदम से आइस के सामने पहुँच जाते हैं। आइस अचानक से ही इन सभी लोगों को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग कौन हो? वेजिटा बोलता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी आइस का एक ट्रुप वेजिटा को पहचान जाता है। वो बोलता है कि तुम तो वेजिटा हो ना, जिसने फ्रीजा आर्मी को धोखा दिया था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेजिटा बोलता है कि लगता है तुम सभी फ्रीजा के चमचे हो, पर तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? फ्रीजा का ट्रुप बोलता है कि अपनी जबान संभाल के, तुम अपने सामने जिसे देख रहे हो वो लॉर्ड फ्रीजा के बेटे हैं। लॉर्ड आइस गोहान ये बात सुन के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि फ्रीजा का बेटा? वेजिटा भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि फ्रीजा के बेटे को यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आइस बोलता है कि मैं यहाँ पे सनगोकू नाम के शख्स को ख़त्म करने आया हूँ, जिसने मेरे फादर को मारा था। वेजिटा ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वह बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो, यानी कि मैं सही था, तुम सभी लोग फ्रीजा के चमचे हो। आइस बोलता है कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने आया हूँ, मुझे बदला लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। आइस बोलता है कि तुम क्या ताकतवर हो? वेजिटा बोलता है कि हाँ, मैं वो शख्स हूँ जो कैकर और से भी ज़्यादा ताकतवर है। आइस बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो क्या तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओगे? वेजिटा बोलता है कि ज़रूर, पर तुम जल्द ही पछताने वाले हो। गोहान और ट्रंक्स वेजिटा को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वेजिटा सभी लोगों से बोलता है कि मेरी फ़ाइट में कोई भी इंटरफेयर मत करना, ये फ़ाइट मैं अकेले लड़ूंगा। इसके बाद वेजिटा एकदम से पावर अप करने लग जाता है, ताकि वो आइस से पूरी ताकत पे लड़ सके। पहले वो सुपर सैयन 2 पे जाता है, पर इसके बाद भी वो पावर अप करता रहता है और एकदम से सुपर सैयन 3 पे चला जाता है। गोहान ये देख के हैरान रह जाता है कि वेजिटा सुपर सैयन 3 में बदल सकता है। वो भी वेजिटा की ताकत को देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि ये ताकत तो सच में कमाल है। वेजिटा आइस से बोलता है कि क्या तुम तैयार हो? आइस बोलता है कि हाँ, जब तुम चाहो शुरू कर सकते हो। इसके बाद वेजिटा खुद को थोड़ा सा शांत करता है और एकदम से आइस पे हमला करना शुरू कर देता है। आइस वेजिटा के पहले पंच से बच जाता है और उसे काउंटर पंच करने में भी कामयाब रहता है, पर वेजिटा भी आइस को पंच मारने में कामयाब हो जाता है। उन लोगों में बराबरी की फाइट चल रही होती है, पर एंड में हम देखते हैं कि आइस हंस रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि ये फाइट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वेजिटा थोड़ा सा पीछे जाता है और एकदम से आइस पे फिर से हमला करना शुरू कर देता है। इस बारी वेजिटा थोड़े बेहतर तरीके से लड़ पा रहा होता है और आइस के अटैक से काउंटर भी कर पा रहा होता है। वेजिटा एकदम से आइस के पीछे जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर आइस वेजिटा की चाल को समझ जाता है और उसके अटैक को डॉज भी कर देता है। वेजिटा के पास ना जाने कितने सालों की ट्रेनिंग है और आइस अभी कुछ ही समय पहले जागा है, पर फिर भी वो वेजिटा से बराबरी पर लड़ पा रहा होता है और धीरे धीरे करके उसे ओवर पावर भी कर रहा होता है। आइस वेजिटा के पेट में बहुत ज़ोरदार लात मारता है और इसके बाद उसके चेहरे पर बहुत ज़ोरदार कोनी मारता है। वेजिटा एक चट्टान से टकराने वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है और एकदम से आसमान की तरफ चला जाता है और आइस भी उसे देख रहा होता है। इसके बाद वेजिटा एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है और वो अपना बिग बैंग अटैक एकदम से आइस पे शूट करता है। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 के लेवल पर है। सभी जी वॉरियर्स के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि ये अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर है, और जैसे ही ये अटैक आइस के पास पहुँचता है, वो बस एक हाथ से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और आसमान की तरफ चला जाता है। वेजिटा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता, बल्कि किसी भी जी वॉरियर को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आइस ने वेजिटा के इतने ताकतवर अटैक को कितने आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया। इसके फौरन बाद आइस एकदम से वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देता है। वेजिटा अपना दूसरा अटैक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इतने में आइस वेजिटा तक पहुँच जाता है और उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, और अब वेजिटा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस बारी की फाइट को देख के पता चल रहा होता है कि वेजिटा कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 लेवल पर है, पर आइस अपने सिर्फ लेवल 1 पर है, यानी कि ये उसकी मैक्सिमम पावर भी नहीं है, ये उसके लिए सिर्फ इन्जॉयमेंट है। लड़ने के बाद आइस और वेजिटा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वेजिटा के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि वो आइस की ताकत से हैरान है, और आइस हंस रहा होता है। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट फाइट है, तुम अभी तक के मेरे सबसे वर्दी अपोनेंट हो। वेजिटा के चेहरे पर थोड़ा सा डर दिख रहा होता है। वो बोलता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है, फ्रीजा और इसकी ताकतों में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी गोहान के माइंड में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि गोहान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गोहान बोलता है कि क्या ये पिकलो है? पिकलो इस वक्त हेल में है,
वो बोलता है कि हाँ, हमें बात करे हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। पिकलो बोलता है कि गोहान, इस वक्त मैं डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रीजर ने अभी मुझे कुछ बताया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। गोहान बोलता है कि ख़तरनाक है? फ्रीजर और फ्रीजर की फैमिली के लोग विंटर नाम के एक प्लैनेट से आते हैं, और इस प्लैनेट पे जो भी जन्म लेता है वो जन्म लेने के बाद खुद को आइस में कवर कर लेता है और एक तरीके के थॉनिक पीरियड में चला जाता है। जितना लंबा ये थॉनिक पीरियड होता है उतना ही ताकतवर उसके अंदर का वॉरियर बनता है। फ्रीजर के केस में उसका थॉनिक पीरियड 5 साल का था और किंग कोल्ड के केस में ये 6 साल का था। और फ्रीजर ने मुझे बताया है कि आइस का थॉनिक पीरियड करीब 50 साल का है। आइस वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मुझे थोड़ा सा और एंटरटेन करो। और ये बोलते बोलते आइस के चेहरे पर एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। हेल में फ्रीजर हंस रहा होता है, वो आइस को देख रहा होता है। वो बोलता है कि आइस बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा हुआ है, आखिरकार इन सैयन से मेरा बदला मुझे मिल जाएगा। गोहान बोलता है कि आइस 50 साल बाद जगा है, जिसका मतलब यह है कि वो फ्रीजर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। पिकलो बोलता है कि सही कहा, अगर तुम इसे सिंपल टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो वो इतना ही ताकतवर होगा, पर सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अगर तुम सबको मिलकर भी आइस से लड़ना पड़े तो उसमें घबराना मत। गोहान बोलता है कि पिकलो सही कहा, मुझे भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। इसके बाद गोहान वेजिटा को आवाज़ लगाता है, वो बोलता है कि वेजिटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वेजिटा हंसता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम जैसे कमज़ोरों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मेरी अकेले की ताकत उसे हराने के लिए काफ़ी है, बस चुप होकर ये फाइट देखते रहो। आइस बोलता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं, मैं तुम्हारी पूरी ताकत को देखना चाहता हूँ। वेजिटा बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर होगे। चलो अब मेन इवेंट शुरू करते हैं। वेजिटा और आइस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और वेजिटा एक बारी आइस पे फिर से अटैक करना शुरू कर देता है और उसे खिंचा के घुसा मारता है। ये पंच आइस को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से लगा होता है और इस बारी वेजिटा आइस पे पूरी तरीके से हावी होता है। वो लगातार उस पर लाते और घुसे बरसा रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि आइस अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। वेजिटा इसके बाद अटैक्स बनाता है और एकदम से लगातार ये अटैक्स आइस पे शूट करने लग जाता है। आइस पहले अटैक से बच जाता है, वो एकदम से बहुत तेज़ी से वेजिटा की तरफ जाता है और वेजिटा हैरान रह जाता है। वो एकदम से जाके वेजिटा को बहुत ज़ोरदार कोनी मारता है और एक बारी फिर से आइस वेजिटा पे हावी होने लग जाता है और लगातार उसे पीटे जा रहा होता है। इस बारी वेजिटा आइस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर आइस उससे हर अटैक में आगे होता है। वेजिटा जो भी अटैक्स कर रहा होता है आइस उसे काउंटर करे जा रहा होता है और आखिरकार वो वेजिटा के सर पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और वेजिटा एकदम से ज़मीन पे जाके टकराता है और उसके सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है। आइस एकदम से वेजिटा के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ, अब ये मत बोलना कि ये तुम्हारी पूरी ताकत थी, अगर सच बताऊँ तो मैं तुम्हारी ताकत से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वेजिटा हंसता है और बोलता है कि रिलैक्स, चिंता मत करो, ये मेरी असली ताकत नहीं है। वेजिटा आइस से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे के खिलाफ मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेजिटा अपनी जेब में से कुछ निकालता है और एकदम से ट्रंक्स को पुकारता है। वो एक कैप्सूल खोलता है और एक मशीन बाहर निकलती है। वेजिटा ये मशीन ट्रंक्स को देता है और बोलता है कि ट्रंक्स, इस मशीन को मुझ पर शूट करना। ट्रंक्स पूछता है कि ये क्या है। वेजिटा बोलता है कि ये पोर्टेबल ब्लड स्वेव मशीन है, मैंने बुलमस से कहकर इसे बनवाया है। ट्रंक्स काफ़ी हैरान होता है, वो बोलता है कि ब्लड स्वेव मशीन, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है। आइस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि ट्रंक्स, उसे मुझ पर शूट करो। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है। एकदम से ट्रंक्स वेजिटा पे ब्लड स्वेव मशीन शूट करता है और वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उसकी एकदम से टेल निकल आती है, वो एकदम से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आइस वेजिटा की इस ताकत को देख के काफ़ी हैरान हो रहा होता है। वेजिटा का ऑरा कमाल का होता है और उसके अंदर से काफ़ी ताकत निकल रही होती है, पर आइस उसकी ताकत से बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि वेजिटा की ताकत तो कमाल की है। गोहान ये देख के हैरान हो रहा होता है कि वेजिटा सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा का पावर अप पूरा हो जाता है। वेजिटा आइस से बोलता है कि मेरा इंतज़ार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि क्या होता है जब मैं सीरियस होता हूँ, तुम बहुत ही जल्द पछताने वाले हो। आइस बोलता है कि एक धरतीवासी होने के बावजूद भी तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अजीब है, चलो अब राउंड 2 शुरू करते हैं। इसके बाद वेजिटा और आइस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटा और आइस दोनों ही कॉन्फिडेंट होते हैं, पर एक बारी फिर से वेजिटा अटैक्स करने की शुरुआत करता है। वेजिटा की स्पीड पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो आइस को पंच मारने में कामयाब हो जाता है। आइस वेजिटा के पंच की वजह से एक चट्टान से जाके टकराता है और उस चट्टान को तोड़ते हुए निकल जाता है। इसके बाद आइस खुद को रोकने की कोशिश करता है,
पर एकदम से वेजीटा उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही आइस को पता चलता है कि वेजीटा उसके पीछे है, वैसे ही वेजीटा उसे खिंचा के लात मारता है। वेजीटा के इस अटैक की वजह से आइस हवा में उड़ जाता है और इसके बाद वेजीटा अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। इस अटैक का नाम होता है फाइनल शाइन अटैक और एकदम से वेजीटा आइस पे अपना ये अटैक शूट करता है। ये अटैक काफ़ी पावरफुल होता है और आइस इस अटैक की चपेट में आ जाता है। इस अटैक की वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है और गोहान और बाकी जीवो और आइस भी इसकी ताकत से काफ़ी हैरान होते हैं। आइस के ट्रुप्स को लगता है कि आइस इससे बहुत ज़्यादा घायल हो गया होगा या फिर मारा गया होगा। गोहान और बाकी सभी आइस को देख रहे होते हैं कि क्या वो जिंदा है या मारा गया। पर जैसे ही धूल चढ़ती है, हम देखते हैं कि आइस मारा नहीं गया है पर वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। आइस वेजीटा की ताकत से काफ़ी हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। वो बोलता है कि वेजीटा की ताकत तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल है। आइस का एक ट्रुप बोलता है कि क्या लॉर्ड आइस ठीक हैं। दूसरा ट्रुप बोलता है कि हमें आइस को जल्दी से ठीक करना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। वेजीटा अपने अटैक से काफ़ी खुश लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने आइस को मज़ा चखा दिया, पर आइस एकदम से ज़मीन पर उतरने लग जाता है और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं होता। और जैसे ही वो वेजीटा के सामने आता है, वो हंसने लग जाता है। वेजीटा को समझ नहीं आता कि आइस हंस क्यों रहा है। आइस वेजीटा से बोलता है कि सच बताऊँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। लगता है अब मुझे इस फाइट को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। वेजीटा बोलता है सीरियस होना पड़ेगा, तुम क्या कहना चाहते हो? अभी तक तुम सीरियसली नहीं लड़ रहे थे। अगर तुम हारने ही वाले हो तो एटलीस्ट झूठ मत बोलो। तभी गोहान को एकदम से कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइस एकदम से अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर देता है। वेजीटा भी उसकी ताकत से हैरान हो रहा होता है और इसके बाद आइस की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आखिरकार वेजीटा समझ जाता है कि आइस झूठ नहीं बोल रहा था। आइस की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसका शरीर काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी ताकत का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे सारे के सारे जी वॉरियर्स आइस की ताकत से शौक में होते हैं। आखिरकार आइस की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है और वेजीटा बिल्कुल हैरान हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजीटा आइस की ताकत को देख के काँप रहा है। वेजीटा बोलता है कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। गोहान भी आइस की ताकत से बिल्कुल शौक में लग रहा होता है। आइस वेजीटा से बोलता है कि मेरी ताकत थोड़ी सी बढ़ गई है, पर प्लीज़ तुम आसानी से मत मर जाना। इसके बाद आइस वेजीटा से बोलता है कि क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? वेजीटा भले ही इस वक्त घबरा रहा हो, पर वो जानता है कि उसके पास इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है। गोहान अपने मन में बोलता है कि पिकलो सही था, हमें उसकी बात माननी चाहिए थी, हमें एक साथ मिलकर उस पर पहले ही अटैक करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि आइस अटैक के लिए तैयार हो जाता है और इस बारी फाइट में वेजीटा की जगह आइस पहली बारी अटैक करता है और वेजीटा आइस की स्पीड की वजह से बिल्कुल शॉक में होता है। आइस एकदम से वेजीटा के पास पहुंच जाता है और उसे खिंचा के घुसा मारता है। इसके बाद आइस वेजीटा को दूसरा घुसा मारता है और इन दो घुसों की वजह से ही वेजीटा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वेजीटा अभी हवा में ही होता है और आइस एकदम से उसके पीछे आ जाता है और एकदम से आके फिर से उसे घुसा मारता है। फिर आइस एकदम से वेजीटा को लात मारता है और एकदम से एक अटैक बना लेता है। वेजीटा भी ज़मीन पर पहुँच के खुद को संभाल ही रहा होता है। उसे ये नहीं पता होता कि आइस एक अटैक बना रहा है। एकदम से गोहान चिल्लाता है कि वेजीटा पीछे देखो, और जैसे ही वेजीटा देखता है आइस का अटैक उस तक पहुँच जाता है। ऐसा लगता है कि वेजीटा अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं रहा और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बाकी जीव और इस अटैक के प्रेशर से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वेजीटा अपने आप को बचाने में कामयाब रहा और एकदम से हवा में चला गया। और जैसे ही वेजीटा खुद को बचाता है आइस उसके पीछे आ जाता है। वेजीटा मुड़ के देखता है और इसके बाद वेजीटा आइस पे एक बहुत ही डेस्परेट अटैक करता है, पर इस अटैक को आइस बहुत ही आराम से रोक लेता है। इसके बाद वेजीटा और आइस एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर वेजीटा को देख के पता चल रहा होता है कि वो हार रहा है। आइस पावर के उस लेवल पर है जहाँ वेजीटा को हराना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइस वेजीटा को एक बहुत ही ज़ोरदार लात मारता है और वेजीटा बहुत तेज़ी से जाके ज़मीन से टकराता है। वेजीटा इतनी ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराया होता है कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। वेजीटा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और ट्रंक से ये देखा नहीं जाता। तभी गोहान एक फैसला करता है। गोहान सबसे बोलता है कि गोटेन ट्रंक्स ऊब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके हम सभी ख़त्म हो जाएंगी। ट्रंक्स बोलता है कि सही कहा। ट्रंक्स ब्लड स्वेविंग मशीन पेन को दे देता है और गोटेन से बोलता है कि गोटेन चलो फ्यूज़ करते हैं। गोटेन और ट्रंक्स के फ्यूज़ करते ही हम फ्यूजन वॉरियर गोटेंक्स को देखते हैं और ऊब बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग से मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और इसके बाद ऊब भी पावर अप करता है और इसके बाद गोटेंक्स और ऊब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकदम से वो दोनों अटैक करने के लिए आइस की तरफ बढ़ते हैं। आइस वेजीटा से बोलता है कि क्या हुआ, तुम हार मान चुके हो क्या? तभी वो देखता है कि दो वॉरियर्स उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले गोटेंक्स आइस पर अटैक करता है और इसके बाद ऊब आइस पर अटैक करता है, पर आइस खुद को दोनों अटैक से बचाने में कामयाब हो जाता है। आइस बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहते हो? गोटेंक्स और ऊब को समझ आ रहा होता है कि आइस के
और उनके पावर लेवल में कितना ज़्यादा फर्क है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुहाना भी अटैक करने के लिए नहीं गया होता है। गुहान पेन से बोलता है कि पेन वो बुलेट से मशीन मुझ पर शूट करो। पेन बोलती है कि डैड अगर मैं ये मशीन आप पे शूट करूँगी तो आप एक हज़ारों में बदल जाएंगी। गुहान बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। मैं अपनी ताकत के करंट लेवल पर उससे नहीं लड़ सकता हूँ। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं वो हर चीज़ ट्राई करूँ जो मैं कर सकता हूँ। ये एक गैम्बल है, पर मैं एक सुपर सैयन 4 में बदलूँगा। पेन बोलती है कि डैड आप एक सुपर सैयन 4 में बदलना चाहते हैं। गुहान बोलता है कि हाँ, पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। पेन बोलती है कि मेरी मदद की ज़रूरत? गुहान बोलता है कि हाँ, जब वेजिटा धरती पर पहली बार आया था तब मैं एक औजारों में बदला था, पर मैं अपने दोस्तों की और फादर की आवाज़ सुन पा रहा था। शायद वो मेरे हाफ अर्थलिंग होने की वजह से हुआ था, और शायद इसी वजह से मेरे सेंसेस गेन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुपर सैयन 4 बनने के लिए ज़रूरी ये है कि औजारू बनने के बाद अपने सेंसेस को गेन करो, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। जब मैं एक औजारू में बदल जाऊँ तब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पुकारो। तुम्हारी आवाज़ मुझे मेरी सेंसेस पे वापस लाने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। पेन बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, इसे ट्राई करते हैं। गुहान बोलता है कि थैंक्स, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद पेन गुहान पर ब्लस्ट मशीन शूट करती है, और जैसे ही ये रे गुहान को लगती है, गुहान की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और वो एक औजारों में बदलने लग जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो एक सुपर सैयन औजारों में बदल जाता है। आइस गुहान को देख के एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि इतना बड़ा बंदर कहाँ से आ गया? वो बोलता है कि गुहान एक औजारों में बदल गया। औजारों में बदलने के बाद गुहान अपनी सारी सेंसेस को खो चुका होता है, और वो हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो हर जगह तबाही मचा रहा होता है तभी वहाँ पे पेन आ जाती है। पेन बोलती है कि डैड ये मैं हूँ, क्या आप मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। जैसे ही गुहान पेन की आवाज़ सुनता है उसे एकदम से याद आने लग जाता है कि वो कौन है और वो औजारों में क्यों बदला था। पेन बोलती है कि डैड अपने सेंसेस में वापस आइए। औजारू गुहान एकदम से चिल्लाता है और फिर वो खुद को कंट्रोल करने लग जाता है। पेन भी ये सब कुछ देख के हैरान हो रही होती है, और एकदम से गुहान की बॉडी छोटी होने लग जाती है। पर इस बारी गुहान की एक टेल भी है, और वो ताकत के एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, और उसकी ताकत को देख के सारे वॉरियर्स हैरान होते हैं। गुहान इस यूनिवर्स का तीसरा सुपर सैयन 4 होता है। गुहान की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पेन काफ़ी खुश लग रही होती है, और वो बोलती है कि डैड आप एक सुपर सैयन 4 बनने में कामयाब रहे। गुहान बोलता है कि पेन ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से ही कर पाया, थैंक यू, पर अब मैं इस तरीके से फ़ाइट कर सकता हूँ। वेजिटा गुहान को देख के काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि वो तो पहली बारी में ही ट्रांसफॉर्म हो गया, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। ऊब और गोटेंग्स गुहान की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि गुहान अब एक सुपर सैयन 4 में बदल चुका है, अब हमारे पास आइस को हराने का एक चांस है। गुहान एकदम से चिल्लाता है और बोलता है कि वेजिटा अब हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें फ्रीजा के बेटे के सामने इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है गुहान, पर लड़ाई में तुम्हारी वजह से मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुहान बोलता है कि ठीक है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है तो चलो। इसके बाद वेजिटा और गुहान मिलकर आइस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और आइस थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि एक सुपर सैयन 4 को संभालना फिर भी आसान है, पर दो सुपर सैयन 4 को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी आइस वेजिटा और गुहान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और दोनों मिलकर जैसे ही आइस पर अटैक करते हैं आइस उन्हें संभाल रहा होता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहा होता है। आइस स्माइल कर रहा होता है, और बस इतना ही नहीं, गोटेंक्स और ऊब भी उस पर हमला कर रहे होते हैं, और आइस उन दोनों को भी संभाल रहा होता है। चारों जी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आइस उनसे अकेला लड़ रहा होता है। आप सोच सकते हैं कि आइस की ताकत कितनी ज़्यादा होगी। इसके बाद वेजिटा एक अटैक बनाता है और इस अटैक को एकदम से आइस पर शूट करता है। ये अटैक वेजिटा का सबसे ताकतवर अटैक होता है, यानी कि बिग बैंग अटैक। आइस इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है, और इसके बाद वो इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो भी जानता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर आइस इस अटैक को रोकने लग जाता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा के इस अटैक को पुश कर रहा होता है, और आइस भी इस अटैक को रोक रहा होता है। इसके बाद वो भी अपने अटैक को चार्ज करता है और अपना सुपर चॉकलेट बीम अटैक को शूट करता है, और गोटेंक्स भी तब तक अपना अटैक तैयार कर लेता है और इस अटैक को वेजिटा के अटैक पर शूट करता है। इससे वेजिटा का अटैक और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इस अटैक के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, और आइस अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इस अटैक को किसी तरीके से रोक सके। वेजिटा ऊब और गोटेंक्स मिलकर भी अभी आइस को हरा नहीं पा रहे होते हैं। इतने में वेजिटा गुहान से बोलता है कि गुहान अब तुम्हारी बारी है। गुहान बोलता है कि हाँ। इसके बाद गुहान पावर अप करने लग जाता है और अपनी सारी ताकत को बाहर निकालता है। वो अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाता है, यानी कि कामेहामेहा वेव, और इसके बाद वो इस अटैक को वेजिटा के अटैक पर शूट कर देता है। इस अटैक की ताकत मिलने के बाद उन सभी का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और आखिरकार आइस इस अटैक को नहीं रोक पाता। ये अटैक उसे लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि धरती के बाहर से भी दिख रहा होता है। हेल के अंदर फ्रीजा हैरान रह जाता है
क्योंकि उसका बेटा हार रहा होता है। पर पिकलो खुश होता है, वो बोलता है कि आखिरकार इन लोगों ने कर दिखाया। जहाँ पर हमारे वॉरियर्स का अटैक टकराया होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। गोहान बोलता है कि लगता है ये सब कुछ ख़त्म हो गया। वेजिटा बोलता है कि हाँ, पर इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। आइस के सोल्जर्स आइस की हार से हैरान होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से कोई निकल रहा होता है। गोहान को विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वेजिटा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। इस अटैक को पूरा झेलने के बाद भी आइस काफ़ी कुछ ठीक लग रहा होता है। गोटेंस बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने उस पूरे अटैक को झेल लिया। वो बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। आइस गड्ढे से बाहर आने के बाद वॉरियर्स के सामने आके खड़ा हो जाता है और स्माइल कर रहा होता है। आइस गोहान और वेजिटा से बोलता है कि मुझे इस लड़ाई में काफ़ी मज़ा आया, इस लड़ाई की वजह से मेरा काफ़ी सारा स्ट्रेस कम हो गया और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा और मैं तुम्हें एक प्रेजेंट भी देना चाहता हूँ और वो प्रेजेंट है कि मैं अपने असली फॉर्म में आकर तुम लोगों को ख़त्म कर दूँगा। उसमें बस एक ही सेकंड लगेगा, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। वेजिटा कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी असली फॉर्म? आइस बोलता है तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली फॉर्म। और ये बोलते बोलते आइस के चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। इसके बाद हम कायोशिन रैल को देखते हैं। कायोशिन रैल में हम देखते हैं कि कबीटो काय भागते हुए एकदम से ओल्ड सुप्रीम काय के पास आते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। कबीटो काय बोलते हैं कि आप इतने आराम से क्यों बैठे हैं, धरती पर आप जानते भी हैं कि क्या हो रहा है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि क्या हो रहा है। कबीटो काय बोलते हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जिस फ्रीजर ने पूरी गैलेक्सी पर कब्जा करने की कोशिश करी थी उसका एक बेटा भी है। फ्रीजर का ये बेटा ताकतवर ओपोनेंट्स को ढूंढ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो गोको को ढूंढ रहा है और इसीलिए वो धरती पर गया है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा, ऐसा है क्या? पर अगर वो धरती पर गया है तो वेजिटा या सन गोहान उसे संभाल लेंगे, मैंने सही कहा ना? कबीटो काय बोलते हैं कि नहीं, फ्रीजर का बेटा फ्रीजर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है और धरती के वॉरियर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय अपने क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि धरती पर क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, धरती के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय, क्या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे ये बात बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। कबीटो काय बोलते हैं यानी कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमें सन गोकू को रिवाइव करना होगा। ओल्ड सुप्रीम काय थोड़ा सा सोचते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल हम गोकू को रिवाइव नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहता, पर फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें ये मामला वेजिटा और सन गोहान पर ही छोड़ना होगा। इस वक्त हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। कबीटो काय बोलते हैं कि पर उनका ओपोनेंट तो उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उसके सामने कैसे टिक पाएंगे? वो अपनी कितनी भी कोशिश कर लें, उनके लिए फ्रीजा के बेटे को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर धरती के वॉरियर्स ऐसे खतरे का सामना भी नहीं कर पाएंगे तो धरती आज नहीं तो कल वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। कबीटो काय बोलते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि वक्त आने पे तुम समझ जाओगे, पर फिलहाल हम बस देख ही सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं क्या? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि धरती बहुत ज़्यादा खतरों में पड़ती है। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा, गोहान, ओब और गोटेंग्स सब हैरानी से आइस की तरफ देख रहे होते हैं और आइस अपना पावर अप शुरू कर देता है। आइस बोलता है कि अब ध्यान से देखना, ये है मेरी असली फॉर्म। इसके बाद आइस पावर अप करता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। गोहान आइस को देख रहा होता है। आइस की बॉडी लगातार बदलती जा रही होती है और उसकी ताकत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। आखिरकार आइस की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, हर तरफ धूल फैल जाती है। गोटेंक्स बोलता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। वेजिटा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कीमती ज़्यादा कैसे हो सकती है। वो बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हम ऐसे शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी कीमती ज़्यादा हो। गोहान पेन से बोलता है कि पेन यहाँ से चली जाओ। वेजिटा बोलता है कि वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। गोटेंक्स बोलता है कि देखो, धूल छट रही है, हम उसे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आइस की असली फॉर्म को देखते हैं। आइस की सारी इंजरीज हील हो चुकी होती हैं और वो बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम किंग काय को देखते हैं जो कि धरती पर हो रही चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये ताकतवर है, नहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पता नहीं वो तो ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वैसे भी किसे पता था कि फ्रीजा का एक बेटा भी है, मुझे लगता है कि ये धरती का अंत है, नहीं ये पूरे यूनिवर्स का अंत है। अब गोकू यहाँ पर नहीं है, अगर वो होता तो वो इसे हरा सकता था। गोहान और बाकी जी वॉरियर्स आइस को देख रहे होते हैं, सभी के सभी उसकी ताकत से घबरा रहे होते हैं। आइस बोलता है कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
ये सब कुछ बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आइस के ट्रूप्स एक एक करके बेहोश होने लग जाते हैं और पैन के भी शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। गोटेंक्स बोलता है कि इसकी की इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो कमज़ोर लोगों को बेहोश करती जा रही है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये हम सबका अंत है। इसके बाद आइस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एकदम से पावर अप करता है। वो अपनी सारी की सारी ताकत को बाहर निकालता है और उसका पावर अप इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि सारे के सारे जीवोरस उड़ जाते हैं। सिर्फ उसके पावर अप करने से इतना बड़ा धमाका होता है कि सारे के सारे जीवोरस दूर पहुँच जाते हैं और आसपास का सारा एरिया तबाह हो जाता है। इसके बाद गोहान डरते डरते आइस को देख रहा होता है और आइस उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जैसे ही आइस गोहान के पास पहुँचता है, वो एकदम से ऊप के पेट में बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि ऊप की जान निकल जाती है। गोहान देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता और ऊप के मुँह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि इसकी स्पीड तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पैन और गोटेंक्स भी आइस को देख रहे होते हैं और आइस ऊप को एक खिंचा के लात मारता है और ऊप धरती से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है। गोहान ऊप की हालत को देख के चिल्लाता है पर ऊप अब बेहोश हो चुका है। और इसके बाद आइस का नेक्स्ट टारगेट होता है गोटेंक्स। इसके बाद वो गोटेंक्स पे हमला करना शुरू करता है। वो एकदम से गोटेंक्स के पीछे पहुंच जाता है और उसे पंच मारने वाला होता है। आइस गोटेंक्स को एक पंच मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि गोटेंक्स का एक हाथ ही टूट जाता है। गोटेंक्स दर्द से कर्रहा होता है और आइस इसके बाद उसे ख़त्म करने वाला होता है। पर तभी एकदम से गोहान आइस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है ताकि वो गोटेंक्स को बचा सके। और जैसे ही आइस गोटेंक्स को ख़त्म करने वाला होता है, गोहान उस पर अटैक करता है। पर आइस गोहान के अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। गोहान आइस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर आइस की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो खिंचा के गोहान को एक लात मारता है पर गोहान हवा में खुद को रोक लेता है। और इसके बाद वो आइस पर की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। गोहान अपना की ब्लास्ट एकदम से आइस पर शूट करता है पर आइस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और जैसे ही गोहान का अटैक आइस तक पहुँचता है, वैसे ही आइस उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। पर गोहान का अटैक रुकता नहीं है, वो एक सिटी को जाके तबाह कर देता है। गोहान बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी पूरी ताकत से कामयाबी एयरवेव को शूट किया था और उसने उसे इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। वो मेरा फुल पावर अटैक था। हम लोगों के लेवल्स बिल्कुल ही अलग हैं। गोटेंक्स भी ये देख के हैरान हो रहा होता है कि गोहान का फुल पावर अटैक बेकार हो गया है। इसके बाद आइस फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। वो एकदम से गोहान की तरफ बढ़ता है और उस पर लातों और घुसों की बरसात कर देता है। गोहान आइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी विल पावर भी ख़त्म हो चुकी है। वो जानता है कि आइस उससे ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद आइस गोहान को खिंचा के लात मारता है और गोहान एकदम ज़मीन पर जाके गिर जाता है। इसके बाद आइस ज़मीन पर उतरने लग जाता है। वेजिटा बिल्कुल होपलेस हो चुका है। वो बोलता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये धरती का अंत है। इसके बाद गोहान उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो अभी भी लड़ना चाहता है पर वो जानता है कि वो जीत नहीं सकता। आइस बोलता है कि तुम धरती को नहीं बचा पाओगे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। गोहान अपने मन में बोलता है कि डैड अब मैं क्या करूँ। कबीटो काई और एंसेस्टर देख रहे होते हैं कि धरती पर क्या चल रहा है। कबीटो काई एंसेस्टर से बोलते हैं कि एंसेस्टर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब मारे जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें गोगो को रिवाइव करना ही होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि पर गोगो इस वक्त बिजी है। कबीटो काई बोलते हैं कि गोकू इस सिचुएशन में ज़रूर कुछ कर पाएगा, हमें उसे रिवाइव करना होगा इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। एंसेस्टर किसी वजह से बहुत ज़्यादा हिचक रहे होते हैं। एंसेस्टर कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी कबीटो काई चिल्लाते हैं कि एंसेस्टर आप क्या सोच रहे हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं और आइस गोहान को घूर रहा होता है। इसके बाद आइस अपना हाथ आगे करता है। गोहान समझ जाता है कि आइस उस पर अटैक करने वाला है और इसके बाद आइस एकदम से एक अटैक शूट करता है। ये एक लेज़र अटैक होता है और ये गोहान के पैर पे शूट हुआ होता है। गोहान इस अटैक की वजह से दर्द से कर्रहाने लग जाता है और आइस स्माइल कर रहा होता है। पिकलो, वेजिटा और पैन ये देख के हैरान रह जाते हैं। गोहान बोलता है कि उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसके अटैक को देख भी नहीं पाया। इसके बाद आइस फिर से अटैक करना शुरू करता है और लगातार गोहान पर अटैक करे जा रहा होता है। गोहान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है पर आइस के अटैक्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एक एक करके वो गोहान को लगे जा रहे होते हैं। इसके बाद आइस लगातार अटैक करने लग जाता है और ये सारे के सारे अटैक गोहान को लग रहे होते हैं। गोहान अपने आप को आइस के अटैक से बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा होता। वेजिटा भी गोहान की हालत को देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। पर पैन को उसके फादर की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से आइस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है कि रुक जाओ। आइस देखता है कि पैन उस पर अटैक करने वाली है। पैन आइस को किक करने वाली होती है पर आइस पैन के मुकाबले बिल्कुल ही अलग लेवल पर है और वो पैन के अटैक से खुद को बड़े आराम से बचा लेता है। इसके बाद पैन आइस पे एक अटैक शूट करती है और ये अटैक इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि आइस इस अटैक को डॉज भी नहीं करता। वो अटैक आइस को लगता है और ख़त्म हो जाता है।
पैन ये देख के हैरान रह जाती है और राइस पैन को देख के हंस रहा होता है। गोहान की हालत काफ़ी ख़राब होती है, वो बोलता है कि पैन नहीं, यहाँ से चली जाओ। पैन भी ये बात समझ जाती है कि आइस पे अटैक करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो एकदम से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो वहाँ से भाग रही होती है वो देखती है कि आइस उसके एकदम से सामने आ गया है। आइस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी। आइस स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूँ। गोहान बोलता है कि आइस ऐसा मत करना। पैन काफ़ी डर रही होती है और उसे गोको की याद आ रही होती है। इतने में कबीटू को एंसेस्टर से बोलते हैं कि एंसेस्टर हमें जल्दी कुछ करना होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि हाँ। वेजिटा भी समझ रहा होता है कि पैन अब बहुत बड़े खतरे में है। गोहान बोलता है कि मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आइस अपना अटैक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वेजिटा, गोहान और गोटेंग से सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद आइस स्माइल करता है। गोहान चिल्लाता है कि आइस रुक जाओ, पर इतने में आइस अपना अटैक शूट कर देता है और ये अटैक पैन की छाती से होकर निकल जाता है। पैन वहीं के वहीं मारी जाती है। गोहान अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी बेटी उसके सामने मारी जाती है। पैन की बॉडी आके ज़मीन पर गिर जाती है। गोहान एकदम से उड़ के पैन के पास जाता है और उसके सामने पैन की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखेगा। अपनी बेटी की डेड बॉडी देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कबीटू काय और एंसेस्टर भी ये देख के हैरान रह जाते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि नहीं, हमें बहुत देरी हो गई। गोटेंक्स बोलता है कि नहीं, पैन की तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। वेजिटा भी दूर से बस ये सब कुछ देख रहा होता है। आइस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकली। गोहान पैन की बॉडी को अपने हाथों में ले लेता है और उसकी बॉडी को पकड़ के रो रहा होता है और गोहान का रेज बढ़ने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इस गुस्से की वजह से अचानक से ही गोहान के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। उसका गुस्सा फट चुका होता है। उसकी एनर्जी से हर तरफ तूफान सा आ गया होता है। सुप्रीम काइस, गोटेंक्स, वेजिटा और आइस ये सब कुछ देख रहे होते हैं और गोहान का गुस्सा फट रहा होता है। वो अपनी बेटी के मरने के दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर गोहान अपना आपा खो देता है। उसके अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ जाती है। वेजिटा और गोटेंक्स भी इस एनर्जी के सामने नहीं रुक पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि आइस को भी इस एनर्जी के सामने खड़ा हो पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। और जैसे ही गोहान के शरीर में से ये एनर्जी निकलना बंद होती है, उसके चारों तरफ एक गड्ढा बन गया होता है और ये गड्ढा उसकी एनर्जी की वजह से बना होता है। आइस, गोटेंक्स और वेजिटा ये देख के हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सारी धूल छटती है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोहान बिल्कुल अलग लग रहा होता है। उसके बाल वाइट हो चुके होते हैं पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। वो अभी भी रेज में होता है और उसके हाथों में पैन की डेड बॉडी होती है। गोहान दुनिया की सबसे पहले सुपर सीजन 5 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। गोहान एकदम से सबकी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है और एकदम से गोटेंक्स के पास पहुंच जाता है। वो पैन की बॉडी को गोटेंक्स को पकड़ाता है और इसके बाद गोहान ज़मीन पर उतरता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइस भी ये देख के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका है कि गोहान उससे लड़ना चाहता है। इसके बाद आइस भी ज़मीन पर उतरता है और गोहान आइस को गुस्से में देख रहा होता है। आइस गोहान से बोलता है कि लगता है तुमने फिर से फॉर्म चेंज कर ली है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी ये फॉर्म मेरे टाइम के लायक है या नहीं। गोहान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी पैन के साथ ऐसा करने की, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। कबीटो का एंसेस्टर से बोलते हैं कि एंसेस्टर ये क्या हो रहा है। एंसेस्टर बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। वेजिटा भी गोहान की इस नई फॉर्म को देख के हैरान होता है और गोहान इसके बाद पावर अप करता है और एकदम से आइस पे अटैक करना शुरू कर देता है। आइस गोहान की इस नई स्पीड से बिल्कुल हैरान होता है। एकदम से गोहान आइस के पास पहुंच जाता है और उसके मुंह पे खिंचा के घुसा मारता है। गोहान लगातार आइस के चेहरे पे घुसे बरसा रहा होता है और इसके बाद वो आइस को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है और आइस एकदम से बहुत दूर जाके गिरता है। गोहान बिल्कुल शांत हो चुका होता है। वो जानता है कि वो आइस से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। कुछ देर पहले गोहान आइस के लेवल के आसपास भी नहीं था, पर अब गोहान आइस के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद आइस खड़ा होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, पर गोहान बिल्कुल सीरियस होता है और वो आइस को ख़त्म करना चाहता है। आइस बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। वेजिटा और गोटेंक्स भी गोहान की इस नई ताकत को देख के हैरान होते हैं। पैन की डेथ की वजह से गोहान का गुस्सा फट पड़ा और उसने एक ऐसी फॉर्म को पा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद हम धरती के लुकआउट पर जाते हैं जहाँ पर डेंडे गोहान की ताकत को महसूस कर रहा होता है। डेंडे बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये गोहान की ताकत है। उसकी ताकत की वजह से पूरी धरती हिल रही है। मिस्टर पोपा बोलते हैं कि जब गोहान किसी ऐसी चीज़ को खोता है जो उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसके सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, उसकी ताकत में मैं किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ। डेंडे बोलता है कि लगता है गोहान इस फॉर्म के साथ आइस की परफेक्ट फॉर्म को हरा पाएगा, पर अब हम धरती की ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम पैन को दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकते। इसके बाद डेंडे गोकू को याद करता है और बोलता है कि गोकू अब मैं क्या करूँ। बैटल फील्ड में आइस और गोहान आमने सामने खड़े होते हैं।
पर आइस को अब समझ आ चुका है कि गोहान उससे ज़्यादा ताकतवर है। गोहान से पिटने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गोहान भी आइस को गुस्से में देख रहा होता है। वेजिटा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि गोहान की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेजिटा बोलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि गोहान के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत छुपी हुई होगी। इसके बाद गोहान एकदम से फिर से आइस पर अटैक करना शुरू कर देता है और एकदम से जाके उसके पेट में बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है और इसके बाद उसके चेहरे पर गुस्सा मारता है। आइस गोहान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और बस उससे पिट रहा होता है। वेजिटा देख के हैरान होता है कि गोहान आइस को कितने आराम से संभाल रहा है। गोहान आइस के पास चुपचाप खड़ा होता है पर उसका गुस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो एकदम से चिल्लाता है और आइस के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार लात मारता है और इसके बाद वो आइस के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है। आइस एकदम से जाके एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराता है पर गोहान रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गोहान एक बार फिर से पावर अप करता है और उसका पावर अप इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि पूरी धरती हिल रही होती है। काइशुन रैल में कबीटो काय सुप्रीम काय से बोलते हैं कि एंसेस्टर, गोहान की ये फॉर्म किस तरीके की है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि लगता है कि गोहान के गुस्से की वजह से उसकी छुपी हुई ताकत बाहर आ गई है और लगता है इस फॉर्म को हम सुपर सीएन 5 बोल सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ये सुपर सीएन 5 है, यानी कि अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि जब गोहान ने अपने आप को मजबूर किया सुपर सीएन 4 में बदलने के लिए तो उसका पोटेंशियल रिलीज होना स्टार्ट हो गया और जैसे ही पैन की डेथ हुई उसका सारा का सारा पोटेंशियल एकदम से फट पड़ा। कबीटो काय बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि धरती अब सुरक्षित है। एंसेस्टर बोलते हैं कि सही कहा, फिलहाल के लिए धरती पे खतरा टल चुका है। इसके बाद आइस एकदम से चट्टानों में से निकलता है और आसमान की तरफ चला जाता है। उसे गोहान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में उसे कोई ताकतवर भी होगा। गोहान गुस्से में आइस को दिख रहा होता है। आइस अपने मन में बोलता है कि एक ऐसा शख्स जिंदा कैसे हो सकता है, मेरी सारी ताकत इसके सामने बेकार है, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। गोहान आइस की तरह देख रहा होता है। आइस बोलता है कि मैं इस लड़ाई को अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा अपनी पूरी ताकत के साथ, मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर दूँगा। वेजिटा और गोटेंग से बात सुन के हैरान जाते हैं। आइस उसी चाल को चल रहा है जो फीजा चलता था, जब उसकी हार हो रही होती थी तो वो पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर देता था। आइस अपनी सारी की सारी ताकत को एकदम से बाहर निकालता है और इसके बाद एक अटैक बनाने लग जाता है। गोहान बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने मेरी बेटी को बिल्कुल बेरहमी से मार दिया, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस कचरा हो। इसके बाद आइस धरती पर अटैक करता है ताकि वो धरती को ख़त्म कर सके और साथ ही साथ गोहान को भी हरा सके। गोटेंग्स और वेजिटा के रोकने के लिए ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो इस अटैक से डर रहे होते हैं, पर गोहान बिल्कुल शांत होता है। वो शांति से अपना कामयाबी बनाता है और एकदम से आइस के अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक शुरू करता है। आइस का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है पर गोहान का अटैक आइस के अटैक को बहुत ही आराम से काट रहा होता है और एक ही सेकंड में आइस का अटैक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और गोहान का अटैक बहुत तेज़ी से आइस की तरफ बढ़ रहा होता है। आइस समझ जाता है कि ये उसका अंत है। गोहान का अटैक जाके आइस से टकराता है और आइस एक ही सेकंड में ख़त्म होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और ये बोलते बोलते आइस ख़त्म हो जाता है। गोहान का अटैक धरती के बाहर चला जाता है और आइस का अब नामो निशान भी नहीं बचता। जैसे ही गोहान को महसूस होता है कि आइस ख़त्म हो गया, वैसे ही गोहान पावर डाउन करता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जैसे ही वो पावर डाउन करता है वो रोने लग जाता है क्योंकि वो धरती को बचाने में तो कामयाब रहा पर उसने अपनी बेटी को खो दिया। हेल में फ्रीजा काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है, मेरा बेटा भी एक सैयन से हार गया। पिकलो अपने मन में बोलता है कि गोहान तुमने काफ़ी अच्छा काम किया पर पैन के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था। गोहान अभी भी रो रहा होता है और गोटेन और ट्रंक्स डिफ्यूज हो जाते हैं। ट्रंक्स पैन की बॉडी को लेके गोहान के पास आता है और बोलता है कि गोहान फिलहाल के लिए हमें कामेसामा के प्लेस पे चलना चाहिए ताकि तुम जाके वहाँ पे हील हो सको। ट्रंक्स गोटेन को बोलता है कि गोटेन तुम अपने साथ ऊब को ले लो। इसके बाद वो सभी लोग कामेसामा के प्लेस पे चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी जी वॉरियर्स कामेसामा के प्लेस पे पहुँच जाते हैं और डैंडे सबसे पहले ऊब को हील कर रहा होता है और एकदम से ऊब की आँखें खुलती हैं। डैंडे ऊब से पूछता है कि ऊब क्या तुम ठीक हो। ऊब बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर आइस कहाँ पर है। इसके बाद डैंडे ट्रंक्स के हाथ को ठीक करता है और ट्रंक्स ऊब को बताता है कि गोहान आइस को हराने में कामयाब रहा। ऊब ये बात सुन के हैरान रह जाता है क्योंकि जब वो बेहोश हुआ था तो गोहान एकदम कमज़ोर लग रहा था। ऊब बोलता है कि गोहान आखिर तुमने इतने ताकतवर शख्स को कैसे हरा दिया। इसके बाद ट्रंक्स ऊब को सारी की सारी बात बताता है। ऊब ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि पैन मारी जा चुकी है, डैंडे अब तक सबको हील कर चुका होता है। गोहान डैंडे से पूछता है कि डैंडे क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि हम ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डैंडे ड्रैगन बॉल्स की बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि एक तरीका है जिससे हम ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इतने में ही उन सभी लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ गोहान को पुकार रही होती है। गोहान बोलता है कि क्या ये ओल्ड सुप्रीम काय की आवाज़ है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ ये मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि धरती पर अभी क्या हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो।
फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ ड्रैगन बॉल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उनके बारे में तुम्हें कुछ बताना है। पहले मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। तुम अभी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। गोहान बोलता है कि आप अभी की बात कर रहे हो, क्या हम फ्यूचर में ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे? सुप्रीम काई बोलते हैं कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरी बात बता रहा हूँ। सभी के सभी वॉरियर ध्यान से सुप्रीम काई की बात सुनने लग जाते हैं। सुप्रीम काई बोलते हैं कि हमारी स्टोरी शुरू होती है करीब 3 साल पहले, जब तुम लोग ओमेगा शेनरॉन से लड़ी थी, तब गोकू मारा गया था। गोहान बोलता है कि क्या वो मारे गए थे? वेजिटा भी ये बात सुन के हैरान जाता है। फिर हम उस समय को देखते हैं जब गोकू ओमेगा शेनरॉन से लड़ रहा था और हार चुका था। गोकू बोलता है कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे सबकी एनर्जी चाहिए, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि शेनरॉन एकदम से गोकू के पास आ जाता है। शेनरॉन बोलता है कि सन गोकू, मैं तुम्हें अपनी ताकत दे सकता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। गोकू बोलता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है? शेनरॉन बोलता है कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो तुम ही धरतीवासियों ने बनाई है, तो इसे तुम ही लोग ठीक कर सकते हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है गोकू कि तुम्हें पूरी धरती की जिम्मेदारी लेनी होगी। गोकू बोलता है कि मुझे, गोकू इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये मंजूर है। शेनरॉन बोलता है कि ठीक है। शेनरॉन गोकू से बोलता है कि गोकू तुम्हें मुझे अपनी बॉडी देनी होगी, क्या तुम्हें ये मंजूर है? गोकू बोलता है कि हाँ मुझे मंजूर है। इसके बाद शेनरॉन बोलता है कि ठीक है। इसके बाद शेनरॉन गोकू को अपनी ताकत देता है और गोकू ओमेगा शेनरॉन को हराने के लिए बाहर आता है और गोकू के पास शेनरॉन की दी हुई एनर्जी होती है। ओमेगा शेनरॉन ये देख के हैरान रह जाता है कि गोकू अभी भी जिंदा है। गोकू बोलता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं तुम्हें नहीं हरा देता। और आखिरकार गोकू शेनरॉन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ओमेगा शेनरॉन को हरा देता है, जो बात हम सभी जानते हैं। पर शेनरॉन की ताकत को इस्तेमाल करने की वजह से गोकू को ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बॉडी पर लेनी पड़ी। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी ड्रैगन बॉल्स के अंदर दोबारा से सील कर दी गई गोकू की पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके। सीधे शब्दों में ड्रैगन बॉल्स में से नेगेटिव एनर्जी ना रिलीज हो, इसके लिए गोकू अकेला लड़ रहा है। गोहान ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि यानी कि मेरे डैड ने अपनी बॉडी इसलिए दे दी ताकि हम सब ठीक रहें। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि अब अगर हम ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक ईवल ड्रैगन बाहर आएगा जो कि ओमेगा शेनरॉन से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। सभी जी वॉरियर्स ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि अभी तुम लोगों की ताकत का जो लेवल है तुम किसी ईवल ड्रैगन को नहीं हरा पाओगे। ट्रंक्स बोलता है कि पर क्या सन गोहान उन्हें नहीं हरा पाएगा? ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि जितना मुझे पता है गोहान अपनी सुपर सेन 5 की फॉर्म में किसी को भी हरा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि गोहान अब सुपर सेन 5 में बदल पाएगा। ट्रंक्स बोलता है कि क्या, पर ऐसा क्यों? ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि ये एक चमत्कार ही था कि उस समय गोहान सुपर सेन 5 में बदलने में कामयाब हुआ, क्योंकि गोहान की मेंटल स्टेट पहली बारी ऐसी थी कि वो किसी से बदला लेना चाहता था और उसे ख़त्म भी करना चाहता था, और साथ ही साथ उसे अपनी बेटी की मौत का दुख भी था, इसी वजह से वो सुपर सेन 5 में बदल पाया। पर अब आइस मारा जा चुका है और गोहान उस सिचुएशन को अपने दिमाग में फिर से क्रिएट नहीं कर सकता। ट्रंक्स बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि पर मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। गोहान, वेजिटा, मैं तुम लोगों को ट्रेन करूंगा और तुम दोनों को सुपर सेन 5 में बदलूंगा। ट्रंक्स बोलता है कि क्या ओल्ड सुप्रीम काई, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि मुझे पूरी तरीके से नहीं पता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वेजिटा बोलता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही तो हम ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी डेंडे को एक आइडिया आता है। डेंडे बोलता है कि क्या हम पैन को रिवाइव करने के लिए नेमेक के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। नेमेक का ड्रैगन पोरुंगा धरती के ड्रैगन शेनरॉन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब यह है कि उसमें और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। अगर नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स का गलत इस्तेमाल होता है तो उसमें से जो ईवल ड्रैगन्स निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। सच बात तो यह है कि मैं तुम लोगों को धरती की ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने में भी डर रहा हूँ, पर अभी जैसी सिचुएशन है मैं तुम लोगों को रोक नहीं सकता हूँ। और एक बात यह भी है कि मैं गोकू के कंधे पर सारी की सारी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता। गोहान ये बात सोच के दुखी होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि गोकू धरती के लिए क्या कर रहा है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि ये धरती वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है, तुम सभी को अपने लिमिट्स को सरपास करना होगा। गोहान बोलता है कि हाँ। वेजिटा वो आखिरी बात याद करता है जो उसने गोकू के साथ करी थी। उसने बोला था कि कैकरोट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब तुम अकेले ही सब कुछ सॉल्व कर देते हो। तभी वेजिटा चिल्लाता है कि एल्डर जल्दी करो, हमारी ट्रेनिंग जल्दी से शुरू करो। गोहान बोलता है कि वेजिटा क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो ताकि मैं सबको जाके बता सकूं कि क्या हुआ है? वेजिटा बोलता है कि ट्रंक्स और बाकी सभी लोग तुम्हारे लिए कर सकते हैं। कबीटो काई बोलते हैं कि क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम वेजिटा की ट्रेनिंग पहले शुरू कर दें? वेजिटा बोलता है कि जैसा करना चाहो करो। गोहान बोलता है कि थैंक यू। इसके बाद कबीटो काई आके वेजिटा को ले जाते हैं ताकि वो उसकी ट्रेनिंग को शुरू कर सकें। फिर गोहान, ट्रंक्स, गोटन और रूप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ट्रंक्स पैन की बॉडी को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर सके।
जब तक पैन फिर से जिंदा नहीं हो जाती। गोहान सबसे पहले अपने घर पर जाता है और विडेल को पैन की डेथ के बारे में बताता है। विडेल इस बारे में सुन के रोने लग जाती है। ट्रंक्स बुलमा को बताता है कि पैन के साथ क्या हुआ और उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर देता है। और गोडेन चीची के घर पर जाके बताता है कि पैन के साथ क्या हुआ है। और आखिरकार गोहान और बाकी सभी लोग ड्रैगन बोल्स को फिर से रिस्टोर करने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाले होते हैं। गोहान बोलता है कि पैन बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारे डैड तुम्हें फिर से जिंदा करके ही रहेंगे। गोहान और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं, पर देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम का एक गोहान और वेजिटा को किस तरीके की ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया देखते हैं। ये दुनिया होती है मकाइस की, यानी कि डीमन रेल्म। इसमें हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम होता है मार्बल। मार्बल चियोको को बुलाता है जो कि उसका साथी होता है। चियोको बोलता है कि क्या बात है, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, और वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। मार्बल बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। चियोको बोलता है कि मैं बहुत बहुत बिजी हूँ, देखो ये क्या हुआ, मैं तुम्हारी वजह से मारा गया। मार्बल फिर से चियोको को पुकारता है। चियोको बोलता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। मार्बल बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर की दुनिया को जाकर देखूँ। चियोको बोलता है कि क्या, बाहर की दुनिया। चियोको बोलता है कि अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया। मार्बल बोलता है कि मैं इस दुनिया को बार बार ही देखकर थक चुका हूँ, मैं नई तरीके की साउंड्स को सुनना चाहता हूँ। चियोको बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। मार्बल बोलता है कि हाँ। मार्बल बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर की दुनिया देखने नहीं चलना चाहोगे। इसके बाद हम कामी लुकआउट को देखते हैं जहाँ पर ट्रंक्स, गोटेन और उब होते हैं, और वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि गोटेन, उब, अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, हमें इतना ताकतवर बनना है जितने हमारे डैड्स हैं। गोटेन बोलता है कि हाँ वो तो मुझे पता है, पर हम ये करेंगे कैसे। ट्रंक्स बोलता है कि फ़िलहाल मैं और गोटेन आराम करेंगे ताकि हम अपनी ताकत को रिकवर कर सकें, तब तक उब अकेले ट्रेनिंग कर सकता है। गोटेन ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स, आराम करना क्या ये सही होगा। ट्रंक्स बोलता है कि सच बात तो ये है कि मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है और हमारा गोल है इस सीक्रेट प्लान को कम्प्लीट करना। गोटेन बोलता है कि एक सीक्रेट प्लान। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, पर मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊँगा, चलो फिलहाल हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स आपस में ट्रेन करने लग जाते हैं और दोनों अपनी सुपर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारे हीरोज़ के आगे आगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैलेंज आने वाले हैं और डीमन रेल्म से दो अनजान खतरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जब वो धरती पर पहुँचेंगे तो क्या होगा। वेजिटा कायोशिन के प्लैनेट पर पहले ही ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था और इसके बाद गोहान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ये चीज़ देख के ओल्ड सुप्रीम गाय भी काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और वेजिटा सीरियस खड़े हैं। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की एक टेल हो। गोहान बोलता है कि एक टेल। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि अगर तुम एक सैयन होने का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए टेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम गाय सुगोरो की तरफ देखते हैं और सुगोरो एक पिंचर में बदल जाता है। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तुम्हारी टेल निकालनी होगी इन पिंचर्स की मदद से। गोहान ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम गाय, क्या आप सीरियस हैं। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हमने गोकू की टेल भी ऐसे ही निकाली थी। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, तो कैकरोट ने ये किया था। गोहान बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम गाय हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों अब तैयार हो जाओ, हम ये काम शुरू करने वाले हैं। कबीटो गाय अपने मन में बोलते हैं कि जैसा मैं सोच रहा था एल्डर वैसा ही कर रहे हैं। ओल्ड सुप्रीम गाय पिंचर की मदद से गोहान की टेल निकाल रहे होते हैं और तभी वो कबीटो गाय पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। इसके बाद कबीटो गाय और ओल्ड सुप्रीम गाय मिलके गोहान की टेल को निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं और गोहान एक चट्टान को पकड़े हुए होता है और दर्द की वजह से उसकी जान निकल रही होती है। गोहान, वेजिटा और बाकी सभी की ट्रेनिंग को शुरू हुए करीब 2 दिन हो चुके होते हैं, पर अचानक से ही धरती पर हलचल शुरू हो जाती है। धरती पर एक पोर्टल खुलता है और ये पोर्टल डीमन रेल्म से खुला होता है। इसके अंदर से मार्बल और चियो को बाहर आते हैं। उनके पोर्टल से बाहर आते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है और वो लोग धरती को देखने लग जाते हैं। चियो को बोलता है कि अच्छा तो ये धरती है। मार्बल बोलता है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा शोर है। वो दोनों ही एक शहर की तरफ देख रहे होते हैं और उस शहर के अंदर काफ़ी शोर होता है। मार्बल उस शहर को देख के काफ़ी खुश होता है। वो बोलता है कि मैं ऐसी आवाज़ें पहली बार ही सुन रहा हूँ। तभी वो शहर की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक अजीब सी शेप बनाता है। ये उसका एक अटैक होता है और ये अटैक वो शहर के ऊपर शूट कर देता है। एक ही पल के अंदर वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। इसके बाद मार्बल आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर पहले एक शहर था अब वहाँ पे बस एक गड्ढा है। अब मार्बल को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है। चियो को मार्बल की पावर को देख के खुश होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर तो हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मार्बल हंसने लग जाता है और बोलता है कि वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है।
जियो को चलो ऐसा करते हैं कि इस जगह को अपना बना लेते हैं। जियो को बोलता है कि ठीक है, जैसा करना चाहो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्बल बोलता है कि चलो कहीं और चलते हैं ताकि हम इससे भी बेहतर साउंड्स को ढूंढ सकें। गोहान, गोटा एंड ट्रंक्स, वेजिटा और ऊब, इन सभी को एकदम से मार्बल की ताकत महसूस होती है और ये भी महसूस होता है कि धरती पर कोई तबाही मचा रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि ये की आखिर किसकी है, धरती पर आखिर चल क्या रहा है। गोटन बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि धरती पर किसी ने अटैक किया है। गोटन बोलता है कि ये की तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ट्रंक्स बोलता है कि गोटन, ऊब, चलो चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। गोटन बोलता है कि आखिर इस प्लैनेट पर चल क्या रहा है। एक के बाद एक इसे कोई तबाह करने आता रहता है। इसके बाद ट्रंक्स, गोटन और ऊब तीनों के तीनों उस शहर की तरफ जाते हैं जिसे मार्बल ने तबाह किया होता है। ट्रंक्स गोटन और ऊब से बोलता है कि हम वहाँ पर देखने तो जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पर मुझे इसके आगे नहीं पता कि हमें क्या करना होगा। गोटन बोलता है कि हमें कुछ तो करना होगा ताकि ये तबाही और ज़्यादा ना बढ़े। कबीटो काय अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं कि धरती पर क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि ये तो मकाइस की दुनिया का किंग है, इसका नाम मार्बल है। गोहान कबीटो काय से पूछता है कि क्या आप उसे जानते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये शख्स डीमन किंग है। डाबोरा की डेथ के बाद ये डीमन किंग बन गया था। कबीटो काय बोलते हैं कि जितना मैंने इस शख्स को देखा है, मुझे पता है कि इसकी ताकत डाबोरा से कहीं ज़्यादा है, पर काफ़ी लंबे समय से ये काफ़ी शांत था। पता नहीं अचानक से ही इसने धरती पर हमला क्यों कर दिया। गोहान बोलता है कि ये डाबोरा से ज़्यादा ताकतवर है तो हमें धरती पर जाना होगा। तभी वेजिटा कुछ सोच रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि गोहान रुको। गोहान बोलता है कि वेजिटा क्या हुआ। वेजिटा बोलता है कि हमें ऐसे अपोनेंट्स का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब इन्हें संभाल सकते हैं। गोहान बोलता है कि पर, वेजिटा बोलता है कि गोहान, उनके लिए ट्रेनिंग का अच्छा मौका है। जब भी धरती पर कोई खतरा आता है वो हम पे डिपेंड करते हैं, पर इस बारी उनके पास अच्छा मौका है। हम फिलहाल यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर जो करने आए थे वो करके ही जाएंगे। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि सही कहा, ये उनके लिए एक टेस्ट है। जब भी तुम धरती की रक्षा करते हो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके, तो लोग तुम पे डिपेंड होते हैं, उन्हें खुद अपने लिए लड़ना सीखना होगा। गोहान थोड़ा सोचता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, हमें उन सभी पर विश्वास रखना होगा। इसके बाद हम धरती को देखते हैं और देखते हैं कि मार्बल और चियो को एक पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं। मार्बल बोलता है कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। चियो को बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। मार्बल बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसके बाद मार्बल अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे कोई आगे ज़ोरदार लात मारता है और मार्बल आगे जाके गिरता है। चियो को और मार्बल हैरान रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स, गोटन और रूब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये लात उसे ट्रंक्स ने मारी होती है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर जो भी लोग मेरे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाते हैं मैं उन्हें माफ़ नहीं करता। चियो को बोलता है कि लगता है यहाँ पर कुछ लोग हमें परेशान करने आए हैं। मार्बल बोलता है कि मैं यहाँ पर बस कुछ अच्छी साउंड सुनने आया था। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे तुम्हारी फालतू की कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मार्बल बोलता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इसके बाद ट्रंक्स, गोटन और रूप एकदम से पावर अप करते हैं और तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रंक्स गोटन और रूप से बोलता है कि हम लोग ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं कर सकते, चलो इन लोगों को कहीं और ले चलते हैं। मार्बल बोलता है कि कहीं और। इसके बाद गोटन और ट्रंक्स दोनों अपने हाथ ऊपर बढ़ाते हैं और दोनों एक अटैक करते हैं। ये कंबाइंड अटैक उन दोनों ने मार्बल पे किया होता है और इस अटैक की वजह से मार्बल को एक बहुत ही ज़ोरदार धक्का लगता है। इसके बाद गोटन और ट्रंक्स उसके पीछे चले जाते हैं। तभी एकदम से उप चियोको के पास पहुँच जाता है और एकदम से उसके हाथ पकड़ के उसे बहुत दूर फेंक देता है। गोटन और ट्रंक्स मार्बल के पीछे जा रहे होते हैं और मार्बल उन्हें देख रहा होता है और इसके बाद वो एकदम से ज़मीन पर उतरता है और चियो को भी अपने आप को संभालता है। ऊब इसके बाद उड़ के चियो के पास चले जाता है और उसके सामने खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। चियो को बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे ओपोनेंट बनने लायक हो। मार्बल के सामने गोटन और ट्रंक्स खड़े होते हैं। मार्बल बोलता है कि तुम लोग मेरी सोच से ज़्यादा बेहतर हो, लगता है मैंने तुम्हें कम आंक लिया था, चलो अब शुरू करते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि इस शख्स की बड़ी अजीब सी है। गोटन बोलता है कि ऐसी की मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी है, इसकी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मार्बल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और गोटन और ट्रंक्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मार्बल उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मार्बल उन दोनों के सामने से गायब हो जाता है और गोटन एकदम से पीछे देखता है। मार्बल उन दोनों के पीछे आ गया होता है और उन दोनों को घुसा मारता है। गोटन और ट्रंक्स मार्बल के अटैक की वजह से थोड़ा सा दूर जाके टकराते हैं और इसके बाद वो मार्बल से दूर होने की कोशिश करते हैं। गोटन मार्बल को देख नहीं पा रहा होता। तभी एकदम से मार्बल उसके पीछे आ जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है। मार्बल गोटन को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा होता है। तभी ट्रंक्स एकदम से गोटन की हालत देख के चिल्लाता है और एकदम से गोटन और मार्बल के बीच में आ जाता है। पर मार्बल इस मौके का फ़ायदा उठाता है और एकदम से ट्रंक्स पर अटैक कर देता है।
गोटेन और ट्रंक्स दोनों खुद को संभालते हैं और मार्बल दोनों के बीच में खड़ा होता है। वो उन दोनों पे एक साथ अटैक करता है। इस अटैक की वजह से गोटेन और ट्रंक्स को थोड़ी सी चोट लगती है, पर वो ज़्यादा घायल नहीं होते और खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। गोटेन बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है। ट्रंक्स बोलता है कि हम तो इस पर अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी वीक हो जाएंगी। तभी एकदम से मार्बल बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया। ट्रंक्स बोलता है कि हम लोगों को पकड़ लिया, ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी ट्रंक्स हिलने की कोशिश करता है और गोटेन बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी जम गई है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स किसी तरीके के जाल में फंसे होते हैं। ट्रंक्स चिल्लाता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। गोटेन और ट्रंक्स किसी तरीके के बॉक्स में बंद हो चुके होते हैं। मार्बल बोलता है क्या तुम मेरी इस टेक्निक से बच पाओगी। मार्बल एकदम से गोटेन और ट्रंक्स के बॉक्सेस को पुश करता है और एकदम से वो पीछे जाके गिरने लग जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कायोशिन ट्रायल में सभी लोग ये फाइट देख रहे होते हैं और गुहान को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि गोटेन और ट्रंक्स हार रहे हैं। वेजिटा बोलता है कि ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लगता है ये लोग सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। गुहान बोलता है कि वेजिटा हमें कुछ करना चाहिए। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हमारा वहाँ पर जाना बेकार है और वैसे भी उनके लिए एक अच्छा लेसन है। गुहान बोलता है कि पर वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स का क्या होगा। वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि वो लोग अभी सीरियसली नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद हम दूसरी फाइट देखते हैं जो कि ऊब और चियोको के बीच में चल रही होती है। ऊब चियोको को हरा रहा होता है। चियोको अपने मन में बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये शख्स तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊब अटैक करने के लिए चियोको की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी चियोको किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ऊब अचानक से ही अपनी जगह पर जम जाता है और इसके बाद वो अचानक से ही खाली जगह पर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, क्या ये नर्क है। तभी ऊब को एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि ऊब हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। ऊब इसके बाद मुड़ के देखता है और वो हैरान रह जाता है। ऊब के पीछे उसके मास्टर खड़े होते हैं यानी कि गोकू, और वो उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। ऊब के साथ आखिर क्या हुआ है, वो बोलता है कि गोकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम ड्रैगन बॉल्स के अंदर बंद होगी। गोकू बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि 3 साल के अंदर ड्रैगन बॉल्स के अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई और ड्रैगन बॉल्स की सील अब टूट चुकी है। ऊब बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तुम्हें यहाँ पर देख के बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। इसके बाद गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि ऊब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ पहले की तरह फ़ाइट करना चाहते हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पहले के मुकाबले कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। ऊब बहुत एक्साइटेड होता है और बोलता है कि हाँ उसमें तो काफ़ी मज़ा आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ क्या कर पाऊँगा, मैं इस मौके का इंतज़ार ना जाने कब से कर रहा था। गोकू बोलता है बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। ऊब बोलता है कि ठीक है। इसके बाद गोकू ऊब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे किक मारता है, पर ऊब उस किक को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ऊब गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है और गोकू उस पंच को रोक लेता है। गोकू अभी भी अपनी बेस फॉर्म में होता है तो ऊब और गोकू की फ़ाइट काफ़ी बराबरी पर चल रही होती है, पर इसके बाद ऊब एक पंच बनाता है और इस पंच को वो गोकू को मारने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो गोकू को एक किक मारता है। इसके बाद गोकू ऊब से थोड़ा सा दूर हो जाता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि ऊब तुम काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ रहे हो, तुमने मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर दिया है और अब मैं सीरियसली लड़ने वाला हूँ। ऊब गोकू के अटैक्स के लिए तैयार होता है और इसके बाद गोकू पावर अप करता है और सीधा अपनी सुपर सीएन 4 के लेवल पर चला जाता है। ऊब समझ जाता है कि अब वो बहुत बड़े खतरे में है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू एक अटैक बनाना शुरू करता है। ऊब गोकू का पोज देख के समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है और गोकू इसके बाद कामयाब बनाता है और ऊब भी अपने आप को बचाने के लिए एक अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक होता है सुपर चॉकलेट बीम अटैक। इसके बाद गोकू ऊब पे अटैक शूट करता है और ऊब भी उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं वो एक दूसरे के अटैक्स को पुश करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पर इसके बाद गोकू स्माइल करता है। वो एकदम से अपने अटैक की ताकत को बढ़ाने लग जाता है और ऊब के अटैक को पुश करने लग जाता है। कुछ ही देर में ऊब उससे हार जाता है। गोकू का अटैक ऊब से टकराने की वजह से एक धमाका होता है और इसके बाद ये फाइट ख़त्म हो जाती है। गोकू सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा होता है और ऊब हार चुका होता है। इसके बाद गोकू ऊब के पास आता है और उसे खड़ा होने में मदद करता है और इसके लिए ऊब गोकू को थैंक यू बोलता है। ऊब स्माइल करता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मैं अभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ये फ़ाइट सच में बहुत बढ़िया थी, तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई करी, मैं सच में सरप्राइज रह गया था। चलो ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से लड़ते हैं। ऊब बोलता है कि ठीक है, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। और इस फाइट के ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि असल में ऊब कहाँ पर है। ऊब अभी भी चियोको के सामने ही खड़ा होता है और चियोको ने ऊब को हिप्नोटाइज कर रखा होता है। ऊब बोल रहा होता है कि मैं गोकू के सामने नहीं जीत पाऊँगा। चियोको बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया है,
ये अभी भी मेरी टेक्निक में फंसा हुआ है। जियो को ऊब के हिप्नोटाइज होने का फ़ायदा उठाकर उसे लगातार पीट रहा होता है और उसने ऊब की हालत काफ़ी ख़राब कर दी होती है, पर ऊब हिप्नोटाइज होने की वजह से बार बार ही लड़ने के लिए खड़े हुए जा रहा होता है। वो बार बार ही बस यही बोल रहा होता है कि मैं गोगो के सामने नहीं जीत पाऊंगा। जियो को स्माइल करता है और बोलता है कि तुम जो भी ताकत लूज़ कर रहे हो वो मैं एब्जॉर्ब करता जा रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम जिस अपोनेंट के सामने हो तुम उससे नहीं जीत पाओगी, लगता है अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ गया है। पर अचानक से ही ऊब पावर अप करने लग जाता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ने लग जाती है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गोगो के सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। जियो को ये देख के हैरान रह जाता है। जियो को बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी की तो लगातार बढ़ती जा रही है, ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। जियो को बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी ताकत जिस स्पीड से बढ़ रही है मैं इसे अपने कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इस टेक्निक को बंद करना होगा। ऊब अभी भी पावर अप कर रहा होता है। इसके बाद जियो को चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। इसके बाद अचानक से ही ऊब शांत हो जाता है। जियो को चैन की सांस लेता है और बोलता है कि आखिरकार ये चुप तो हुआ। इसके बाद अचानक से ही ऊब होश में आता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद वो जियो को देखता है और उसे याद आता है कि वो क्या कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे याद है, मैं धरती की रक्षा करने के लिए इस शख्स से लड़ रहा था। जियो को अभी तक समझ गया होता है कि वो ऊब के सामने नहीं जीत पाएगा। वो अपने मन में बोलता है कि मैं ऐसे इंसान से पहली बारी मिल रहा हूँ, आखिर ये है क्या। ऊब बोलता है कि तुम्हारी किस्मत सच में ख़राब है, जो तुम मुझसे लड़ रहे हो तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगे, मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जियो को बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। इसके बाद ऊब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी एकदम से जियो को वहाँ से भाग जाता है। ऊब कुछ समझ नहीं पाता और जियो को का पीछा करने की कोशिश करता है। जियो को अपने मन में बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरी सबसे बेस्ट टेक्निक इसके सामने काम नहीं आई, मुझे लगता है कि मुझे मार्बल के साथ फ्यूज़ करना होगा। दूसरी तरफ मार्बल ने गोटेन और ट्रंक्स को अभी हराया होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कितनी शांति है। तभी एकदम से चट्टानों के बीच में से गोटेन और ट्रंक्स बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो एकदम से फ्यूज़ कर लेते हैं। अब मार्बल के सामने एक नया वॉरियर खड़ा होता है जिसका नाम होता है गोटेंक्स। मार्बल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसने अभी अभी क्या देखा है। गोटेंक्स बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अभी तक बस ये देख रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, असली खेल तो अब शुरू होगा। मार्बल बोलता है कि मैं तो सच में हैरान हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे प्लैनेट पे लोग फ्यूजन के बारे में भी जानते होंगे। गोटेंक्स बोलता है कि मुझे माफ़ करना पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। मार्बल बोलता है कि अभी तो असली मज़ा आने लगा है, तुम जब चाहो शुरू कर सकते हो। एकदम से गोटेंक्स अटैक करने के लिए मार्बल की तरफ बढ़ता है और मार्बल गोटेंक्स की स्पीड से हैरान रह जाता है। गोटेन उसके चेहरे पर बहुत खिंचा के कोनी मारता है। गोटेंक्स की ताकत और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मार्बल उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा होता है। वो एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे खिंचा के कोनी मारता है और इसके बाद गोटेंक्स मार्बल को लात मार के हवा में उड़ा देता है और इसके बाद गोटेंक्स अपना एक अटैक बनाने लग जाता है। वो अपना ये अटैक मार्बल की तरफ शूट करता है। पहले तो ये अटैक मार्बल को जाके घेर लेता है और इसके बाद उसे एक बॉल में बदल देता है। गोटेंक्स जाता है और इस बॉल को पकड़ता है और इस बॉल को एकदम से धरती की तरफ शूट करता है। जैसे ही ये अटैक धरती से जाके टकराता है एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। गोटेंक्स को लगता है कि शायद वो जीत गया है, पर तभी वो देखता है कि मार्बल अभी भी जिंदा है। गोटेंक्स बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, लगता है तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। मार्बल काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। गोटेंक्स फिर से एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम पिछले अटैक से भले ही बच गए हो पर तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। मार्बल अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, पर अभी मेरे पास भी एक सीक्रेट बाकी है। जैसे ही गोटेंक्स अपना अटैक बना रहा होता है वैसे ही जियो को डरता हुआ मार्बल की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। गोटेंक्स मुड़ के देखता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है और तभी एकदम से ऊब भी उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि गोटेंक्स मुझे माफ़ करना। इसके बाद जियो को मार्बल के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि अभी तक तुम बहुत बढ़िया लड़े पर तुम लोग अब हमसे नहीं जीत पाओगे। ऊब बोलता है कि झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम बस हारने की वजह से डर गए हो। जियो को बोलता है कि तुम लोग जल्द ही जान लोगे कि कौन हारने वाला है। इसके बाद जियो को और मार्बल एक दूसरे की छाती पर हाथ रखते हैं और इसके बाद वो फ्यूजन करने लग जाते हैं। गोटेंक्स और ऊब ये देख के हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वो दोनों फ्यूज़ करते हैं उन लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। गोटेंक्स बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग भी फ्यूज़ कर सकते होंगे। ऊब बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, और इसके बाद हम सभी के सामने एक नया फ्यूजन वॉरियर खड़ा होता है। इसका नाम होता है जियो मार्बल। जियो मार्बल बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार करवाया, पर यह है मेरी असली फॉर्म। जियो मार्बल के अंदर से बहुत ही ईवल प्रेजेंस आ रही होती है और ऊब इस प्रेजेंस को देख के हैरान होता है। जियो मार्बल बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोगों की ताकत के लेवल में कितना ज़्यादा फ़र्क है। जियो मार्बल एकदम से अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो जाकर गोटेंक्स पर अटैक करता है। जियो मार्बल का अटैक इतना ज़ोरदार होता है कि गोटेंक्स के मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद वो गोटेंक्स को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से गोटेंक्स एकदम से जाकर ज़मीन में कट जाता है। गोटेंक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि जियो मार्बल की स्पीड और ताकत कितनी ज़्यादा है। इसके बाद हम कायोशिन रियल में आते हैं।
जहाँ पर गोहान और वेजिटा इस फाइट को देख रहे होते हैं। गोहान बोलता है कि वेजिटा उन लोगों ने फ्यूज़ कर लिया, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अगर हम यहीं रहे तो वो लोग मारे जाएंगे। वेजिटा ना चाहते हुए भी गोहान की बात से एग्री कर रहा होता है। वो बोलता है कि गोहान चलो, कायोशिन हमारे साथ चलो। कबीटो काई बोलते हैं कि रुको, देखो गोटेंक्स क्या कर रहा है। वेजिटा बोलता है कि क्या? गोटेंक्स चट्टानों के बीच में पड़ा होता है और इसके बाद चियो मार्बल ज़मीन पर उतरता है। गोटेंक्स की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। चियो मार्बल बोलता है कि अभी तक तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जितना मैंने सोचा तुम लोग उससे ज़्यादा ताकतवर निकले और आखिरकार मुझे भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, पर अब मैं भी इस फाइट से बोर होता जा रहा हूँ, तो इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं, अब असली मज़ा आएगा। ऊप थोड़ा सा हैरान होता है, पर गोटेंक्स बिल्कुल शांत होता है। इसके बाद वो रिलैक्स करने लग जाता है। चियो मार्बल कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। गोटेंक्स स्माइल करता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी सीरियसली फाइट करना शुरू करता हूँ। चियो मार्बल ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुमने क्या कहा? गोटेंक्स अपनी जेब में से कुछ निकाल रहा होता है और बोलता है कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल इवल ड्रैगन्स के सामने करना चाह रहा था, पर लगता है मुझे इसका इस्तेमाल अभी करना होगा। ऊब ये बात सुन के खुश होता है। वो बोलता है गोटेंक्स लगता है उसमें बदलने वाला है। गोटेंक्स अपनी जेब में से एक कैप्सूल निकालता है और उसके अंदर से ब्लड फ्लेम मशीन निकलती है। वो उस मशीन को ऊब के पास फेंक देता है और बोलता है कि ऊब अब उसका इस्तेमाल करो। जियो मार्बल अभी भी कुछ समझ नहीं पाया होता। वोहान बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो वो छोटी ब्लड फ्लेम मशीन है ना। वेजिटा बोलता है कि क्या वो सुपर सैयन 4 में बदलना चाहते हैं? अगर वो फेल हो गए तो पूरी धरती पर तबाही मच सकती है। इसके बाद ऊब गोटेंक्स पर वो मशीन शूट करता है और गोटेंक्स ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। चियो मार्बल गोटेंक्स की बढ़ती हुई ताकत को देख के हैरान होता है और इसके बाद गोटेंक्स ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। गोहान और वेजिटा हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि गोटेंक्स पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो गया होता है और आखिरकार वो एक सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद चियो मार्बल, वेजिटा, गोहान और कबीटो काई सब हैरान होते हैं। गोटेंक्स बोलता है कि ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड था, अब फाइनल राउंड शुरू करते हैं। चियो मार्बल और गोटेंक्स में फाइनल फाइट शुरू होने वाली है। चियो मार्बल और गोटेंक्स आमने सामने खड़े होते हैं। चियो मार्बल बोलता है कि तुम्हारी फॉर्म भले ही चेंज हो गई हो, पर तुम्हारी ताकतें हमसे अभी भी कम है। गोटेंक्स बोलता है कि मैं इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म करनी होगी। कायोशिन रैल में गोहान, वेजिटा और कबीटो का ये देख के हैरान रह जाते हैं कि गोटेंक्स पहली ही बारी में सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब कैसे हो गया। गोहान बोलता है कि पता नहीं ये इतनी आसानी से सुपर सैयन 4 में कैसे बदल गए, पता नहीं इन लास्ट 2 दिनों में इन्होंने क्या किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स ने आखिर ऐसी क्या ट्रेनिंग करी थी कि वो 2 दिन में ही सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो गए। हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन दोनों की ताकतें बराबर होती हैं। उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो रुकते हैं और ट्रंक्स बोलता है कि हमें यहाँ पर आए हुए कुछ महीने हो चुके हैं और अब हम दोनों सुपर सैयन 2 में बड़े आराम से बदल सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने सीक्रेट प्लान को आगे बढ़ाएं। गोटेन बोलता है कि अरे हाँ, हमारे यहाँ पर आने से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट प्लान है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा सीक्रेट प्लान क्या था? इसके बाद ट्रंक्स अपनी जेब में से कैप्सूल निकालता है और बोलता है कि मेरा सीक्रेट प्लान ये था। जैसे ही वो उस कैप्सूल को खोलता है, ब्लड फ्लेम मशीन बाहर निकलती है। गोटेन बोलता है कि ये तो वही मशीन है जो वेजिटा ने यूज़ करी थी। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, ये पोर्टेबल ब्लड फ्लेम मशीन है। गोटेन बोलता है कहीं तुम्हारा सीक्रेट प्लान ये तो नहीं है? ट्रंक्स बोलता है कि तुम सही समझे, मेरा सीक्रेट प्लान यही है कि हम दोनों सुपर सैयन 4 में बदलेंगे। इसके बाद ट्रंक्स ऊब को आवाज़ लगाता है, जो उन्हीं के साथ रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में होता है। ट्रंक्स बोलता है कि ऊब, क्या तुम यहाँ पर आके हमारी ट्रेनिंग में कुछ मदद कर सकते हो? ऊब बोलता है कि हाँ, ज़रूर। ट्रंक्स बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों पे ब्लड फ्लेम मशीन का यूज़ करो, ताकि हम दोनों ग्रेट एप में बदल जाएं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम ग्रेट एप में बदलें, तुम हमें होश में लाने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि तुम हमारे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग पार्टनर रहोगे। ऊब बोलता है कि मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है गोटेन, चलो सबसे पहले फ्यूजन कर लेते हैं। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स फ्यूज़ करते हैं और गोटेंक्स में बदल जाते हैं। गोटेंक्स बोलता है कि ऊब अब करो। इसके बाद ऊब गोटेंक्स पे ब्लड फ्लेम मशीन शूट करता है और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और एक ही सेकेंड के अंदर वो एक ग्रेट एप में बदल जाता है। ऊब सुपर सैयन एप की ताकत देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि इसकी की तो कमाल की है। ऊब खुद से बोलता है कि अगर मैं इस फाइट को हैंडल नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं ईवल ड्रैगन के सामने टिक पाऊंगा। ग्रेट एप गोटेंक्स एकदम से ऊब पे हमला करना शुरू कर देता है और ऊब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ऊब एक ज़ोरदार पंच गोटेंक्स को मारता है। इसके बाद ओजारू गोटेंक्स भी ऊब को एक पंच मारता है। ऊब बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, अब मुझे इसमें मज़ा आने लगा है, ये खेल अब मज़ेदार हो गया है। इसके बाद ऊब और ओजारू गोटेंक्स की लड़ाई कुछ देर और चलती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोटेन, ट्रंक्स और ऊब आराम से बैठे होते हैं और इस लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन, जब हम दोनों ग्रेट एप की फॉर्म में थे तो क्या तुम्हें होश था? गोटेन बोलता है कि हाँ, पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था,
मैं पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं था। जब तक हम उस फॉर्म में पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होंगे, जब तक हम सुपर सैयन 4 में नहीं बदल पाएंगे। ट्रंक्स बोलता है कि पूरी तरीके से होश में। इसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे समझ आ गया, किसी को हमें पुकारना होगा। गोटन बोलता है कि पुकारना होगा? ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, जब हम आइस से लड़ रहे थे तो पैन बार बार गोहान का नाम पुकार रही थी। मुझे लगता है कि हमारे पास अर्थलिंग्स का ब्लड है, इसीलिए हमारे होश में आने का चांस हमारे फादर से ज़्यादा है। इसीलिए ऊप, जब हम ओजारू की फॉर्म में हो तो तुम हमारा नाम पुकारना। हम ये चांस मिस नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सुपर सैयन 4 में ज़रूर बदलेंगे। ऊप बोलता है कि ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है ट्रंक्स, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हम इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके बाद ट्रंक्स, गोटन और ऊप सुपर सैयन 4 में बदलने की ट्रेनिंग जारी रखते हैं, और करीब 3 दिन बाद वो हो जाता है जो वो लोग चाह रहे थे। आखिर ओजारू की फॉर्म में गोटेंक्स कॉन्शियस हो जाता है और वो सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम करंट फाइट में आ जाते हैं। वो बोलता है कि ये उनकी ट्रेनिंग का फल है, उन लोगों ने सुपर सैयन 4 की पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। सुपर सैयन 4 गोटेंक्स बोलता है कि क्या तुम तैयार हो? चियो मार्बल हंस रहा होता है, और इसके बाद गोटेंक्स एकदम से चियो मार्बल पर हमला करना शुरू कर देता है। गोटेंक्स चियो मार्बल के चेहरे पर ज़ोरदार कोनी मारता है और इसके बाद उसे खिंचा के लात मारता है। चियो मार्बल की हालत ख़राब होने लग जाती है। वो गोटेंक्स की स्पीड का सामना नहीं कर पा रहा होता और गोटेंक्स उस पर पूरी तरीके से हावी होता है और लगातार उस पर घुसे बरसाए जा रहा होता है। गोटेंक्स चियो मार्बल को ज़ोरदार पंच मार के हवा में उड़ा देता है और इसके बाद वो एक अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है बर्निंग कामेहामेहा अटैक। चियो मार्बल गोटेंक्स पर एक भी अटैक नहीं कर पाया होता और इसके बाद वो गोटेंक्स के अटैक की चपेट में भी आ जाता है। गोटेंक्स के अटैक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस अटैक के बाद गोटेंक्स को पूरा विश्वास होता है कि उसने चियो मार्बल को हरा दिया है। वो बोलता है कि तुमने कर दिखाया। कायोशिन रेल में भी सब खुश हो रहे होते हैं कि गोटेंक्स जीत चुका है। वो बोलते हैं कि इसकी ताकत तो कमाल की है, पहले के मुकाबले ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। यहाँ तक कि वेजिटा भी खुश होता है। पर जैसे ही धूल चढ़ती है, वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। चियो मार्बल अभी भी ज़िंदा होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गोटेंक्स बोलता है कि ये ज़िंदा कैसे है। वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। पर तभी एकदम से गोटेंक्स डिफ्यूज़ हो जाता है और हम वापस गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं जिनकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। कायोशिन रेल में सब हैरान रह जाते हैं कि वो लोग डिफ्यूज़ हो चुके हैं। ट्रंक्स बोलता है कि हमें दोबारा फ्यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चियो मार्बल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोटेन बोलता है कि ये आखिर ज़िंदा कैसे बच गया। ट्रंक्स और गोटेन की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। तभी ऊप बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर इसका अपोनेंट अब मैं हूँ। चियो मार्बल, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो और अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। चियो मार्बल को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। इतने में गोटेन अपना अटैक बनाने लग जाता है और वो कामेहामेहा वेव प्रिपेयर कर लेता है। इसके बाद चियो मार्बल भी एक अटैक बना के ऊप पे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर अपने अटैक शूट करते हैं, पर जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं, जल्दी सबको समझ आ जाता है कि ऊप की ताकत चियो मार्बल से इस वक्त ज़्यादा है। ऊप बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी कि मैं सही था। पर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर रहम करूँगा। मैं किसी भी कीमत पर धरती की रक्षा करूँगा। इसके बाद ऊप अपने अटैक की ताकत इंक्रीज़ करने लग जाता है और ऊप का अटैक चियो मार्बल की तरफ बढ़ने लग जाता है। एक ही सेकंड के अंदर चियो मार्बल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आखिरकार हमारे हीरोज़ की जीत हो चुकी है। कायोशिन रेल में सब खुशी मना रहे होते हैं। गोहान बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया, ऊप, गोटेन और ट्रंक्स। पर तभी वेजिटा बोलता है कि कायोसामा, चलो अभी के अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। धरती पर हम देखते हैं कि ट्रंक्स बोलता है कि ऊप, गोटेन, चलो वापस कामिलोकाउट पर चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। गोटेन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अगर डेंडे ने मुझे जल्दी से हील नहीं किया तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। फिलहाल के लिए धरती की रक्षा गोटेन, ट्रंक्स और ऊप ने कर दी है, पर धरती पर अभी बहुत बड़ा खतरा आना बाकी है। इसके बाद वापस वो लोग कामिलोकाउट पर पहुँच जाते हैं। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन, मुझे लगता है मार्बल के खिलाफ लड़ाई में हमारी बॉडीज पूरी तरीके से शेप में नहीं थी, इसीलिए हम सुपर सैयन 4 लेवल पर फ्यूजन को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए। अब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी की बेसिक स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकें। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स फाइट करने लग जाते हैं ताकि वो ट्रेनिंग के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा सकें। दूसरी तरफ वो भी मेडिटेशन के जरिए एक नई तरीके की ट्रेनिंग में लगा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि चियो के खिलाफ लड़ाई के दौरान मुझे अपने अंदर एक बहुत ही अजीब सी ताकत महसूस हुई। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस ताकत को पहले से जानता हूँ। मुझे सीखना होगा कि मुझे उस ताकत को बाहर कैसे निकालना है। उसके लिए मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहूँगा। कायोशिन रेल में हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान की ट्रेनिंग का पहला फेज कंप्लीट हो जाता है और उन दोनों के पास एक टेल होती है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम लोगों की टेल उगने में काफ़ी समय लग गया, हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है। अब हम तुम्हारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज शुरू करेंगे।
तुम्हारा नेक्स्ट फेस है सुपर सीन 4 में आराम से बदल पाना। गोहान ये बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर वेजिटा बोलता है कि सुपर सीन 4 में बदलना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो एकदम से सुपर सीन 4 में बदल जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास जब तक टेल है तब तक मैं जानता हूँ कि सुपर सीन 4 में कैसे बदलना है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज कैसे आगे बढ़ेगा। गोहान, सबसे पहले तुम सुपर सीन 4 में बदलने की ट्रेनिंग करो। वेजिटा, मैं तुम्हें इमोशनल कंट्रोल ट्रेनिंग में डाल रहा हूँ। वेजिटा बोलते हैं कि क्या आपने कहा इमोशनल कंट्रोल? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि सही कहा, मैं तुम्हें अपने एक स्पेल में डालूंगा और अगर तुम उस स्पेल को तोड़ पाए तो तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, पर जब तक तुम मेरे स्पेल में रहोगे तो मैं किसी और स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं वेजिटा को अपने स्पेल में डालता हूँ और उसके बाद गोहान। गोहान बोलता है कि ठीक है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि किसी को मारने की इच्छा और गुस्सा, मुझे लगता है कि ये दोनों की हैं सुपर सीन 5 में ट्रांसफॉर्म होने की, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुम अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर पाए तो तुम लोग सुपर सीन 5 में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये स्पेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारी जान भी चली जाए। वेजिटा हंसता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर उससे पहले मेरे पास एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट भी कर लेते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम सुपर सीन 5 में बदल जाओगी। गोहान बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये ट्रेनिंग पॉइंटलेस है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर मुझे लगता है कि इमोशनल कंट्रोल ट्रेनिंग तुम्हारे सुपर सीन 5 में बदलने के लिए ज़रूरी है, और इस ट्रेनिंग के जरिए तुम्हारे सुपर सीन 5 में ट्रांसफॉर्म होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि तुम सुपर सीन 5 में बदलोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मेरा विश्वास करो, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। अगर तुम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाए तो तुम मेरा स्पेल तोड़ पाओगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों ये कर सकते हो। मुझे तुम दोनों को बस यही बताना था। अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और कबीटो काय साइड में खड़े होते हैं और ओल्ड सुप्रीम काय एकदम से अपना स्पेल वेजिटा पर शूट करते हैं। जैसे ही ओल्ड सुप्रीम काय का स्पेल वेजिटा को छूता है वो दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और स्पेल के अंदर आते ही वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद वेजिटा एकदम से हंसने लग जाता है। गोहान बोलता है कि ये हंस क्यों रहा है? कबीटो काय बोलते हैं कि कहीं ये स्पेल वो तो नहीं है, पर तभी वेजिटा एकदम से रोने लग जाता है और इसके बाद वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। आखिर वेजिटा के साथ ये हो क्या रहा है? गोहान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये वेजिटा के साथ क्या हो रहा है। गोहान कबीटो काय से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है? कबीटो काय बोलते हैं कि लगता है मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने हज़ारों साल पहले कायोशिन सामा से इस बारे में सुना था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये कायोशिन थे जिनके पास पहले ऐसी एक एबिलिटी थी। कायोशिन्स के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि कॉम्बैट टाइप, स्पेशल टाइप और काफ़ी सारी अलग अलग, पर पास्ट में एक ऐसे कायोशिन थे जो कि इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते थे। उन्होंने मुझे उस स्पेल का नाम तो नहीं बताया था, पर उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया था कि वो किसी भी इंसान के इमोशंस को बंद ज़रूर कर सकते थे। वो किसी के भी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते थे, उसे हंसा सकते थे, रुला सकते थे और इल्यूजंस के जरिए उसे कन्फ्यूज़ कर सकते थे। पर मुझे ये भी बताया गया था कि ये स्पेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये स्पेल जिस पर इस्तेमाल किया जाता है ये उसका दिमाग ख़राब कर सकता है, या फिर ये स्पेल उसका भी दिमाग ख़राब कर सकता है जो ये स्पेल दूसरे पे इस्तेमाल कर रहा हो। मुझे कहा गया था कि अगर मैं ऐसी एबिलिटी को कभी अनलॉक भी कर लूँ तो फ्यूचर में ऐसी एबिलिटी का कभी इस्तेमाल ना करूँ। गोहान ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि अगर ये स्पेल इतना ज़्यादा खतरनाक है तो कायोशिन सामा इस स्पेल का इस्तेमाल क्यों करना चाहते थे? कबीटो काय बोलते हैं कि शायद मैं समझ रहा हूँ कि ओल्ड सुप्रीम काय क्या करना चाहते थे। मुझे लगता है कि ओल्ड सुप्रीम काय इस स्पेल का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते थे ताकि तुम और वेजिटा अपने रेंज की लिमिट को तोड़ सको। उन्होंने कहा था कि सुपर सीन 5 में बदलने का तरीका ये है कि रेज की लिमिट को तोड़ दो, और शायद वो इसीलिए इस स्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुम लोग अपनी लिमिट को तोड़ पाओ और सुपर सीन 5 का आराम से इस्तेमाल कर सको। गोहान बोलता है कि अच्छा, शायद इसीलिए कायोशिन सामा ने कहा था कि ये इमोशनल कंट्रोल ट्रेनिंग है। कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ शायद। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा की ट्रेनिंग अभी भी जारी होती है और वो रो रहा होता है। तभी गोहान बोलता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे सुपर सीन 4 में बदलना होगा और उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके बाद वेजिटा और गोहान की ट्रेनिंग जारी रहती है ताकि वो दोनों अपनी लिमिट्स को तोड़ सकें। पर जैसे जैसे उनकी ये ट्रेनिंग चल रही होती है गोकू की बॉडी में थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है। ये चेंज नॉर्मल नहीं होता और इसके बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं थी। कामे लुकआउट पर डार्क ड्रैगन बॉल्स में क्रैक पड़ने लग जाते हैं और ये बात डंडे को महसूस हो जाती है। डंडे बोलता है कि खतरनाक की कहाँ से आ रही है, और एकदम से वो उस रूम में भाग के जाता है जहाँ पर ड्रैगन बॉल्स रखी होती हैं। उस रूम में वो देखता है कि ड्रैगन बॉल्स के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस्टर पोपो आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि कामे यहाँ पे क्या चल रहा है? डंडे बोलता है कि मिस्टर पोपो बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, जल्दी से गोहान और बाकी सभी को बुला लो, लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद हम वापस कायोशिन रेल में आ जाते हैं।
जहाँ पर कबीटो का वेजिटा और गोहन की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वेजिटा तो कमाल का है, उसकी ट्रेनिंग को चलते हुए पूरा एक दिन हो गया है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और गोहान भी कल से ही सुपर सीएन 4 में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा टफ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कभी चिल्ला रहा होता है और कभी हंस रहा होता है। उसके इमोशंस बार बार ही चेंज हो रहे होते हैं। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि कैकरोट, तुम बार बार ही मुझे पीछे छोड़ देते हो। मैं जितनी बार भी तुमसे आगे निकलता हूँ, तुम बार बार ही वही करते हो और किसी तरीके से मेरे से आगे निकल जाते हो। इसके बाद वेजिटा अपनी पावर्स को अनलीश करने लग जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। एकदम से उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और आखिरकार वो सुप्रीम गाय के स्पेल को तोड़ने में कामयाब हो गया होता है। गोहान और कबीटो काय भी वेजिटा की इस नई ताकत से बिल्कुल हैरान होते हैं और आखिरकार ओल्ड सुप्रीम काय भी होश में आ जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वेजिटा इस बार ही बिल्कुल नई फॉर्म में है और ये फॉर्म होती है सुपर सैयन 5। धरती पर ट्रंक्स, गोटन और रूप की ट्रेनिंग चल रही होती है और उन सभी को वेजिटा की नई ताकत महसूस होती है। ट्रंक्स बोलता है कि इस की को महसूस करके तो ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड की है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वेजिटा की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बराबर में ही खड़ा है। वेजिटा की ताकत ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गोटन बोलता है कि अच्छा, तो ये ताकत होती है सुपर सैयन 5 की। इसके बाद ट्रंक स्माइल करता है और बोलता है कि डैड, लगता है आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही। वेजिटा जैसे ही होश में आया होता है, वो अपनी सुपर सैयन 5 फॉर्म में होता है। गोहान बोलता है कि इसकी ये तो कमाल की है। कबीटो काय बोलते हैं कि वेजिटा वेल डन। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि लगता है हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तभी वेजिटा पावर डाउन करता है और इसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से थका हुआ लग रहा होता है। गोहान बोलता है कि वेजिटा, तुम तो कमाल हो, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ एक ही दिन में ट्रांसफॉर्म हो गए। वेजिटा बोलता है, ये तो होना ही था, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं था। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। गोहान बोलता है कि वैसे अच्छी नहीं चल रही है, मैं अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया हूँ। वेजिटा बोलता है कि तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, वो समय याद करने की कोशिश करो जब तुम आइस के सामने ट्रांसफॉर्म हुए थे। ऐसा सोचो कि तुम अपनी पावर्स को अपने टेल के थ्रू पा रहे हो और इसके बाद ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करो, और अगर उसके बाद तुम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाए तो तुम सुपर सैयन 4 में बदल जाओगी। गोहान बोलता है कि अपने टेल से, तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम गाय को कोई पुकार रहा होता है। ये शख्स बोलता है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं धरती का गॉड डेंडे हूँ। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, क्या हुआ। डेंडे बोलता है कि धरती पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। गोहान ये बात सुन के हैरान होता है। डेंडे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि गोकू की ताकत अपने लिमिट तक पहुंच रही है। ओल्ड सुप्रीम का ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ही क्या बोल रहे हो। वेजिटा डेंडे से बोलता है कि इसका क्या मतलब है, पूरी बात बताओ। डेंडे बोलता है कि तो ठीक है, ध्यान से सुनो। पिछले 3 साल से गोकू ड्रैगन बॉल से निकल रही नेगेटिव एनर्जी को रोक रहा था अपनी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू, पर अब ऐसा लग रहा है कि गोकू अपने लिमिट तक पहुंच रहा है क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मेरे ख्याल से गोकू की बॉडी आगे आने वाले 3 दिनों से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। गोहान बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। वेजिटा को भी इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है। डेंडे बोलता है कि आगे आने वाले 3 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि गोकू की बॉडी को पूरी तरीके से ईवल एनर्जी घेर लेगी और ईवल ड्रैगन की सील भी टूट जाएगी। गोहान बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस एक ही दिन है ताकि हम उस सील को तोड़ पाएँ, वरना डैड की जान खतरे में पड़ सकती है। डेंडे बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें उस सील को तोड़ना होगा वरना गोकू की जान जा सकती है। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि यानी कि हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। गोहान, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर सुपर सैयन 5 में बदलना सीखना होगा और उस फॉर्म को मास्टर भी करना होगा। गोहान बोलता है कि ठीक है। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि तुम एक बार सुपर सैयन 5 में बदल चुके हो तो मुझे लगता है तुम उस स्पेल को बहुत ही जल्दी तोड़ पाओगे, पर उससे पहले तुम्हें सुपर सैयन 4 में बदलना सीखना होगा। गोहान बोलता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। कबीटो काय बोलते हैं कि एंसेस्टर, मैं आपको हीलिंग टेक्निक से हील करता हूँ। इसके बाद गोहान गहरी सांस लेता है। वो खुद से बोलता है कि अपने टेल के थ्रू अपनी पावर्स को निकालो और अपनी अवेयरनेस को पूरी तरीके से मेंटेन करो। एकदम से वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। इसके बाद गोहान एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और कुछ सेकंड के लिए वो औजारों में बदल जाता है। और क्योंकि इस बारी गोहान अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाया होता है, वो आखिरकार सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा गोहान की सक्सेस को देख के काफ़ी खुश होता है और कबीटो काय भी काफ़ी खुश होते हैं। और इसके बाद गोहान की सुपर सैयन 5 में बदलने की ट्रेनिंग शुरू होने का समय आ जाता है। ओल्ड सुप्रीम काय काफ़ी थके हुए लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हम अभी के अभी शुरू करेंगे। गोहान बोलता है कि हाँ। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय अपना स्पेल गोहान पर शूट करते हैं
और गोहान के साथ भी वही चीज़ होने लग जाती है जो वेजिटा के साथ हो रही थी। उसके इमोशंस भी बार बार ही चेंज होने लग जाते हैं। कभी वो रो रहा होता है और कभी वो हंस रहा होता है। धरती पे गोटेन, ट्रंक्स और रूप की ट्रेनिंग जारी होती है। ट्रंक्स बोलता है कि हमारे पास बस एक ही दिन रह गया है और उसके बाद ईवल ड्रैगन्स बाहर आ जाएंगे। ऊप गोटेन, हमें अपनी इस बारी पूरी जान लगानी होगी। डेंडे अभी भी उसी कमरे में होता है जहाँ पे डार्क ड्रैगन बॉल्स रखी होती हैं। वो बोलता है कि गोकू बस कुछ समय और धीरे धीरे करके वो एक दिन भी निकल जाता है। पर गोहान की ट्रेनिंग अभी भी जारी होती है। ऑल सुप्रीम काय अभी भी उसी स्पेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी तो काय बोलते हैं कि करीब 24 घंटे हो चुके हैं गोहान, स्पेल को तोड़ने की जल्दी से कोशिश करो। वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, इस वक्त गोहान जिस मेंटल स्टेट में है वो बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कभी तो काय वेजिटा का विश्वास देख के हैरान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उसके दिमाग में वो मेमोरी चल रही होती है जब पैन की जान उसके सामने गई थी। गोहान बोलता है कि पैन मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड तुम्हें रिवाइव करेंगे। इसके बाद गोहान ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और उसके बालों का रंग चेंज होने लग जाता है और आखिरकार गोहान एक बार फिर से सुपर सैयन 5 में बदलने में कामयाब हो जाता है। हमारे सभी हीरोज़ उतनी ट्रेनिंग कर चुके हैं जितनी ट्रेनिंग वो कर सकते थे और आखिरकार वो समय आ जाता है जब गोहान और बाकी सभी मिलकर ड्रैगन को बुलाने वाले होते हैं। डेंडे गोहान के सामने ड्रैगन बॉल्स रखता है। गोहान बोलता है कि लगता है समय आ गया है। डेंडे बोलता है कि गोहान प्लीज़ आगे बढ़ो। इसके बाद गोहान शेनलॉन्ग को समन करता है और बोलता है कि शेनलॉन्ग सामने आओ और मेरी विश पूरी करो। इसके बाद एकदम से ड्रैगन बॉल्स चमकने लग जाती हैं और सारा का सारा आसमान काला हो जाता है। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से बहुत सारी ईवल एनर्जी निकलने लग जाती है। आखिरकार ड्रैगन बॉल्स की सील टूट चुकी है और अब ये देखना है कि गोहान और बाकी सभी मिलके क्या ईवल ड्रैगन्स को हरा पाएंगे या नहीं। पर गोहान के ड्रैगन को समन करने से पहले हमारे हीरोज़ ने एक प्लान बनाया था। ड्रैगन को समन करने से कुछ देर पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम काय गोहान से कुछ बात कर रहे होते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय गोहान से बोलते हैं कि इससे पहले कि हम ड्रैगन को समन करें, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। गोहान पूछता है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं, धरती पर आइस और मार्बल के साथ लड़ाई के दौरान धरती वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि ईवल ड्रैगन्स के साथ जो लड़ाई होगी वो और ज़्यादा खतरनाक होगी, इसीलिए हम धरती पे और ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ईवल ड्रैगन्स के साथ जो लड़ाई होगी वो दूसरे प्लैनेट्स पे करना सही रहेगा। गोहान बोलता है कि ये आइडिया अच्छा है, पर हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाएंगे कैसे। कभी तो काय बोलते हैं कि इसकी चिंता मत करो, वो काम मैं कर दूंगा, मैं अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके ये काम करूंगा। गोहान बोलता है कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, पर कभी तो काय क्या ये काम आप अकेले कर पाएंगे। कभी तो काय बोलते हैं कि इस चीज़ की चिंता मत करो, धरती पर जो भी कुछ हो रहा है मैं उस चीज़ का ध्यान रखूंगा। मैं इस चीज़ के लिए ड्रैगन रेडार का इस्तेमाल करूंगा, जैसे ही कोई ईवल ड्रैगन सामने आएगा मैं उसके पास टेलीपोर्ट करके उसे एकदम से दूसरे प्लेनेट पे ले जाऊंगा जहां पर तुम लोगों में से कोई होगा। बेसिकली तुम सभी लोगों को 1-on-1 फाइट करनी होगी। पर अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि तुम धरती के अलावा कहां पर फाइट कर सकते हो। गोहान और वेजिटा सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद कबीटो काय बोलते हैं कि हमने तुम लोगों के लिए 5 प्लेनेट चूज़ करे हैं। पहला है द डार्क डीमन रेल्म, दूसरा है प्लेनेट ज़ून, तीसरा है प्लेनेट काचिन, चौथा है प्लेनेट मुजिन और आखिरी में आता है कायोशिन रेल्म। तुम सभी लोग इन 5 प्लैनेट पे लड़ोगी, ये सभी प्लैनेट्स धरती के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। गोहान बोलता है कि 5 प्लैनेट, पर कभी तो काय कुल मिला के 7 ईवल ड्रैगन्स होंगे, तो बाकी के 2 ईवल ड्रैगन्स का हम क्या करेंगे। तभी ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि वेजिटा गोहान, तुम दोनों को 2-2 ड्रैगन से लड़ना होगा। कभी तो काय बोलते हैं कि 1 ईवल ड्रैगन से लड़ने के बाद तुम उसकी ड्रैगन बॉल को ले लेना, जब तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो तुम दूसरों की मदद के लिए जा सकते हो। गोहान बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, एक बात और याद रखना, एक बारी अगर ईवल ड्रैगन्स आज़ाद हो गए तो वो हो सकता है कि पूरी धरती पे फैल जाएं। तो जब मैं उन ईवल ड्रैगन्स को तुम्हारे प्लैनेट्स पे लेके आ रहा हूँगा तो हो सकता है कि मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाए, ये बात तुम लोग अपने दिमाग में रखना, और हो सकता है कि उस हिसाब से हमें प्लान भी चेंज करना पड़े। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, अब हम सब लोग तैयार हैं, अब बस हमारे लिए एक ही चीज़ रह गई है, जीत के लिए प्रे करना। गोहान, वेजिटा, गोटेन, ऊबो, ट्रंक्स सभी के सभी ईवल ड्रैगन्स का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरीके से आखिरकार वो ईवल ड्रैगन्स की सील को तोड़ देते हैं और ईवल ड्रैगन सामने आता है। जैसे ही उसे समन किया जाता है वो सबको घूर रहा होता है और कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और एकदम से वो थूकता है। जो चीज़ उसने थूकी होती है वो गोकू होता है और गोहान और वेजिटा ये देख के हैरान रह जाते हैं। गोहान गोकू के पास जाता है और उसे गोद में उठाता है। वो देखता है कि गोकू की सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं और वो ये देख के खुश होता है कि गोकू भी जिंदा होता है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि गोकू तुमने सच में हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, पर आखिरकार अब हम रिलीज हो चुके हैं और तुम सब बाकी लोग भी ध्यान रखना कि पिछली बारी जैसे हम लोग हार गए थे इस बारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग होगी, इस बारी तुम लोग हमें नहीं हरा पाओगे।
तुम लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि हम लोगों की बढ़ी हुई ताकत कितनी ज़्यादा है। तुम लोगों को पता चलेगा कि डर क्या होता है। इस बार हम लोग उतनी तबाही मचाएंगे जितना हमारा मन करेगा। इसके बाद ईवल ड्रैगन अपनी ताकत रिलीज़ करने लग जाता है और उसकी ताकत 7 ड्रैगन्स में स्प्लिट हो जाती है और वो 7 ड्रैगन्स अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं ताकि वो जाकर तबाही मचा सकें। पर इस वक्त सभी को ईवल ड्रैगन से ज़्यादा गोकू की फिक्र होती है। गोहान बोलता है कि ये अभी ज़िंदा हैं पर इनकी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बस ये किसी तरीके से ज़िंदा हैं। कबीटोकाई बोलते हैं कि मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ। गोकू पिछले 3 साल से नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं गोकू को एक सेफ जगह पर आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ और हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब सभी लोगों को उनके प्लैनेट्स पर ट्रांसपोर्ट करना शुरू करता हूँ। इसके बाद कबीटोकाई सभी के सभी वॉरियर्स को अलग अलग प्लैनेट्स पर छोड़ के आ जाते हैं। कबीटोकाई बोलते हैं कि सब लोग अपना बैच देने की कोशिश करना। इसके बाद कबीटोकाई गिरो से बोलते हैं कि गिरो चलो ईवल ड्रैगन्स को ढूंढना शुरू करते हैं। और आखिरकार उन्हें पहला ईवल ड्रैगन मिल जाता है और इसके बाद वो उड़ के उसके पास जाते हैं। वो एक शहर में होता है और ह्यूमंस उसे देख के हैरान होते हैं और उससे डर रहे होते हैं। वो ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है। वो बोलता है कि हम जितनी चाहे उतनी तबाही मचाएंगे। इस बार हम सभी ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे। ह्यूमंस तैयार हो जाओ। तभी एकदम से कबीटोकाई उसके पीछे पहुँच जाते हैं और एकदम से उसकी कमर पर हाथ लगा के उसे टेलीपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो एकदम से एक प्लैनेट पर पहुँच जाते हैं। ईवल ड्रैगन को कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बोलता है कि ये जगह कौन सी है और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी क्यों लग रही है। हम देखते हैं कि वहाँ पर गोटन होता है। गोटन बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे अपोनेंट हो। इसके बाद वो ईवल ड्रैगन गोटन की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो। गोटन बोलता है कि तुम 5-स्टार ड्रैगन हो। क्या तुम्हारा नाम वुशिंग लॉन्ग है? मैं यहाँ पर तुम्हें हराने के लिए आया हूँ। हम लोग तुम्हें वैसा नहीं करने देंगे जैसा तुम लोग करना चाहते हो। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मैं ह्यूमंस को सच में तबाह करना चाहता था। तुम्हारी रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? गोटन बोलता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जन्म किस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था? ईवल ड्रैगन हंसता है। वो बोलता है कि मेरा जन्म तब हुआ था जब तुम लोगों ने सेल के हाथों मारे गए लोगों को ज़िंदा करने की विश मांगी थी। गोटन बोलता है कि अच्छा, एंड्रॉयड सेल। मैंने सुना था कि मेरे फादर और बाकी सभी ने मिलकर सेल नाम की किसी एंड्रॉयड से लड़ाई करी थी। ईवल ड्रैगन बोलता है, क्या तुम मुझे देख के हैरान हो? गोटन बोलता है कि हमारी बातें काफ़ी हो गई, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। कायोशिन रेल में ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि लगता है लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। गोकू, तुमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया और फिलहाल के लिए तुम रेस्ट कर सकते हो और अपनी बॉडी को आराम दो। फिलहाल ये गोहान और बाकियों की लड़ाई है। एक बारी अगर ये लड़ाई अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई तो दुनिया में सच में शांति आ जाएगी। फिलहाल हम प्रे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्लैनेट जून पर गोटेन और वुशिंग लॉन्ग की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। वुशिंग लॉन्ग बोलता है कि चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद गोटेन वुशिंग लॉन्ग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसे एकदम से आके पंच मारता है। वुशिंग लॉन्ग खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद गोटेन पर हमला करता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के पंचेस को डॉच करे जा रहे होते हैं। अभी वो एक दूसरे को हिट भी नहीं कर पाए होते हैं। वुशिंग लॉन्ग एकदम से आसमान में उड़ जाता है। गोटेन एकदम से वुशिंग लॉन्ग को देखता है और कामयाबी बनाता है और उसकी तरफ शूट कर देता है। गोटेन का ये अटैक वुशिंग लॉन्ग को स्पेस में पुश करने लग जाता है, पर वुशिंग लॉन्ग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो इस अटैक को रोकता है और एक दूसरे डायरेक्शन में पुश कर देता है और ये अटैक जाके प्लैनेट की दूसरी तरफ धमाका करता है। इसके बाद वुशिंग लॉन्ग ज़मीन पर उतरता है। गोटेन और वुशिंग लॉन्ग समझ जाते हैं कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, पर दोनों ने ही अभी तक सीरियसली लड़ना शुरू नहीं किया था। इसके बाद गोटेन फिर से वुशिंग लॉन्ग पर अटैक करता है। वुशिंग लॉन्ग अपनी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और गोटेन आके उसे एकदम से किक मारता है और वुशिंग लॉन्ग इस अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। इसके बाद वो गोटेन को पंच मारने की कोशिश करता है और गोटेन भी इस अटैक को डॉच कर देता है। गोटेन वुशिंग लॉन्ग को ट्रिक करके उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर वुशिंग लॉन्ग उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके बाद उसे खिंचा के पंच मारता है। इसके बाद वुशिंग लॉन्ग गोटेन पे अपने क्रिम्सन कैनन से अटैक करता है। गोटेन अभी अपने आप को पिछले अटैक से बचा ही रहा होता है, पर इतने में ही वुशिंग लॉन्ग का अटैक भी उस तक पहुंच जाता है। गोटेन उस अटैक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर इतने में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वुशिंग लॉन्ग के चारों तरफ धमाके की वजह से धूल रखी होती है। वुशिंग लॉन्ग को लग रहा होता है कि उसने गोटेन को हरा दिया है। वो बोलता है कि गोटेन लगता है बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। पर तभी वुशिंग लॉन्ग को कुछ महसूस होता है। वो मुड़ के देखता है और गोटेन उसके पीछे बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। गोटेन वुशिंग लॉन्ग से बोलता है कि ये काफ़ी नज़दीकी मामला था, अगर मेरा अटैक शूट करने में मुझे जरा सी भी देरी हुई होती तो वो अटैक मुझे डायरेक्टली लगता। वुशिंग लॉन्ग बोलता है कि मैं तो काफ़ी हैरान हूँ, तुमने मेरे अटैक को भी डॉच कर दिया और एकदम से मेरे पीछे भी आके खड़े हो गए। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे माफ़ करना। गोटेन अपने मन में बोलता है कि रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में ट्रेनिंग करना काफ़ी अच्छा फैसला रहा। वहाँ की ग्रेविटी भी इस प्लैनेट की तरह 10 गुना ज़्यादा थी, तो अब इस प्लैनेट की ग्रेविटी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रही। पर ऐसा लग रहा है कि वुशिंग लॉन्ग की बॉडी ने अभी इस प्लैनेट की ग्रेविटी से अडेप्ट नहीं किया है और इसे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। गोटेन और वुशिंग लॉन्ग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और वुशिंग लॉन्ग बोलता है कि ठीक है, हमारा वार्म अप एक्सरसाइज काफ़ी लंबा चल गया,
अब हम सीरियसली फाइट करेंगे। गॉर्डन बोलता है कि क्या, तभी वो शिंगलोंग स्माइल करता है और एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वो भी अपनी असली ताकतों को छुपा रहा था। वो शिंगलोंग की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और गॉर्डन भी इस चीज़ से थोड़ा सा हैरान होता है और आखिरकार वो शिंगलोंग का पावर अप खत्म हो जाता है। पर गॉर्डन इसके बाद स्माइल कर रहा होता है, जो कि वो शिंगलोंग के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। गॉर्डन बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं भी अब सीरियस हो जाता हूँ। इसके बाद गॉर्डन भी पावर अप करने लग जाता है। वो शिंगलोंग अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा होता है। गॉर्डन के बालों का रंग चेंज होने लग जाता है और आखिरकार वो शिंगलोंग को अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म को दिखाता है। गॉर्डन बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं। वो शिंगलोंग बोलता है कि लगता है इसमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके बाद वो दोनों फाइटिंग पोज में आ जाते हैं और उनकी सीरियस फाइट बस शुरू होने ही वाली है। गॉर्डन अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म में एकदम से वो शिंगलोंग पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे लगातार पंच मारे जा रहा होता है। वो शिंगलोंग गॉर्डन के पंच से अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता। एकदम से गॉर्डन उसे खिंचा के पंच मारता है और इसके बाद वो उसे एक जोरदार लात मारता है। वो शिंगलोंग एकदम से पीछे होता है और बहुत तेज़ी से गॉर्डन की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। इस प्लैनेट की ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा है, तो जैसे ही वो जाके ज़मीन से टकराता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो शिंगलोंग सोच रहा होता है कि शायद वो जीत गया है, पर गॉर्डन उस धमाके के अंदर से एकदम से निकलता है और वो शिंगलोंग के सामने आ जाता है। हालांकि गॉर्डन थोड़ा सा घायल लग रहा होता है, पर इसके बाद वो पावर अप करता है। गॉर्डन कामेहामेहा बना रहा होता है और वो शिंगलोंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और इसके बाद वो भी अपना एक अटैक बनाने लग जाता है। गॉर्डन का कामेहामेहा पूरा हो जाता है और वो शिंगलोंग के अटैक का नाम होता है फ्लेम बॉल। इसके बाद वो दोनों अपने अटैक एक दूसरे की तरफ शूट करते हैं। वो शिंगलोंग का फ्लेम बॉल और गॉर्डन का कामेहामेहा टकराते हैं। दोनों के अटैक्स की ताकत काफ़ी कुछ बराबर होती है और दोनों ही अपने अटैक्स को पुश कर रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को पुश करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से प्लैनेट पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गॉर्डन और वो शिंगलोंग दोनों ही काफ़ी कुछ थके हुए लग रहे होते हैं। गॉर्डन अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, ये एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे इसके सामने इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर मैं इसके सामने हार नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हार गया तो बाकियों को मेरी वजह से दिक्कत हो जाएगी। वो शिंगलोंग बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मेरी बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, आखिर ये जगह है क्या। वो शिंगलोंग इस वक्त ये नहीं जानता कि वो एक दूसरे प्लैनेट पर है जिसकी ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा है। गॉर्डन बोलता है कि ना जाने अभी तक कितनी बार ड्रैगन बॉल्स हमारे काम आई हैं, पर इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार ये हमें खुद जीतना है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। हम किसी को बचाना चाहते हैं और हम उसे बचा के ही रहेंगे, और इसके लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। वो शिंगलोंग इस बात पर हंसता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। गॉर्डन बोलता है कि ये पैन के लिए है, ये मेरी फैमिली के लिए है और ये पूरी धरती की रक्षा के लिए है। डैड प्लीज़ मुझे अपनी ताकत दीजिए, मैं अपनी सारी ताकत अपने इस पंच में लगा रहा हूँ। इसके बाद गॉर्डन अपनी पूरी ताकत अपने एक पंच पर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन फिस्ट एक्सप्लोजन। गॉर्डन अटैक के लिए वो शिंगलोंग की तरफ बढ़ता है और वो शिंगलोंग देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि गॉर्डन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। साइंस की ताकत उनके इमोशन से बढ़ती है। गॉर्डन ने अपनी बची हुई पूरी ताकत इस पंच में लगा दी होती है और ये पंच वो शिंगलोंग के पेट में मारता है। गॉर्डन वो शिंगलोंग को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और वो शिंगलोंग भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर आखिरकार गॉर्डन की ताकत ज़्यादा साबित होती है और वो शिंगलोंग को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। वो उसके पेट को चीरते हुए निकल जाता है और वो शिंगलोंग के पेट में बस एक गड्ढा रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वो शिंगलोंग की बॉडी फट जाती है। इसके बाद गॉर्डन पावर डाउन करता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि थैंक यू डैड, आपके तरीके से ट्रेनिंग करना सच में मेरे बहुत काम आया। इसके बाद गॉर्डन वहाँ जाता है जहाँ पर वो शिंगलोंग की बॉडी फटी होती है और इसके बाद जाकर वो ड्रैगन बॉल को उठा लेता है। वो बोलता है कि आखिरकार मैं एक ड्रैगन बॉल को रिकवर करने में कामयाब हो गया हूँ। दूसरी तरफ वेजिटा डार्क डीमन रेल में होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी स्मेल तो एक ह्यूमन की तरह है, मैंने काफ़ी लंबे समय से किसी ह्यूमन को नहीं खाया है, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। वेजिटा उस मॉन्स्टर से बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और तुम्हारी जान बच जाएगी। वो मॉन्स्टर वेजिटा से बोलता है कि तुमने क्या कहा, लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेवकूफ़, तुम्हारी जान खतरे में है, मैं नहीं तुम मेरे से जान की भीख मांगोगी। एकदम से वो मॉन्स्टर वेजिटा पे हमला कर देता है ताकि वो वेजिटा को ख़त्म कर सके, पर वेजिटा अपनी जगह पे खड़े खड़े ही उस मॉन्स्टर पे पंचेस बरसा देता है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। उस मॉन्स्टर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े ज़मीन पे पड़े होते हैं और वेजिटा का पसीना भी नहीं बहा होता है। वेजिटा बोलता है कि उसे दूसरी दुनिया में पछतावा होगा कि उसने किससे पंगा लिया था, पर सच में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं जहाँ पर कभी टुकड़ा ड्रैगन रेडार की मदद से ईवल ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ईवल ड्रैगन मिलता है और वो वैश्य की तरफ होता है। कबीटो का तेजी से उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू बस देखते रहो, हम धरती की रक्षा जरूर करेंगे, तुम्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। पिछली बारी जब ईवल ड्रैगन्स आए थे तो
तो उनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से पूरी धरती पर तबाही मची हुई थी, क्योंकि पिछली बार उनकी नेगेटिव एनर्जी पूरी धरती पर फैल गई थी। पर इस बार सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी गोकू की तरफ जा रही है, इसीलिए जब तक ड्रैगन बॉल्स की सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि गोकू तब तक उठेगा। गोकू ऑलरेडी अपनी जान के लिए लड़ रहा है, और जब तक ड्रैगन बॉल्स की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, उसकी जान खतरे में रहेगी। इसीलिए हमें ड्रैगन बॉल्स की नेगेटिव एनर्जी को जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा। इसके बाद हम कायोशिन रियल में आ जाते हैं, जहाँ पर ट्रंक्स लड़ने वाला होता है। ट्रंक्स महसूस करता है कि गोटेन अपनी फाइट जीत चुका है। वो बोलता है कि गोटेन, लगता है तुमने सेफली पहली ड्रैगन बॉल को रिकवर कर लिया है, लगता है अब मेरी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीटो का एक शहर से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर एक ईवल ड्रैगन तबाही मचा चुका होता है। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, मुझे उस ईवल ड्रैगन को जल्दी ढूंढना होगा, वरना धरती पर तबाही मच जाएगी। इसके बाद हम उसी ईवल ड्रैगन को देखते हैं, जो अपनी ताकतों से लोगों को परेशान कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, वरना मैं तुम लोगों को अपने अल्टीमेट अटैक से ख़त्म कर दूंगा। वो बोलता है कि सच में ह्यूमंस को परेशान करना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसके बाद वो एक अटैक करता है और उसके आसपास के सभी लोगों को ख़त्म करने वाला होता है। तभी एकदम से वो कायोशिन रियल में पहुंच जाता है। तभी तो काय ने एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से उसे कायोशिन रियल में पहुंचा दिया होता है। वो कुछ समझ नहीं पाता, वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे उसके सामने ट्रंक्स दिखता है। वो ट्रंक्स को देख के हैरान होता है, ट्रंक्स लड़ने के लिए तैयार होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ट्रंक्स उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम मरोगे। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैं यहाँ पर मरूंगा, लगता है तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं सुपर अर्शिंग लॉन्ग हूँ, मैं जल्दी तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ट्रंक्स बोलता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुमने धरती पर बहुत सारा तबाही मचाई है, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें हरा के ही रहूँगा। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं वापस धरती पर जाकर धरती के लोगों को परेशान करना चाहता हूँ। इस बात पर ट्रंक्स को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ट्रंक्स एकदम से पावर अप करता है और अर्शिंग लॉन्ग हैरान रह जाता है। उसके सामने सुपर सैयन 2 ट्रंक्स खड़ा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे भी बहुत जल्दी है, इसीलिए लड़ाई जल्दी शुरू करते हैं, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम धरती पर बस एक ही तरीके से जा सकते हो और वो है मुझे ख़त्म करके। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इस अजीब सी फॉर्म से हैरान हूँ। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग और ट्रंक्स दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्शिंग लॉन्ग एकदम से ही ट्रंक्स के सामने से गायब हो जाता है और ट्रंक्स को दिखता नहीं कि वो कहाँ गया है। अर्शिंग लॉन्ग एकदम से ट्रंक्स के बराबर में आ जाता है और उसकी कमर पर जोरदार कोनी मारता है। जैसे ही ट्रंक्स गिरने वाला होता है, अर्शिंग लॉन्ग एकदम से उसके सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह पे खिंचा के घुसा मारता है, और इसके बाद वो सुमो स्टाइल से ट्रंक्स के पेट में इतना जोरदार तरीके से मारता है कि ट्रंक्स की जान निकल जाती है। ये पुश इतना जोरदार होता है कि ट्रंक्स कई चट्टानों से टकराता है और एक बहुत ही बड़ी चट्टान से जाकर टकराता है, और अर्शिंग लॉन्ग को लगता है कि शायद वो जीत चुका है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि अभी तो तुम इतनी बकवास कर रहे थे और तुम अच्छी तरीके से लड़ भी नहीं सकते हो। इतने में अर्शिंग लॉन्ग कुछ देखता है जिससे वो हैरान रह जाता है। ट्रंक्स चट्टानों के बीच में से सही सलामत निकलता है। वो थोड़ा सा घायल तो ज़रूर लग रहा होता है, पर अब फाइट करने के लिए वो बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है, और अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स को सही सलामत देख के काफ़ी हैरान हो रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स को घूर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी हैरान हूँ, तुम मेरे इलेक्ट्रिक नकल को झेलने के बाद भी सही सलामत खड़े हो। ट्रंक्स बोलता है कि मैं भी सच में काफ़ी हैरान हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझ पर अटैक करने में कामयाब कैसे हो गए। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा तेज है, मेरी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये फाइट आराम से जीत पाऊंगा। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि चलो ये फाइट फिर से शुरू करते हैं। अर्शिंग लॉन्ग और ट्रंक्स एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं। दोनों के पंचेस टकराते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथों को रोक लेते हैं। दोनों के अंदर से इतनी ताकत निकल रही होती है कि आसपास का एरिया तबाह होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि अर्शिंग लॉन्ग और ट्रंक्स की ताकतें बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के पंचेस और अटैक्स को रोके जा रहे होते हैं, पर एकदम से अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स को अपना इलेक्ट्रिक नकल पंच मारता है और इससे ट्रंक्स को काफ़ी चोट लगती है। ट्रंक्स इस अटैक की वजह से काफ़ी दूर पुश हो जाता है। ट्रंक्स थोड़ा सा घायल लगने लग जाता है। वो ऑलरेडी समझ चुका होता है कि अर्शिंग लॉन्ग को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा, और अर्शिंग लॉन्ग हंस रहा होता है। इसके बाद ट्रंक्स अपने हाथों को आगे करता है और अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। अर्शिंग लॉन्ग समझ चुका होता है कि ट्रंक्स उस पर अटैक करने वाला है। इसके बाद ट्रंक्स अपना सुपर बर्निंग अटैक अर्शिंग लॉन्ग पर शूट करता है। ये अटैक बहुत तेज़ी से अर्शिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ रहा होता है, पर अर्शिंग लॉन्ग इस अटैक को देख के बिल्कुल भी नहीं डरता और ट्रंक्स के अटैक को रोकने के लिए अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके बाद वो अपना अटैक शूट करता है जिसका नाम होता है थंडर बस्टर। इस अटैक को पुश करने के लिए अर्शिंग लॉन्ग बस अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है, और इसके बाद दोनों के अटैक्स टकराते हैं, और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है और अर्शिंग लॉन्ग बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। ट्रंक्स बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे इतने ताकतवर अटैक को बिल्कुल आराम से रोक लिया। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम दोनों की ताकत में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम पर अटैक करूँगा।
इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग बहुत तेजी से ट्रंक्स की तरफ बढ़ता है और एकदम से जाके उसे बहुत जोरदार पंच मारता है। ट्रंक्स बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है पर अर्शिंग लॉन्ग के अटैक की वजह से पूरी जमीन फट जाती है। ट्रंक्स अपने आप को अभी बचा ही पाया होता है पर तभी एकदम से अर्शिंग लॉन्ग उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है और ट्रंक्स की हालत खराब हो रखी होती है। वो जमीन से जाके बहुत जोर से टकराता है और इसके बाद वो धीरे धीरे करके खड़े होने लग जाता है। ओल्ड सुप्रीम का कायोशिन रियल में ये फाइट देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ट्रंक्स हार रहा है। वो बोलते हैं कि ईवल ड्रैगन्स की ताकत पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रंक्स अपनी पूरी कोशिश करो, धरती और इस पूरी दुनिया का फ्यूचर तुम लोगों के हाथों में है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स से बोलता है कि लगता है तुम ऑलरेडी थक चुके हो, लगता है इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ गया है। पर तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स स्माइल कर रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग हैरान होता है कि ट्रंक्स स्माइल क्यों कर रहा है। वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इतने डर गए हो कि तुम पागल हो गए हो। ट्रंक्स बोलता है कि मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था पर मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा की कंज्यूम करती है और इसका बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। ट्रंक्स बोलता है कि पर मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तुम मुझे बस उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंक्स बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी दिखाऊंगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस हूँ, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे बताओ कि नेगेटिव एनर्जी से तुम्हारा जन्म कब हुआ था। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि मेरा जन्म उस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था जब पिल्फ शू और मैगी विश ग्रांट की गई थी। उनकी विश थी कि उन्हें कुछ समय के लिए यंग बनना है। ट्रंक्स सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि पिल्फ शू और माई, ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुने हुए हैं। ट्रंक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस था। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे मज़ा आएगा, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद ट्रंक्स एकदम से पावर अप करने लग जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्मेशन बस कुछ ही सैयन अचीव कर पाते हैं। तभी हम डार्क डीमन रियल में वेजिटा को देखते हैं और वेजिटा को ट्रंक्स की महसूस होती है। वो बोलता है कि लगता है ट्रंक्स ने काफ़ी सीरियसली ट्रेनिंग करी है, उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पर इस वक्त जिस ईवल ड्रैगन का सामना कर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर। गुहान प्लैनेट काचिन पर होता है और उसे भी ट्रंक्स की महसूस होती है। वो बोलता है कि ट्रंक्स की तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। और इसके बाद हम ट्रंक्स को देखते हैं और उसके बाल बड़े होने लग जाते हैं। अर्शिंग लॉन्ग पहली बार ऐसा कुछ देख रहा होता है। ट्रंक्स की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और आखिरकार ट्रंक्स की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। हम पहली बारी देखते हैं सुपर सीएन 3 ट्रंक्स को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लैनेट मुजिन पर ऊप की लड़ाई शुरू होने वाली होती है और उसके सामने एक ईवल ड्रैगन खड़ा होता है। ये ईवल ड्रैगन बाकी ईवल ड्रैगन से थोड़ा सा अलग होता है और साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। वो ऊप से पूछता है कि कुछ देर पहले मैं कहीं और था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ऊप बोलता है कि तुम तो काफ़ी बड़े हो। वो ड्रैगन बोलता है कि तुम कौन हो। ऊप बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी देख रहे हो। ऊप बोलता है कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है पर मुझे तुम्हें हराना होगा ताकि मैं धरती की रक्षा कर सकूं। ड्रैगन बोलता है कि मुझे हराना होगा पर क्यों। ऊप बोलता है कि क्या ये पागल है, ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। ऊप ईवल ड्रैगन से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों उस ड्रैगन बॉल के लिए लड़ रहे हैं, जो जीतेगा वो ड्रैगन बॉल उसकी होगी। ईवल ड्रैगन बोलता है कि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जहाँ से आया था मुझे वहाँ पर वापस भेज दो। ऊप बोलता है कि मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ पर मुझे तुम्हें वो ड्रैगन बॉल देनी होगी, क्या तुम्हें मंजूर है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। ऊप ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि लगता है तुमसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऊप बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फालतू का समय तुम्हारे साथ बर्बाद करूँ, मैं इस फाइट को जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद ऊप पावर अप करने लग जाता है। ऊप की ताकत ये देखकर वो ईवल ड्रैगन हैरान रह जाता है। इसके बाद एकदम से ऊप उस ड्रैगन पर हमला करता है। इसके बाद हम वापस ट्रंक्स की फाइट में आ जाते हैं। जैसे ही ट्रंक्स की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है वो अर्शिंग लॉन्ग को घूर रहा होता है और अर्शिंग लॉन्ग बिल्कुल हैरान होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया पर यह है मेरी असली ताकत। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि मैं सच में हैरान हूँ, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लगता है अब इस फाइट में मज़ा आने वाला है। ट्रंक्स खुद से बोलता है कि सुपर सीन 3 फॉर्म का इस्तेमाल करते वक्त बॉडी बहुत ज़्यादा की लूज़ करती है, मैं पिछले कुछ महीने से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ और फाइनली मेरे पास इतनी ताकत इकट्ठी हो गई कि मैं सुपर सीन 3 में बदल पाया, पर इस फॉर्म के साथ मैं ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेनिंग नहीं कर पाया हूँ और मैं ज़्यादा लंबे समय तक इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकता हूँ। अगर ये फाइट लंबी चलती है तो मेरे पास जीतने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तो देरी किस बात की है, चलो फाइट को शुरू करते हैं। इसके बाद सुपर सैयन 3 ट्रंक्स एकदम से अर्शिंग लॉन्ग पर अटैक करता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स की इस नई स्पीड और ताकत से हैरान होता है और ट्रंक्स एकदम से जाके अर्शिंग लॉन्ग के चेहरे पर बहुत जोरदार घुसा मारता है और उसके बाद उसके चेहरे पर खिंचा के लात मारता है। ट्रंक्स इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना चाहता है इसलिए वो एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है और अर्शिंग लॉन्ग को मारने वाला होता है, पर इतनी देर में अर्शिंग लॉन्ग भी एक पंच बना लेता है और दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। ट्रंक्स अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में होने के बावजूद भी अर्शिंग लॉन्ग को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता,
इसके बाद ट्रंक्स बहुत तेजी से अर्शिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसके पेट में खिंचा के लात मारता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग पर लगातार अटैक करे जा रहा होता है और उस पर घूसे बरसाया जा रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स के सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया होता और ट्रंक्स उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है। और इसके बाद ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग के पेट में जोरदार घूसा मारता है। ऐसा लगता है कि शायद ही अर्शिंग लॉन्ग को हराने के लिए काफ़ी होगा, पर अर्शिंग लॉन्ग अपनी ही जगह पर खड़ा होता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स की ताकत से हैरान होता है, पर उसने अभी हार नहीं मानी होती। वो ट्रंक्स की इस नई फॉर्म से थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा होता है। वो खुद से बोलता है कि जब से ये ट्रांसफॉर्म हुआ है इसकी ताकत और स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आखिर ये शख्स है क्या। और तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स थोड़ा सा थका हुआ लग रहा होता है। सुपर सैयन 3 की फॉर्म में उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ कर रही होती है। ट्रंक्स खुद से बोलता है कि लगता है फिलहाल मैं सुपर सैयन 3 को मैनेज कर पा रहा हूँ, पर दिक्कत यह है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मुझे इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना होगा, अगर मैंने ये फाइट अभी नहीं ख़त्म करी तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो जाए। ट्रंक्स अटैक के लिए तैयार हो जाता है और अर्शिंग लॉन्ग उसे देख के एकदम से डरता है। ट्रंक्स एकदम से अटैक करने के लिए अर्शिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ता है और अर्शिंग लॉन्ग उसे रोकने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ट्रंक्स एकदम से जाके अर्शिंग लॉन्ग के चेहरे पर जोरदार घूसा मारता है। ट्रंक्स अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठा रहा होता है और चारों तरफ से अर्शिंग लॉन्ग पर घूसे बरसाया जा रहा होता है। वो अर्शिंग लॉन्ग को बचने का कोई भी चांस नहीं देना चाहता। ट्रंक्स के अटैक के बाद अर्शिंग लॉन्ग खुद को रोकता है और ट्रंक्स उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग एक अटैक बनाता है और ट्रंक्स की तरफ शूट करने वाला होता है, पर तभी एकदम से ट्रंक्स उसके पीछे आ जाता है और अर्शिंग लॉन्ग का अटैक बेकार हो जाता है। ट्रंक्स एकदम से अर्शिंग लॉन्ग के पीछे जाता है और उसे जोरदार किक मारता है। अर्शिंग लॉन्ग बहुत जोर से जाके जमीन से टकराता है और इसके बाद ट्रंक्स अपना एक अटैक बनाता है। इस अटैक का नाम होता है बस्टर कैनन। जैसे ही अर्शिंग लॉन्ग खड़ा होता है वो देखता है कि ट्रंक्स का एक अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा है और अर्शिंग लॉन्ग अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ट्रंक्स का अटैक आके उसे लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही ट्रंक्स का ये अटैक ख़त्म होता है हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपनी पावर को लूज़ करने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी ताकत ख़त्म हो रही है। एकदम से ट्रंक्स ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ट्रंक्स के अटैक के बाद ज़मीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और ट्रंक्स ज़मीन पर उतरता है। वो बोलता है कि काश ही फाइट ख़त्म हो चुकी हो। धीरे धीरे करके धूल चटने लग जाती है और एकदम से उस धूल के अंदर से कोई बाहर आता है। ये अर्शिंग लॉन्ग होता है। अर्शिंग लॉन्ग काफ़ी घायल होता है पर वो अभी मरा नहीं होता। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस बारी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। पर तभी अर्शिंग लॉन्ग कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि ट्रंक्स अपनी बेस फॉर्म में है। वो बोलता है कि तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हो, लगता है तुम्हारी उस फॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम काफ़ी लिमिटेड था और तुम्हारी ताकत भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तुम अपनी ताकत के इस लेवल पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हूँ पर इस वक्त तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और ट्रंक्स भी ये बात जानता है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि लगता है लड़ाई में पासा पलट चुका है। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग अपना हाथ उठाता है और ट्रंक्स की तरफ अपना एक अटैक शूट करता है। किसी तरीके से ट्रंक्स अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है, पर एकदम से अर्शिंग लॉन्ग उसके बराबर में आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। ट्रंक्स की ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और वो अर्शिंग लॉन्ग के इस अटैक से काफ़ी घायल हो जाता है। ट्रंक्स अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और अर्शिंग लॉन्ग उसकी तरफ बढ़ता है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, तुम्हारी ताकत सच में कमाल की थी। अगर तुम अपने उस लेवल पर लड़ते रहते तो मेरा तुम्हारे से जीतने का कोई भी चांस नहीं होता और इसलिए मैं तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा कि तुम ज़रा सा भी सफ़र नहीं करोगे। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग एक अटैक बनाने लग जाता है और बोलता है कि अलविदा। ऐसा लगता है कि वो ट्रंक्स को मारने वाला है और ट्रंक्स भी मरने के लिए तैयार होता है, पर अचानक से ही अर्शिंग लॉन्ग को एक ज़ोरदार किक पड़ती है और वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि ये गोटेन होता है और उसने एकदम से आके ट्रंक्स को बचा लिया होता है। गोटेन के अटैक की वजह से अर्शिंग लॉन्ग एक तालाब के अंदर जाके गिरता है। तभी ट्रंक्स देखता है कि कबीटो का एक गोटेन को यहाँ पर लेकर आए हैं और वो उन्हें थैंक्स बोलता है। गोटेन बोलता है कि लगता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ जल्दी आ गया। ट्रंक्स चैन की सांस लेता है और बोलता है कि सच में बहुत जल्दी आ गए बेवकूफ़। ट्रंक्स बोलता है कि मेरे लिए कितनी बुरी बात है कि तुमने मेरी जान बचाई है। गोटेन बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी सैलरी बढ़ा देना, वैसे भी मैं डैड बनने वाला हूँ तो मुझे वैसे भी पैसे की ज़रूरत है। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है, देखेंगे। तभी अर्शिंग लॉन्ग तालाब से बाहर आता है और गोटेन की तरफ देखता है। वो बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सरप्राइज़ अटैक करने की, मैं इसे माफ़ नहीं करने वाला। गोटेन बोलता है कि चलो फालतू की बातें बहुत हो गई, इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है। इसके बाद ट्रंक्स भी पावर अप करता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म में जाता है। एकदम से गोटेन और ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग के सामने से गायब हो जाते हैं और अर्शिंग लॉन्ग उन्हें ढूंढ रहा होता है कि वो एकदम से आके उसे पीटने लग जाते हैं और दोनों आकर एकदम से उस पर लाते और गुस्से बरसाने लग जाते हैं। ट्रंक्स ने अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में अर्शिंग लॉन्ग को ऑलरेडी काफ़ी घायल कर दिया है और इसीलिए वो इस वक्त दो सुपर सैयन्स का सामना नहीं कर पा रहा है। ट्रंक्स और गोटेन लगातार डबल अटैक करके अर्शिंग लॉन्ग की हालत ख़राब कर देते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर कामयाब वेव बनाते हैं। दोनों अपना ये अटैक एकदम से अर्शिंग लॉन्ग पर शूट करते हैं और अर्शिंग लॉन्ग अपने आप को नहीं बचा पाता। वो इस अटैक की चपेट में आ जाता है
और एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। उन दोनों के अटैक के बाद जो गड्ढा बना होता है उसके अंदर एक ड्रैगन बॉल पड़ी होती है और ट्रंक्स जाकर उस ड्रैगन बॉल को रिकवर करता है। ट्रंक्स बोलता है कि चलो आखिरकार हमें दूसरी ड्रैगन बॉल मिल गई। गोटन बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उसके सामने इतनी दिक्कत क्यों आई, वो तो काफ़ी कमज़ोर था। ट्रंक्स बोलता है कि बेवकूफ़, वो मेरे साथ लड़ने की वजह से कमज़ोर था, मैं अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में उससे लड़ा था और मैंने उसे काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, पर यह बात भी सच है कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। इसके बाद हम फिर से ऊब की फाइट में आ जाते हैं जो कि ईवल ड्रैगन के सामने हार चुका होता है और ज़मीन पर पड़ा होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो बोलता है कि ये इतना सारा ताकतवर कैसे है। ईवल ड्रैगन ऊब की बात पर हंसता है। ऊब बोलता है कि मुझे तुम्हें देख के लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर होगी, इसीलिए तुमने मुझे इस बार ही हरा दिया, पर ऐसा फिर नहीं होगा। इसके बाद ऊब ईवल ड्रैगन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है। ऊब जैसे ही ईवल ड्रैगन पर अटैक करता है, ईवल ड्रैगन उसके अटैक्स को बड़े आराम से डॉच कर देता है और ऊब उसे छू भी नहीं पाता। और इसके बाद ईवल ड्रैगन ऊब को पीटने लग जाता है। ऊब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और बड़े आराम से हार रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ऊब के पास ताकतें ही नहीं हैं, पर एकदम से ऊब पावर अप करता है और ईवल ड्रैगन को लात मारने की कोशिश करता है। ईवल ड्रैगन देख लेता है कि ऊब क्या करने वाला है, पर वो ऊब के इस अटैक से नहीं बच पाता और ऊब उसे किक मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ऊब एक अटैक बनाता है और ईवल ड्रैगन को उसे शूट करता है, पर एकदम से उसका अटैक गायब हो जाता है। ईवल ड्रैगन स्पाइल करता है और ऊब कुछ भी समझ नहीं पाता। इसके बाद ईवल ड्रैगन फिर से ऊब पर अटैक करता है। इस अटैक से ऊब अपने आप को बचा लेता है, पर इस ईवल ड्रैगन के नेक्स्ट अटैक से ऊब अपने आप को नहीं बचा पाता और उसे एक बहुत जोरदार पंच लगता है। ऊब काफ़ी दूर जाके गिरता है और इसके बाद ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है। ऊब काफ़ी घायल हो चुका होता है और इसके बाद वो उठता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है और ईवल ड्रैगन अभी भी स्माइल कर रहा होता है। ऊब बोलता है कि ये कितनी अजीब बात है, मैं इसकी की वो महसूस कर सकता हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, पर मेरे किसी भी अटैक का इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मेरे सारे के सारे अटैक्स बेकार होते जा रहे हैं। इसके बाद ईवल ड्रैगन हंसने लग जाता है और ऊब को कुछ समझ नहीं पाता कि वो हंस क्यों रहा है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे को देख के हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर लगता है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। ऊब बोलता है कि क्या क्या बताना पड़ेगा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे कोई भी अटैक मुझ पर काम क्यों नहीं कर रहा है। ऊब बोलता है कि हाँ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि दरअसल बात यह है कि मेरे अंदर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और अगर 5 मीटर तक के रेडियस में मेरे नज़दीक कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी और इसीलिए तुम्हारे जैसा कोई भी पावरफुल शख्स जिसके पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसकी की मेरे तक पहुँच ही नहीं पाएगी। अब समझे। वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम पर कोई भी अटैक करूँगा तो वो तुम तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब यह है कि तुम समझ चुके हो कि तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगे। ऊब को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी, तो तुम्हारा भला इसी में है कि तुम मुझे वापस धरती पे भेज दो। ऊब बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं गोकू और बाकी सभी मिलकर धरती की रक्षा कर रहे हैं, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर तुम हमारे सामने कभी भी नहीं जीत पाओगे। इसके बाद ऊब पावर अप करता है। ईवल ड्रैगन थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो पर इस लड़ाई का नतीजा हमेशा सही में रहेगा, तुम्हें ये बात अभी तक समझ जानी चाहिए थी। इसके बाद ऊब गुस्से में पावर अप करता है और एकदम से ईवल ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर जैसे ही उसका अटैक ईवल ड्रैगन तक पहुंचता है उसका अटैक बेकार हो जाता है और ईवल ड्रैगन उसके अटैक को डॉच कर देता है और इसके बाद ऊब को एक ज़ोरदार पंच मारता है। ईवल ड्रैगन ऊब पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता और उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो अपने दोनों हाथों को मिला के ऊब को एक ज़ोरदार पंच मारता है और ऊब के मुँह से खून निकल जाता है। ऊब ज़मीन पर हार कर लेटा हुआ होता है और इसके बाद वो ईवल ड्रैगन एक अटैक बनाने लग जाता है ताकि वो ऊब को ख़त्म कर सके। इस अटैक का नाम होता है ब्लैक बॉल। ईवल ड्रैगन बोलता है कि ये अटैक पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी से बना है और तुम जैसे लोग जिनके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी है वो इसको छूते ही ख़त्म हो जाते हैं। ऊब अपने आप को बचाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती। ईवल ड्रैगन बोलता है कि चलो तुम्हारे अंत का समय आ गया है और इसके बाद वो अपना अटैक एकदम से ऊब पे शूट कर देता है। जैसे ये नेगेटिव एनर्जी का अटैक ऊब को लगता है वो दर्द से कराहने लग जाता है। ऐसा लगता है कि इस अटैक की नेगेटिव एनर्जी ऊब के शरीर की पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर रही है और एकदम से ऊब को हम एक खाली से स्पेस पे देखते हैं। ऊब बेहोश होता है और वो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे साथ आखिर क्या हुआ, क्या मैं मर चुका हूँ, आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और यहाँ पर आने से पहले मैं कर क्या रहा था। अब उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। ये एनर्जी नफरत से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस एनर्जी को पहले भी महसूस करा है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा जानी पहचानी है। मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं माजिन हूँ।
इसके बाद ऊप के शरीर में से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और ये एनर्जी ब्लास्ट नेगेटिव एनर्जी का होता है। इस नेगेटिव एनर्जी के ब्लास्ट से वो ईवल ड्रैगन भी हैरान होता है और इसके बाद हम ऊप को देखते हैं। ऊप एक बिल्कुल ही नई फॉर्म में होता है। उसकी आंखों का रंग काला हो चुका होता है और वो चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ होता है। उसकी ये फॉर्म काफ़ी कुछ किडबू की तरह लग रही होती है। ऊप अपनी इस नई फॉर्म में काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है और इसके बाद वो गुस्से में ईवल ड्रैगन को देखता है। गोटेन ट्रंक्स और कबीटो काय को ये एनर्जी महसूस होती है। कबीटो काय बोलते हैं कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक ईवल की महसूस हो रही है, कहीं ये ऊप की तो नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा। इसके बाद हम गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं। गोटेन बोलता है कि ये की तो मैंने पहले भी महसूस करी है, बहुत ही लंबे समय पहले। ट्रंक्स बोलता है कि ये तो माजिन बू की है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम प्लेनेट काचिन पर गोहान को देखते हैं। गोहान बोलता है कि ये की तो माजिन बू और ऊप की मिली हुई लग रही है, ऊप की ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा, आखिर ऊप के साथ हुआ क्या है। इसके बाद हम ऊप की फाइट को देखते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारी की ख़त्म हो जानी चाहिए थी, आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। ऊप गुस्से में ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि बात बस इतनी ही नहीं है, तुम्हारी करंट की हमारी की तरह लग रही है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद ऊप एकदम से पावर अप करने लग जाता है। उसके शरीर के अंदर से बहुत ही ताकतवर ईवल की निकलने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ईवल ड्रैगन की ट्रिक्स अब ऊप पे काम नहीं कर रही होती हैं, इसीलिए वो ऊप से बहुत सारा डर जाता है। ऊप को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरी तरीके से गुस्से में भरा हुआ है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। इसके बाद हम गोहान और वेजिटा को देखते हैं और उन दोनों के पास ईवल ड्रैगन्स पहुँच चुके होते हैं। वेजिटा बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, और गोहान भी उस ईवल ड्रैगन को देख रहा होता है जो कबीटो काय ने उसके प्लैनेट पर छोड़ा होता है। वेजिटा अपने अपोनेंट से बोलता है कि मैं यहाँ खड़े खड़े थक चुका हूँ, चलो इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करते हैं। और गोहान अपने अपोनेंट से बोलता है कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करना होगा। कायोशिन रियल में ओल्ड सुप्रीम काय अपने क्रिस्टल बॉल में ऊप की फाइट को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ईवल की ने ऊप पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। सुगोरो सुप्रीम काय से पूछता है कि ईवल की का क्या मतलब है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऊप की बॉडी में ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी थी और ईवल ड्रैगन की नेगेटिव एनर्जी के अटैक के बाद उसके शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पूरे तरीके से रिलीज़ हो गई और ऊप अपने सोचने और समझने की ताकत को खो चुका है। अब वो एक माजिन में बदल चुका है। सुगोरो बोलता है कि एक माजिन, ऊप के पहले माजिन था। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं अगर ऊप अपने आप को जल्दी शांत नहीं करेगा तो हो सकता है वो हमेशा ऐसा ही रह जाए और एक ईवल ड्रैगन की तरह ईवल बन जाए। इस फॉर्म में वो अपनी स्पिरिट को पूरी तरीके से खो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं लौट पाएगा। सुप्रीम काय बोलता है कि हमारे सामने एक के बाद एक दिक्कत आती जा रही है। इसके बाद हम ऊप की फाइट को देखते हैं। ऊप बिल्कुल किडबू की तरह बन गया होता है और वो पूरी तरीके से गुस्से में भरा होता है। ईवल ड्रैगन भी उससे डर रहा होता है और इसके बाद ऊप उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ऊप नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से अब ईवल ड्रैगन पर हमला कर पा रहा होता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। ऊप के पंचे इतने ज़ोरदार होते हैं कि ईवल ड्रैगन बहुत दूर जाके गिरता है और इसके बाद ऊप एक बहुत ही ताकतवर अटैक को बनाता है और एकदम से ईवल ड्रैगन पे शूट कर देता है। ऊप के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के ख़त्म होने के बाद ऊप देखता है कि ईवल ड्रैगन जिंदा है या मारा गया। और इसके बाद ऊप आसमान की तरफ देखता है। ईवल ड्रैगन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया होता है और ऊप का लास्ट अटैक बेकार रहा। ईवल ड्रैगन ऊप से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो बोलता है कि इसकी स्पीड और ताकत तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लगता है मुझे अब अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद ईवल ड्रैगन अपने दोनों हाथों को मिलाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है और इस अटैक को ऊप पे शूट करता है। ऊप अपनी नेगेटिव एनर्जी को अपने एक हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है और एक अटैक बनाता है और इसके बाद वो ईवल ड्रैगन के अटैक की तरफ अपने अटैक को शूट करता है। जैसे ही ऊप का अटैक ईवल ड्रैगन के अटैक से टकराता है, ईवल ड्रैगन समझ जाता है कि वो ऊप को नहीं हरा पाएगा। ऊप की ताकत बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ऊप अपने ताकत को बढ़ाने लग जाता है और अपने अटैक को पुश करने लग जाता है और ऊप का अटैक ईवल ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मेरा अटैक पुश होता जा रहा है और आखिरकार ऊप अपने अटैक से ईवल ड्रैगन को हराने में कामयाब हो जाता है। ऊप की फाइट ख़त्म हो चुकी है और उसके सामने अब ड्रैगन बॉल पड़ी होती है, पर ऊप को अभी खुद को भी हराना है। ऊप को वापस अभी भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में जाना है। ऊप के शरीर में से लगातार नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है और सुप्रीम का ये चीज़ देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं सोच रहा था वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा पा रहा है, अगर हमने ऊप के लिए कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। सुगोरो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना होगा। वो बोलते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद वो कबीटो काय को कॉन्टैक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि कबीटो काय, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो।
कबीटो गाय बोलते हैं कि हाँ एंसेस्टर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर एक चीज़ लेकर आओ। कबीटो गाय बोलते हैं कि आप मेरे को कुछ लाने के लिए भेजना चाहते हैं। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम गाय कबीटो गाय को कुछ बताते हैं। कबीटो गाय बोलते हैं कि मैं समझ गया। इसके बाद हम ऊप को देखते हैं। ऊप अभी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया होता है। ऊप के दिमाग में सिर्फ नेगेटिव मेमोरीज़ भरी होती हैं। उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज आ रही होती हैं जो सारी की सारी नेगेटिव मेमोरीज माजिन बू की थी। ऊप खुद को शांत करने में कामयाब नहीं हो रहा होता। तभी एक दिन से कबीटो गाय ऊप के पास आ जाते हैं और उनके हाथ में कुछ होता है। वो बोलते हैं कि ऊप, यह है अल्ट्रा डिवाइन वाटर, प्लीज़ होश में आने की कोशिश करो। इसके बाद कबीटो गाय अल्ट्रा डिवाइन वाटर को ऊप के चेहरे पर फेंकते हैं और एकदम से ऊप के चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है और ऊप शांत होने लग जाता है। और कुछ ही सेकंड में ऊप वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कबीटो गाय को देख के खुश होता है। कबीटो गाय बोलते हैं कि अच्छा हुआ, आखिरकार तुम होश में तो आए। ऊप बोलता है कि कायोशिन, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको इतनी दिक्कत दी। और इसके बाद ऊप ज़मीन पर उतरता है और उस ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करता है जो उस ईवल ड्रैगन में से निकली थी। सुप्रीम गाय बोलते हैं कि लगता है सब कुछ सही सलामत से हो गया, पर अभी हमारे हीरोज़ की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। वेजिटा के सामने ईवल ड्रैगन खड़ी होती है। वो वेजिटा से पूछती है कि हम कहाँ पर हैं। वेजिटा बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, तुम्हें मारने से पहले मुझे एक बात पूछनी है कि तुम्हारा किस नेगेटिव एनर्जी से जन्म हुआ था। वो ईवल ड्रैगन थोड़ा सा सोचती है। वो बोलती है कि मेरा जन्म तब हुआ था जब ये विश मांगी गई थी कि एंड्रॉइड 17 और 18 के अंदर से बॉम्ब निकाल दिए जाएँ। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। ईवल ड्रैगन बोलती है, लगता है तुम्हारी ईगो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मुझे तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। चाहे तुम औरत हो या बच्ची हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ। इसके बाद वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और ईवल ड्रैगन उसे हैरानी से देख रही होती है। वेजिटा एकदम से अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में आ जाता है और ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान रह जाती है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है और ईवल ड्रैगन को वेजिटा पे गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद वेजिटा एकदम से अटैक करना शुरू कर देता है। वो एकदम से जाता है और ईवल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो ईवल ड्रैगन उसके अटैक को रोक लेती है। पर एकदम से वेजिटा उसके चेहरे पर ज़ोरदार घुसा मारता है। वेजिटा ईवल ड्रैगन पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता और उसके पेट में ज़ोरदार घुसा मारता है। ईवल ड्रैगन के मुँह से खून निकल आता है और इसके बाद वेजिटा एकदम से पावर अप करके उसे ज़ोरदार लात मारता है। ईवल ड्रैगन इस ज़ोरदार किक से बहुत दूर पहुँच जाती है, पर वो एकदम से हवा में ही खुद को रोकती है। उसे वेजिटा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वेजिटा पे चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद वो अपने बालों को पकड़ के अपने हाथ पे लपेट लेती है। वेजिटा को समझ नहीं पाता कि ईवल ड्रैगन क्या कर रही है। वेजिटा उड़ के एकदम से ईवल ड्रैगन के पास आ गया होता है। वो बोलती है कि लगता है तुम्हें खुद पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है। और इसके बाद वो वेजिटा को एक पंच मारने की कोशिश करती है, पर वेजिटा इस पंच को रोक लेता है। ये पंच काफ़ी ज़ोरदार होता है। इस अटैक का नाम होता है नेट इम्पैक्ट। वेजिटा इस पंच की ताकत से काफ़ी हैरान होता है। हालांकि वेजिटा खुद को बचा लेता है, पर इसके इम्पैक्ट से वो काफ़ी दूर चला जाता है। वो एकदम से खुद को हवा में रोकता है और वो समझ चुका होता है कि ये ईवल ड्रैगन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ईवल ड्रैगन बोलती है कि ये एक लड़की के चेहरे पर घुसा मार रहा है, सच में इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और यहीं की यहीं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, जो कर सकती हो करो। इसके बाद ईवल ड्रैगन एकदम से अपनी माउथ लेज़र से वेजिटा पर अटैक करती है। ये भले ही एक लेज़र की तरह लग रही हो, पर असल में ये थ्रेड है जो किसी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को बांध सकता है। वेजिटा एंड टाइम पे इस अटैक को देख लेता है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा लगातार ईवल ड्रैगन के सामने से गायब हो जा रहा होता है और वो अपनी माउथ बीम से लगातार उस पर अटैक करी जा रही होती है, पर उसको अभी तक एक भी अटैक वेजिटा को नहीं लगा होता है। और अचानक से ही वेजिटा उसके पीछे पहुंच जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम एक स्पेशल तरीके के थ्रेड को मैनिपुलेट कर सकती हो। मुझे लगता है कि पंचिंग फोर्स में उसकी ताकत स्टील से भी ज़्यादा हो सकती है। मैंने सही कहा ना, अगर मैं उसमें फंस गया तो मेरे लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, पर तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम मेरी स्पीड की वजह से मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। वेजिटा ईवल ड्रैगन की चाल को पहले ही समझ गया था। ईवल ड्रैगन बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे थ्रेड से बच पाओगी? वेजिटा बस इस बात पर स्माइल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद ईवल ड्रैगन वेजिटा पर फिर से अटैक करना शुरू कर देती है, पर वेजिटा एक बारी फिर से उसके अटैक को डॉच करने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा एक बारी फिर से ईवल ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है और उसे ज़ोरदार लात मारता है, पर ईवल ड्रैगन इस अटैक के लगने से पहले ही बच जाती है और एकदम से वापस मुड़ के एकदम से उस पर माउथ बीम से अटैक करती है। वो किसी तरीके से अपने थ्रेड के अटैक में वेजिटा को फंसाना चाहती है। वेजिटा बोलता है कि लगता है तुम कभी नहीं सीखोगी। एक बारी फिर से वेजिटा उसके अटैक लगने से पहले ही गायब हो जाता है और एक बारी फिर से ईवल ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है।
ईवल ड्रैगन जैसे ही मुड़के देखती है वेजिटा उसे जोरदार पंच मारता है, और इसके बाद वेजिटा उसके पेट में बहुत जोरदार पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। ऐसा लगता है कि शायद इस बारी वो हार चुकी है। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वेजिटा का पंच इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि ईवल ड्रैगन बहुत दूर जाके गिरती है। वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान से जाके टकराती है और वो चट्टान पूरी तरीके से टूट जाती है। वेजिटा इसके बाद ज़मीन को उतरता है और वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि वो ईवल ड्रैगन से ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद ईवल ड्रैगन चट्टानों के बीच में से उठती है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल लग रही होती है। वेजिटा बोलता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो, मुझे वो ड्रैगन बॉल दे दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये लड़ाई अब वेस्ट है, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगी, ये बात तुम ऑलरेडी जानती हो। मैंने सही कहा ना? ईवल ड्रैगन हल्की सी स्माइल करती है और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वेजिटा कुछ समझ नहीं पाता। ईवल ड्रैगन बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी? वेजिटा बोलता है कि क्या? एकदम से ईवल ड्रैगन बोलती है क्लियर नेट। वेजिटा एकदम से चारों तरफ से चाल से घिर जाता है। ये पूरी की पूरी ईवल ड्रैगन की चाल थी और वेजिटा इसमें फंस चुका है। वेजिटा ईवल ड्रैगन के स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर थ्रेड्स में फंस चुका है। ईवल ड्रैगन बोलती है कि मैं एक से ज़्यादा तरीके के थ्रेड्स को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैंने हर जगह अपने थ्रेड्स फैला रखी थी और इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही मैंने थ्रेड्स फैलाना शुरू कर दिए थे, और इस लड़ाई के बीच में भी मैं काफ़ी सारे थ्रेड्स फैला रही थी। तुम सिर्फ वही थ्रेड्स देख पा रहे थे जो विजिबल थे, और तुमने उन थ्रेड्स को देखा ही नहीं जो मैंने इनविजिबल कर रखे थे। वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है। ईवल ड्रैगन बोलती है कि ये बात तो तुम समझ ही गए होगे कि ये आम थ्रेड्स नहीं हैं, ये थ्रेड्स इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि तुम जैसा कोई कमज़ोर इसे तोड़ भी नहीं सकता। मैंने धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया और इस चीज़ को तुमने नोटिस भी नहीं किया, और अब तुम हिल भी नहीं सकते हो। वेजिटा गुस्से में ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है और ईवल ड्रैगन बोलती है कि अब तुम्हारी सजा का समय आ गया है। तभी अचानक से वेजिटा स्माइल करता है और ईवल ड्रैगन हैरान रह जाती है। वह बोलती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा डर गए हो कि तुम्हें डर के मारे हंसी आ रही है? वेजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इतनी कमज़ोर सी टेक्निक से मुझे हरा पाओगी? ईवल ड्रैगन बोलती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ टफ एक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और उन थ्रेड्स को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। ईवल ड्रैगन वेजिटा की कोशिश को देख के थोड़ा सा हैरान होती है और इसके बाद वो हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम इन थ्रेड्स को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे, ये थ्रेड्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तुम हार मान लो। पर वेजिटा अपने पावर अप को नहीं रोकता और लगातार पावर अप कर रहा होता है, और कुछ ही देर में वो थ्रेड्स छूटने लग जाते हैं और ईवल ड्रैगन समझ जाती है कि वेजिटा झूठ नहीं बोल रहा है, और जल्द ही ईवल ड्रैगन के चेहरे से स्माइल गायब होने लग जाती है। आखिरकार वेजिटा पावर अप करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर सैयन 3 में बदल जाता है, और साथ ही साथ वो सारे के सारे थ्रेड्स को तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान रह जाती है, वो समझ ही नहीं पा रही होती कि एक मॉडल ऐसा कैसे कर सकता है। वेजिटा स्माइल करते हुए ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है, और अब ईवल ड्रैगन भी वेजिटा की ताकत को थोड़ा बहुत समझने लग जाती है। वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है, मुझे माफ़ करना, पर मैं कोई कमज़ोर अपोनेंट नहीं हूँ। ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान होती है, वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, कोई मेरे थ्रेड्स को कैसे तोड़ सकता है? वेजिटा बोलता है कि ये खेल काफ़ी लंबा समय तक चल गया और अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। ईवल ड्रैगन समझ जाती है कि ये उसका अंत है, और वेजिटा स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा एकदम से अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म में ईवल ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है, और ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान होती है क्योंकि वेजिटा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वेजिटा एकदम से जाके ईवल ड्रैगन के चेहरे पर बहुत जोरदार गुस्सा मारता है, और इसके बाद लगातार उस पर पंचेस बरसाने लग जाता है। वेजिटा का पंच इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि ईवल ड्रैगन बहुत जोर से जाके ज़मीन से टकराती है, और वेजिटा अब इस लड़ाई को ख़त्म करने वाला है। वो इसके बाद अपना एक अटैक बनाने लग जाता है, वो बोलता है कि ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म होती है, और इसके बाद वेजिटा अपना फाइनल शाइन अटैक एकदम से ईवल ड्रैगन पर शूट करता है। वेजिटा के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और उस अटैक के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा होता, और ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा अब जीत चुका है। इसके बाद हम प्लैनेट काचिन पर आ जाते हैं, जहाँ पर गोहान की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, और उसके सामने ईवल ड्रैगन खड़ा होता है। ईवल ड्रैगन गोहान से बोलता है कि मैं जहाँ से आया था मुझे वहाँ पर वापस भेजो। गोहान बोलता है कि मैं वो नहीं कर सकता, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे लड़के क्या मिलेगा, पर अगर तुम मरने के लिए इतने ज़्यादा ही बेताब हो तो मुझे तुम्हें मार के अच्छा लगेगा। गोहान बोलता है कि इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, तुम्हारा जन्म किस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था? ईवल ड्रैगन ये बात सुन के हंसता है। वो बोलता है कि मेरा जन्म तब हुआ था जब तुमने सारे अर्थलिंग्स को जिंदा करने की विश मांगी थी, जो कि सुपर यी शिंग लैंग के हाथों मारे गए थे। उस विश के बाद जो नेगेटिव एनर्जी निकली थी, मैं उससे जन्मा था। गोहान बोलता है कि यानी कि तुम्हारा जन्म हमारी लास्ट विश से हुआ था। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, अर्थलिंग सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम लोगों ने हम लोगों को फिर से समन कर लिया। बार बार तुम्हारी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से हम पिछली बारी से भी ज़्यादा टफ हो गए हैं।
गोहान बोलता है कि हो सकता है कि तुम हमें बेवकूफ़ समझो, क्योंकि हम बार बार एक ही तरीके की मिस्टेक करते हैं, पर हम अपनी बेवकूफ़ी की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसीलिए हमने कसम खाई है कि तुम लोगों को हम अपने हाथों से हराएंगे। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, हमारे तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान है। गोहान बोलता है कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, पर हम धरती के लोगों को बिना किसी रीज़न के सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और इसीलिए हमने तुम्हें हराने की जिम्मेदारी ली है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो। गोहान बोलता है कि बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। मुझे तुम्हें हराना है क्योंकि मेरे फादर की लाइफ रिस्क में है। इसके बाद गोहान एकदम से पावर अप करने लग जाता है और एकदम से अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म में चला जाता है। गोहान बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि हाँ जरूर। इसके बाद गोहान एकदम से ईवल ड्रैगन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और ईवल ड्रैगन भी बिल्कुल तैयार होता है। इसके बाद हम वापस डीमन रियल में आ जाते हैं, जहाँ पर वेजिटा ने अभी ईवल ड्रैगन को हराया होता है। वो बोलता है कि मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए ताकि मैं ड्रैगन बॉल को रिकवर कर सकूँ। तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि ईवल ड्रैगन अभी मरी नहीं है और धीरे धीरे करके वो खड़ी होने लग जाती है। ईवल ड्रैगन काफ़ी घायल लग रही होती है, पर वो अभी भी ज़िंदा होती है। वेजिटा बोलता है कि मैं सच में हैरान हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। ईवल ड्रैगन वेजिटा से बोलती है कि मुझे लगा था कि मुझे अपने इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पर तुमने मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है। वेजिटा बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो। इसके बाद ईवल ड्रैगन स्माइल करने लग जाती है, वो एकदम से पावर अप करती है और उसकी फॉर्म बदलने लग जाती है। वेजिटा समझ जाता है कि वो अपनी असली ताकत को छुपा रही थी और वो वेजिटा के सामने बिल्कुल नई फॉर्म में खड़ी होती है। सुपर सैयन शेंगलोंग ने आखिरकार अपनी असली फॉर्म को दिखा दिया है और आखिरकार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और उसका पावर बूस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। पर वेजिटा बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता, वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखने लग जाती है और एक बहुत ही अगली से क्रिएचर में बदल गई होती है। वो बिल्कुल एक मकड़ी की तरह दिख रही होती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वेजिटा बोलता है कि तुम पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रही हो। सैयन शेंगलोंग बोलती है कि चुप रहो, इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहती थी, पर अब तुमने मेरी असली फॉर्म को देख लिया है, इसीलिए तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। वेजिटा बोलता है कि तुम पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ताकतवर भी लग रही हो। सैयन शेंगलोंग बोलती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद वो एकदम से वेजिटा पर अटैक करना शुरू कर देती है, पर वेजिटा उसकी ताकतों से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। वो वेजिटा को पंच मारने की कोशिश कर रही होती है, पर वेजिटा उसके सारे के सारे पंचेस को डॉच किए जा रहा होता है। ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो अभी तक वेजिटा को एक भी बार हिट नहीं कर पाई होती है, पर वेजिटा पे गुस्से की वजह से उसकी स्पीड और ताकत पहले के मुकाबले बढ़ जाती है और अचानक से ही वो वेजिटा को एक बहुत जोरदार पंच मारती है। वेजिटा को इस पंच को रोकना पड़ता है। वेजिटा इस पंच की वजह से थोड़ा सा पीछे पुश हो जाता है और इसके बाद सैयन शेंगलोंग एकदम से वेजिटा के पास आती है और एकदम से उसे बहुत जोरदार पंच मारती है। ये पंच इतना जोरदार होता है कि ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है, पर अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटा खुद को बचाने में कामयाब हो गया। उस पंच के लगने से पहले ही वो वहाँ से दूर हो गया था। वेजिटा हवा में होता है और गुस्से में सैयन शेंगलोंग को देख रहा होता है। सैयन शेंगलोंग भी वेजिटा की तरफ गुस्से में देख रही होती है, पर तभी वेजिटा शांत हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा, तुम पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ताकतवर हो गई हो, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सैयन शेंगलोंग अपने मन में बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये शख्स कितना ज़्यादा ताकतवर है। ये मुझसे लड़ रहा है और मेरे सारे अटैक्स को डॉज भी कर रहा है और साथ ही साथ ये मेरे सारे नेट्स को भी डॉज करता जा रहा है। मेरे सारे क्लियर नेट्स पूरी तरीके से गायब हैं, पर शायद ये मेरी की को उन थ्रेड्स में से गुजरता हुआ महसूस कर पा रहा है, इसी वजह से सारे अटैक्स को डॉच कर रहा है और शायद इसी वजह से वो सारे नेट्स को भी डॉच कर पा रहा है। और इतना ही नहीं, लड़ते लड़ते जो मैं थ्रेड्स इस पर रिलीज़ कर रही हूँ, ये उनको भी डॉच कर पा रहा है। ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटा सैयन शेंगलोंग से बोलता है कि तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है, पर अगर यही तुम्हारी असली ताकत है तो मुझे तुमसे सीरियसली लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगी। तुम्हारी हार तय हो चुकी है और मैं ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और सैयन शेंगलोंग भी समझ जाती है कि वेजिटा झूठ नहीं बोल रहा है। वेजिटा स्माइल कर रहा होता है और एकदम से वो सैयन शेंगलोंग पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसके अटैक से डर जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब उसकी हार तय है। वो वेजिटा के पहले पंच को रोकने की कोशिश करती है और उसके दूसरे पंच को नहीं रोक पाती। वेजिटा उसके चेहरे पर बहुत जोरदार पंच मारता है। वेजिटा स्माइल कर रहा होता है और सैयन शेंगलोंग उससे डर रही होती है। वेजिटा उस पर बिना रुके पंचेस बरसा रहा होता है और सैयन शेंगलोंग की हालत ख़राब होने लग जाती है। इसके बाद वेजिटा एक बहुत ही ताकतवर पंच सैयन शेंगलोंग को मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि सैयन शेंगलोंग की बॉडी के आर पार चला जाता है। सैयन शेंगलोंग बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। वो दर्द से कर रही होती है और उसके शरीर में से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वेजिटा थोड़ा सा पीछे होता है और सैयन शेंगलोंग की बॉडी में से अपना हाथ निकालता है और वेजिटा उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी किस्मत सच में ख़राब है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। इसके बाद वेजिटा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। सैयन शेंगलोंग समझ गई होती है कि ये उसका अंत है। इसके बाद वेजिटा अपने अटैक को शूट करता है और एक ही झटके में सैयन शेंगलोंग खत्म हो जाती है। वेजिटा को अपने सुपर सैयन 4 की ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा
और उसने सेंग शिंगलोंग को हरा दिया। इसके बाद वेजिटा उस ड्रैगन बॉल को रिकवर करता है और पावर डाउन कर लेता है। इसके बाद वेजिटा चैन की सांस लेता है और बोलता है कि चलो एटलीस्ट ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा वार्म अप था। दूसरी तरफ प्लेनेट काचिन पर गोहान की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और वो एकदम से ईविल ड्रैगन पर हमला करता है। वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर ईविल ड्रैगन उसके पंच को बहुत ही आराम से डॉच कर देता है। गोहान ईविल ड्रैगन पर दूसरा पंच मारने की कोशिश करता है पर वो उसके दूसरे पंच को भी बड़े आराम से डॉच कर देता है। और इसके बाद वो गोहान को ट्रिक करके उसे लात मारने की कोशिश करता है पर गोहान अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। और अब ईविल ड्रैगन गोहान पर अटैक करना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ में एक की अटैक बना रहा है और गोहान भी उसे हैरानी से देख रहा होता है। पर तभी उसके हाथ में से एक स्वॉर्ड निकलती है। गोहान भी ये चीज़ देख के हैरान रह जाता है और ईविल ड्रैगन एकदम से गोहान पर अटैक करना शुरू कर देता है और स्वॉर्ड से लगातार गोहान पर हमला करता है ताकि वो उसे काट सके। पर गोहान अपने आप को किसी तरीके से हर अटैक से बचा लेता है पर ईविल ड्रैगन रुक नहीं रहा होता और वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। वो गोहान के चेहरे पर अटैक करने की कोशिश करता है पर किसी तरीके से गोहान बच जाता है और उसके चेहरे पर एक कट लगता है। और ईविल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है क्योंकि वो गोहान को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। गोहान अपने चेहरे का खून साफ करता है। गोहान ईविल ड्रैगन से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो। ईविल ड्रैगन बोलता है कि तुम भी। इसके बाद ईविल ड्रैगन गोहान से एक बहुत ही अजीब बात बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जीतने का जो भी चांस था वो अब खत्म हो चुका है। गोहान कुछ समझ नहीं पाता। वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है। ईविल ड्रैगन अपनी स्वॉर्ड को अपने चेहरे के पास लाता है और गोहान के खून को टेस्ट करता है। ईविल ड्रैगन बोलता है कि लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बताऊं। मैं अपने अपोनेंट के ब्लड को टेस्ट करने के बाद उनके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। मैं उनकी मेमोरीज और ताकतों के बारे में भी जान सकता हूं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उनके वीक पॉइंट्स के बारे में भी जानता हूं। ईविल ड्रैगन गोहान की ताकतों और मेमोरीज को देखता है। वो बोलता है कि ये शख्स आखिर क्या है। इसके पास तो कमाल की ताकत है। ये शख्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसे कभी भी नहीं हरा सकता। ईविल ड्रैगन को समझ आ जाता है कि गोहान की असली ताकतें क्या हैं और वो सुपर सैयन 5 के बारे में भी जान लेता है। गोहान की ताकतों के बारे में जान के डर के मारे उसका पसीना निकल जाता है और ईविल ड्रैगन के चेहरे पर डर देखकर गोहान समझ चुका होता है कि वो उसके बारे में जान चुका है। गोहान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा एकदम से नीला क्यों पड़ गया। एकदम से ईविल ड्रैगन स्माइल करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारे अटैक पैटर्न को भी जानता हूँ और इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। ईविल ड्रैगन बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं काफ़ी हैरान हूँ। हम लोगों की ताकतों में बहुत बड़ा डिफरेंस है पर तुम्हारे पास ताकतें ज़्यादा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही जीतोगे। लड़ाई में दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। गोहान ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो। ईविल ड्रैगन एकदम से स्माइल करता है और एकदम से वो शेप शिफ्ट करने लग जाता है और उसकी बॉडी एकदम से चेंज हो जाती है। और ईविल ड्रैगन की शेप शिफ्ट देखकर गोहान एकदम से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोहान के सामने पैन खड़ी होती है और पैन बोलती है कि अब तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ईविल ड्रैगन शेप शिफ्ट करके पैन में बदल गया होता है। गोहान अपनी बेटी पर अटैक करने के बारे में सोच के एकदम से घबरा जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। पैन की शेप में ईविल ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी कमजोरियों के बारे में भी। गोहान बोलता है कि तुम मेरी कमजोरियों के बारे में जानते हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारी इस फॉर्म से मुझे कोई फर्क पड़ता है। ईविल ड्रैगन बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं और देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद ईविल ड्रैगन एकदम से गोहान पर हमला करना शुरू कर देता है। वो एकदम से गोहान पर लगातार अटैक कर रहा होता है और गोहान उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। गोहान अपनी बेटी को हिट करने के बारे में सोच के घबरा रहा होता है। वो सिर्फ अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और पैन की बॉडी पर अटैक नहीं कर रहा होता। ईविल ड्रैगन बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या। गोहान अपने आप से बोलता है कि शांत हो जाओ, ये भले ही पैन की तरह लग रहा हो पर ये अंदर से पैन नहीं है। इसके बाद गोहान एकदम से पैन पर अटैक करता है और ईविल ड्रैगन इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है। गोहान एक ज़ोरदार पंच ईविल ड्रैगन को मारता है। ऐसा लगता है कि ईविल ड्रैगन काफ़ी घायल हो गया है पर गोहान अपने अटैक से हैरान होता है और ईविल ड्रैगन स्माइल कर रहा होता है। ईविल ड्रैगन स्माइल करते हुए उठता है। गोहान बिल्कुल हैरान होता है। ईविल ड्रैगन बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारे पिछले अटैक में ज़रा सी भी ताकत नहीं थी। वो अटैक सीरियस अटैक नहीं था। जैसा कि मैंने सोचा था तुम अपनी बेटी पर अटैक करने के बारे में सोचे घबरा रहे हो। गोहान भी जान चुका होता है कि ईविल ड्रैगन सच बोल रहा है। ईविल ड्रैगन बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा, तुम्हारे खून को चक्के मैं तुम्हारी मेमोरीज और सारे अटैक पैटर्न्स के बारे में जान चुका हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे वीक पॉइंट्स के बारे में भी। और इस चीज़ को चाहे तुम कितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो पर मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस फाइट में हराने के लिए मुझे क्या करना है। इसके बाद ईविल ड्रैगन पैन की आवाज़ में बात करने लग जाता है और उन सारी मेमोरीज को दोहरा रहा होता है जो गोहान के दिमाग में होती हैं। ये सारी वो अच्छी मेमोरीज हैं जो गोहान ने अपनी बेटी पैन के साथ बिताई हैं और गोहान इन बातों को सुनकर हैरान रह जाता है। गोहान समझ गया होता है कि ईविल ड्रैगन उसकी सारी मेमोरीज का फ़ायदा उठा रहा है और इन सभी मेमोरीज का इस्तेमाल करके गोहान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। पर गोहान चाहते हुए भी उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो उसकी बेटी की शेप में है। और इसके बाद ईविल ड्रैगन पैन की शेप में बोलता है कि डैड आई लव यू।
और ये बात सुन के गोहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार गोहान ये सहन नहीं कर पाता और अपनी बेटी की याद में एकदम से जमीन पर बैठ जाता है। वो जानता है कि वो पैन पे अटैक नहीं कर सकता, पर ईवल ड्रैगन का यही प्लान था। तो क्या आप गोहान ईवल ड्रैगन के सामने हार मान लेगा? ईवल ड्रैगन बोलता है कि लगता है तुम्हारी लड़ने की इच्छा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, पर फिर भी तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो क्योंकि तुम अपनी बेटी को दो बारी नहीं मार सकते हो। गोहान रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और ईवल ड्रैगन बोलता है कि चलो इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोहान को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है और इससे गोहान को थोड़ी सी चोट लगती है और इसके बाद ईवल ड्रैगन लगातार गोहान पर हमला करने लग जाता है और गोहान को बहुत ज़ोरदार किक्स और पंचेस लग रहे होते हैं और इसके बाद ईवल ड्रैगन गोहान को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है जिससे गोहान ज़मीन पर गिर जाता है। गोहान को इससे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होती और उसके लड़ने की स्पिरिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आखिरकार ईवल ड्रैगन गोहान की छाती पर पैर मारता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम ह्यूमंस कितने बेकार हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या सोचते हो। तुम लोग हमेशा उन लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हो जिनसे तुम प्यार करते हो, पर मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। तुम अपनी जान किसी और के लिए कैसे दे सकते हो? गोहान की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि यही वजह है कि तुम लोगों को हर बारी हमारी मदद लेनी पड़ती है। पता नहीं तुम लोग अपनी गलतियों से कब सीखोगे। इसके बाद ईवल ड्रैगन फिर से गोहान को लाते मारने लग जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें अपनी बेटी के हाथों हार कर कैसा लग रहा है। तुम्हारे साथ लड़कर मुझे बहुत मज़ा आया, पर अब इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। मैं इस लड़ाई से बोर होता जा रहा हूँ। गोहान बिल्कुल हारा हुआ लग रहा होता है और इसके बाद ईवल ड्रैगन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और आखिरकार वो एक अटैक बनाने लग जाता है जिससे वो गोहान को एक बार में ख़त्म कर सके। उसके अटैक का नाम होता है टोर्नेडो बॉल और इस अटैक को वो गोहान पे शूट करता है। ये अटैक डायरेक्टली गोहान को लगता है क्योंकि उसके पास बचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, पर अब गोहान के सामने लड़ने के लिए उसकी बेटी नहीं है और इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार रहता है और उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। गोहान अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, फिर भी वो ईवल ड्रैगन के अटैक को बड़े आराम से रोक रहा होता है। ईवल ड्रैगन को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और गोहान उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक रहा होता है और आखिरकार गोहान उसके अटैक को ख़त्म करने के लिए आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर सैयन 4 में बदल जाता है और ईवल ड्रैगन के टोर्नेडो बॉल को आसमान की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ पर जाके वो अटैक बेकार हो जाता है। ईवल ड्रैगन गोहान की ताकतों को देख के बिल्कुल डरने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी पर फिर भी तुमने मेरे अटैक को इतने आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया। गोहान को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गोहान ईवल ड्रैगन की एक भी बात नहीं सुनता और एक बहुत जोरदार पंच बनाता है और ईवल ड्रैगन को मारने वाला होता है। ईवल ड्रैगन समझ जाता है कि गोहान की इस ताकत से वो नहीं बच पाएगा और वो गोहान को रुकने के लिए बोलता है, पर गोहान उसकी एक भी नहीं सुनता। गोहान का ये जोरदार पंच ईवल ड्रैगन की छाती के आर पार चला जाता है। ईवल ड्रैगन की छाती और मुंह में से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। गोहान बोलता है कि मुझे लड़ाई के बीच में पता चल गया था कि तुम अपने फाइनल अटैक के लिए नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर आओगी। ईवल ड्रैगन बोलता है कि कैसे, तुम्हें ये बात कैसे पता चली। गोहान बोलता है कि जब तुम पेन की फॉर्म में मुझ पर अटैक कर रहे थे तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे अटैक्स में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं समझ गया था कि शायद तुम अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम अपने फाइनल अटैक के लिए अपनी नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर आओगी और मैं बस उसी समय का इंतजार कर रहा था। ईवल ड्रैगन को गोहान की समझदारी पर विश्वास नहीं हो रहा होता। गोहान ईवल ड्रैगन से बोलता है, जैसे ही तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आए ताकि तुम मुझे ख़त्म कर सको मुझे उसी समय का इंतजार था। ईवल ड्रैगन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोहान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पेन की मेमोरीज मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की। तुम जैसे ईवल शख्स को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। इसके बाद गोहान पावर अप करने लग जाता है और अटैक बना रहा होता है। गोहान अपना कामयाबी तैयार करने लग जाता है और ईवल ड्रैगन बोलता है कि इसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है, ये मुझे ख़त्म कर देगा। इसके बाद गोहान अपना अटैक उस पर शूट करता है और बस एक ही झटके में ईवल ड्रैगन का नामोनिशान मिट जाता है। गोहान उसे हराने के बाद अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और ड्रैगन बॉल को रिकवर करता है। गोहान बोलता है कि पेन, बस थोड़ा सा समय और मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा करके ही रहूँगा। ओल्ड सुप्रीम का अपने प्लैनेट पर अपने क्रिस्टल बॉल में ये सब कुछ दिख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि लगता है सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिलहाल वो ड्रैगन बॉल्स को बहुत ही आराम से इकट्ठा कर पा रहे हैं। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम का एक गोगो की तरफ देखते हैं और उसके पास जाते हैं ताकि वो उसकी कंडीशन को चेक कर सकें। ओल्ड सुप्रीम का ये बोलते हैं कि गोकू की कंडीशन तो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई है। करीब 5 ड्रैगन बॉल्स की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया जा चुका है और इसी वजह से गोकू की बॉडी पे जो स्ट्रेन था वो भी काफ़ी कम हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी 2 ड्रैगन बॉल्स भी आराम से इकट्ठी हो जाएं। गोहान, वेजिटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद हम धरती पर कबीटो काई को देखते हैं जो कि अगले ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं और जल्द ही गिरो उन्हें नेक्स्ट ड्रैगन तक पहुँचा देता है। कबीटो काई बोलते हैं कि लगता है नेक्स्ट ड्रैगन यहीं पर है। गिरो नेक्स्ट ड्रैगन की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कबीटो काई बोलते हैं कि लगता है यही 6ठा ड्रैगन है। ईवल ड्रैगन एक बहुत ही अजीब से पोज में खड़ा होता है। कबीटो काई ईवल ड्रैगन को देखते हैं और बोलते हैं कि इसकी की तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। लगता है ये बाकी ईवल ड्रैगन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है।
तभी ईवल ड्रैगन कबीटो काई को देख लेता है और बोलता है कि अरे ये तो कबीटो काई हैं, मैं आपका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था और जब मैं इंतज़ार करते करते बोर हो गया इसीलिए मैंने ये पोजेस बनाना शुरू कर दिया। वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो आप यहाँ पर हमें रोकने के लिए आए हैं। कबीटो काई ये बात सुन के डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता है, इस वक्त इसके नज़दीक जाने के लिए मेरे पास कोई भी ओपनिंग नहीं है। तभी ईवल ड्रैगन बोलता है कि तो जल्दी करो, मुझे वहाँ भेजो जहाँ पर वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कबीटो काई बोलते हैं कि क्या तुमने अभी ये कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँ जहाँ पर वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पर तुम तो एक ईवल ड्रैगन हो तो तुम्हारा मेन मकसद तो धरती के लोगों को नुकसान पहुँचाना है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि हो सकता है बाकी ईवल ड्रैगन्स के लिए ये बात सच हो, पर मुझे उन ताकतवर लोगों को मारना ज़्यादा पसंद है जो कमज़ोरों को नुकसान पहुँचाते हैं, और मैं ये भी बात जानता हूँ कि आप लोग बाकी प्लैनेट्स पे इसलिए लड़ रहे हैं ताकि धरती को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। कबीटो काई बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो गई। कबीटो काई बोलते हैं कि ज़रूर, मैं तुम्हें वहाँ पर ज़रूर लेके चलूँगा, पर तुम्हें ले जाने से पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तुम्हारा जन्म किस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था? ईवल ड्रैगन हल्की सी स्माइल करता है, वो बोलता है कि मेरा नाम सुपर जी शिंगलोंग है और मेरा जन्म तब हुआ था जब तुम लोगों ने विश मांगी थी कि सुपर सेन गॉड में कैसे बदलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यंग जी ने ये पार्ट इसलिए डाला था ताकि वो इस स्टोरी को बैटल ऑफ गॉड से कनेक्ट कर सके। उस टाइम तक ये कन्फर्म नहीं था कि ड्रैगन बॉल जी टी कैनन नहीं है, तो इसको आप एक आइसोलेटेड इवेंट मानिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि गोगो के सुपर सेन गॉड में बदलने के बाद कुछ भी नहीं हुआ और सीधा ड्रैगन बॉल जी टी के इवेंट शुरू हो गए। कबीटो काई बोलते हैं कि अच्छा, जो विश वीरज सामा के सामने मांगी गई थी। इसके बाद कबीटो का ईवल ड्रैगन को गोहान के पास ले जाने के लिए तैयार होते हैं और ईवल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है। अगले ही सेकंड कबीटो का यी शिंगलोंग को गोहान के पास पहुंचा देते हैं, यानी कि प्लेनेट काचिंग पर। कबीटो काई बोलते हैं कि गोहान अब ये लड़ाई तुम्हारे हाथों में है। यी शिंगलोंग कबीटो काई की टेलीपोर्टेशन वाली ताकत को देख के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी ताकत है। कबीटो काई बोलते हैं कि ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। गोहान एकदम से कबीटो काई को रोकता है और कबीटो काई बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। गोहान एकदम से ड्रैगन बॉल को कबीटो काई के पास रखता है और बोलता है कि ये पांचवी ड्रैगन बॉल है, इसे सेफ रखिएगा। कबीटो काई बोलते हैं कि ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करना गोहान। गोहान इसके लिए कबीटो काई को थैंक्स बोलता है और कबीटो काई बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब गोहान और यी शिंगलोंग आमने सामने खड़े होते हैं। यी शिंगलोंग खुद को गोहान से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि लगता है तुम ही मेरे अपोनेंट हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ और मैं तुम्हें बैटल में चैलेंज करना चाहता हूँ। गोहान बोलता है कि ये शख्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो चलो ठीक है लड़ाई शुरू करते हैं। तभी यी शिंगलोंग के चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि मैं इस लड़ाई के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। तभी हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सुप्रीम का वेजिटा और गोहान से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ईवल ड्रैगन्स को समन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तुम लोग शायद ये बात अभी तक खुद रियलाइज़ कर चुके होगी, सुपर सेन 5 में बदलने में तुम लोगों की बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जितना स्ट्रेन तुम्हारी बॉडी पे डालती है उससे ज़्यादा स्ट्रेन ये तुम्हारे दिमाग पर डालती है, इसीलिए मैं चाहूँगा अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल मत करना। मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, पर तुम्हारे करंट लेवल पर मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रांसफॉर्मेशन को 10 मिनट तक मेंटेन कर पाओगी, और अगर तुम अपनी बॉडी को इससे ज़्यादा फोर्स करते हो और सुपर सेन 5 को मेंटेन रखते हो तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तुम्हारी बॉडी या तुम्हारी ब्रेन पे इसका असर पड़ सकता है, और अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो हो सकता है तुम अपनी जान भी गवा दो। गोहान बोलता है कि यानी कि 10 मिनट, और सुप्रीम काई बोलते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का जब तक इस्तेमाल मत करना जब तक तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना भी पड़ता है तो फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करना। गोहान बोलता है कि मैं समझ गया। गोहान ने अभी अभी एक ईवल ड्रैगन को हराया है और अब उसके सामने दूसरा ईवल ड्रैगन खड़ा है। गोहान की हालत ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गोहान अपने मन में बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद गोहान एकदम से पावर अप करता है और सीधा सुपर सेन 4 में चला जाता है। यी शिंगलोंग ने गोहान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसलिए वो काफ़ी हैरान होता है। गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन से वो भले ही थोड़ा सा हैरान ज़रूर होता है, पर वो उससे डरता नहीं है। वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी ताकतें सच में काफ़ी महान हैं और पहले के मुकाबले तुम्हारी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लगता है इस लड़ाई में मज़ा आने वाला है। गोहान कुछ भी नहीं बोलता और सीरियसली बस यी शिंगलोंग को देख रहा होता है। गोहान अपने मन में बोलता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना होगा, अगर ये फाइट लंबी चलती है तो हो सकता है कि हमारे को नुकसान हो। गोहान एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यी शिंगलोंग भी उसे देख रहा होता है और गोहान उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यी शिंगलोंग गोहान की स्पीड से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और बड़े ही आराम से गोहान के पहले पंच को डॉज कर देता है। वो गोहान को थोड़ा सा अपने से दूर पुश करता है और इसके बाद उसे बहुत ज़ोरदार लात मारता है, पर गोहान इस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। पर इस अटैक की ताकत से गोहान समझ गया होता है कि यी शिंगलोंग कोई कमज़ोर अपोनेंट नहीं है। गोहान अभी पिछले अटैक से उभरा भी नहीं होता और यी शिंगलोंग उस पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। वो उस पर लगातार पंचेस बरसा रहा होता है। गोहान अपने आप को बचा तो पा रहा होता है,
और उसके चेहरे से पता चल रहा होता है कि यीशिंग लोंग की स्पीड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है और वो बड़ी मुश्किल से यीशिंग लोंग की स्पीड को मैच कर पा रहा है। यीशिंग लोंग ने अभी तक सीरियसली लड़ना शुरू भी नहीं किया होता है और गोहान को उससे दिक्कत आ रही होती है। यीशिंग लोंग गोहान को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और गोहान अपने आप को बचा लेता है, पर इतनी ही देर में यीशिंग लोंग एक दूसरा पंच बनाता है और गोहान के पेट में मारता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, पर यीशिंग लोंग ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है। गोहान इस अटैक की वजह से काफ़ी दूर पहुँच जाता है और यीशिंग लोंग फिर से गोहान को इशारा करता है कि आके उससे फिर से लड़े। गोहान इस बात से काफ़ी इरिटेट होता है और एक बार फिर से यीशिंग लोंग पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो जाकर उसे बहुत ज़ोरदार कोनी मारता है पर यीशिंग लोंग उसके अटैक को रोक लेता है। गोहान का अभी तक एक भी अटैक यीशिंग लोंग को नहीं लगा होता है। गोहान उसे किक मारने की कोशिश करता है जिसे यीशिंग लोंग रोक लेता है और इसके बाद वो उसे पंच मारता है और यीशिंग लोंग इस अटैक को भी आराम से रोक लेता है। इस लड़ाई को देख के क्लियरली पता चल रहा होता है कि गोहान को काफ़ी दिक्कत आ रही है और यीशिंग लोंग अभी तक सीरियस भी नहीं हुआ है। गोहान यीशिंग लोंग को पंच मारने की कोशिश करता है जिसे यीशिंग लोंग डॉच कर देता है और इसके बाद गोहान एक बहुत ही पावरफुल किक यीशिंग लोंग को मारता है। यीशिंग लोंग बड़े आराम से इस अटैक को डॉच कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे सारे अटैक बेकार हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार है। इसके बाद यीशिंग लोंग गोहान के ऑफ बैलेंस होने का फ़ायदा उठाता है और उसे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि गोहान बहुत दूर जाके गिरता है। ये एक बहुत ही ताकतवर पंच होता है और गोहान इस पंच की वजह से ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। यीशिंग लोंग उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं जहाँ पर चीची, विडैल और बुलमा आपस में बात कर रहे होते हैं और विडैल काफ़ी परेशान होती है। चीची बोलती है कि विडैल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। गोहान उन सभी बुरे ड्रैगन्स को हरा देगा और पैन को रिवाइव करेगा। विडैल बोलती है कि हाँ चीची, थैंक यू। बुलमा बोलती है कि ये सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, इस सिचुएशन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं बस इंतज़ार के अलावा। इसके बाद हम लोग वापस लड़ाई पर आ जाते हैं और गोहान धीरे धीरे करके उठ रहा होता है। यीशिंग लोंग बोलता है कि ऐसे तुम नहीं जीत पाओगे, इतना बड़ा अटैक करने की वजह से तुम पूरी तरीके से ओपन थे, इसी वजह से मैं तुम पे अटैक कर पाया। अगर तुम लगातार ऐसे ही अटैक करते रहे तो तुम बहुत ही जल्दी थक जाओगे। गोहान बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काम हो, इसी वजह से मुझे लगा कि इस लड़ाई को मुझे जल्दी ख़त्म करना होगा, इसीलिए मैं काम नहीं था, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। यीशिंग लोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये लड़ाई क्यों कर रहे हो, बस मैं इस फाइट को एंजॉय करना चाहता हूँ, और अगर तुम ऐसे ही अटैक करते रहे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी और मैं इस फाइट को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। गोहान बोलता है कि मैं ये फाइट तुम्हारी एंजॉयमेंट के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, पर हमारी आखिरी लड़ाई ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भूल गया था कि तुम एक ऐसे अपोनेंट नहीं हो जिसे मैं आराम से हरा सकूँ, और ये बात मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स। यीशिंग लोंग बोलता है कि तो ठीक है, लड़ाई फिर से शुरू करते हैं और इस बार ये लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक होगी। यीशिंग लोंग और गोहान एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और एकदम से यीशिंग लोंग गोहान पे अटैक करना शुरू कर देता है, और इस बारी गोहान यीशिंग लोंग के अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है। यीशिंग लोंग गोहान को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, पर गोहान इस अटैक को किसी तरीके से डॉच कर देता है और एकदम से यीशिंग लोंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे एकदम से घुमाने लग जाता है। वो यीशिंग लोंग को घुमा के बहुत दूर फेंक देता है और एकदम से की ब्लास्ट मारने लग जाता है और लगातार ये अटैक यीशिंग लोंग पे शूट करने लग जाता है। इतने सारे की ब्लास्ट की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कुछ भी नहीं दिख रहा होता। गोहान का अटैक ख़त्म होने के बाद वो देख रहा होता है कि वो यीशिंग लोंग को हरा पाया या नहीं, पर वो एकदम से देख के हैरान रह जाता है कि यीशिंग लोंग बिल्कुल सही सलामत होता है और वो एकदम से फिर से गोहान पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। गोहान ने टाइम रहते देख लिया होता है कि यीशिंग लोंग उसकी तरफ बढ़ रहा है और यीशिंग लोंग एकदम से आके गोहान को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, पर इस बारी गोहान भी यीशिंग लोंग को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, पर यीशिंग लोंग के पंच की ताकत ज़्यादा होती है और गोहान एकदम से गिरने लग जाता है और यीशिंग लोंग उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वो गोहान को दूसरा पंच मारता है, गोहान बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और वापस यीशिंग लोंग को एक पंच मारता है, पर यीशिंग लोंग भी खुद को बचा लेता है और इसके बाद वो गोहान को बहुत ज़ोरदार लात मारता है और गोहान बड़ी मुश्किल से यीशिंग लोंग के अटैक को रोक पाता है। अभी तक इस फाइट को सिर्फ यीशिंग लोंग डोमिनेट कर रहा है और यहाँ तक कि फाइट में गोहान अपने आप को बचाने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। गोहान यीशिंग लोंग पे की ब्लास्ट करने वाला होता है, पर अचानक से ही यीशिंग लोंग गोहान को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और गोहान और यीशिंग लोंग में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पंचेज मार रहे होते हैं, पर इस फाइट में क्लियर होता है कि गोहान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यीशिंग लोंग स्माइल कर रहा होता है और गोहान किसी तरीके से इस फाइट में बना हुआ होता है। इसके बाद गोहान और यीशिंग लोंग के बहुत ही ताकतवर पंचेज टकराते हैं और इससे बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होता है जिससे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गोहान और यीशिंग लोंग एक दूसरे के घूर रहे होते हैं, पर यीशिंग लोंग के चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है और गोहान थोड़ा सा टेंस होता है। यीशिंग लोंग गोहान से बोलता है कि पिछली फाइट के मुकाबले तुम्हारी मूवमेंट्स काफ़ी इंप्रूव हुई हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, वरना मुझे इस फाइट में मज़ा नहीं आता, इस बारी तुम और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। गोहान बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम ज़्यादा लंबे समय तक काम रह पाओगी,
जी शिनलोंग बोलता है कि मुझे उस बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस फाइट को मैंने अभी तक सीरियसली नहीं लड़ा है। मुझे लगता है कि मैं बस अभी तक अपनी 50% ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोहान बोलता है कि 50%? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हो? ये शिनलोंग स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद ये शिनलोंग अपना हाथ आगे करता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। गोहान को कुछ समझ नहीं आता कि ये शिनलोंग क्या कर रहा है। इसके बाद ये शिनलोंग का अटैक तैयार होने लग जाता है और गोहान बोलता है कि इसकी की तो कमाल की है, और जो की मुझे इस वक्त महसूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा इवल है। इतने में ये शिनलोंग का अटैक तैयार हो जाता है और इस अटैक का नाम होता है राइट स्नेक, और एकदम से ये अटैक वो गोहान पर शूट करता है। ये अटैक कुछ ही सेकंड्स में गोहान के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही ये गोहान के पास पहुंचने वाला होता है, गोहान अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। इतने में ये शिनलोंग अपना दूसरा अटैक शूट कर देता है जिसका नाम होता है लेफ्ट स्नेक। एकदम से ये अटैक गोहान की तरफ जाता है और गोहान के हाथ में लग जाता है। ये अटैक गोहान के लेफ्ट हैंड में लगा होता है और गोहान को ज़रा सा भी डैमेज नहीं हुआ होता, पर ये शिनलोंग स्माइल कर रहा होता है। गोहान बोलता है कि ये क्या हुआ? गोहान बोलता है कि इस अटैक से मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं लगी है और मेरा हाथ चमक क्यों रहा है? ये शिनलोंग स्माइल कर रहा होता है। गोहान बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे ज़रा सा भी डैमेज नहीं किया है। ये शिनलोंग स्माइल करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? गोहान कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, पर अचानक से उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। उसका हाथ हिल नहीं रहा होता। वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये शिनलोंग बोलता है कि तुम्हारा हाथ पैरालाइज हो चुका है, पर चिंता मत करो, कुछ मिनटों में ये वापस फिर से नॉर्मल हो जाएगा, पर तब तक तुम मेरे अटैक्स को सही तरीके से डॉज नहीं कर पाओगी। गोहान समझ जाता है कि ये शिनलोंग सच बोल रहा है। गोहान अपने मन में बोलता है कि इसके स्नेक अटैक के पाथ को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अब मेरा एक हाथ नहीं चल रहा है तो मेरे लिए इसके अटैक्स को डॉज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ये शिनलोंग बोलता है कि ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो जाओ। गोहान खुद को तैयार कर ही रहा होता है, इतने में ये शिनलोंग अपने अटैक को शूट करता है और इस अटैक का नाम होता है डबल स्नेक, यानी कि उसके दोनों हाथों पर अटैक करेगा। गोहान इन दोनों अटैक से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर एक अटैक आके गोहान के राइट हैंड पर लग जाता है और गोहान को विश्वास नहीं हो रहा होता। ये शिनलोंग बोलता है कि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये शिनलोंग फिर से डबल स्नेक अटैक को शूट करता है। गोहान के अब दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं और वो फिर भी किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये शिनलोंग जानता है कि गोहान ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये शिनलोंग का अटैक बार बार अलग अलग डायरेक्शन से गोहान की तरफ बढ़ रहा होता है और गोहान किसी तरीके से अपने आप को बचा रहा होता है, पर आखिरकार गोहान अपने आप को नहीं बचा पाता और ये शिनलोंग के दोनों अटैक गोहान के पैरों में जाके लग जाते हैं, और ये शिनलोंग यही करना चाह रहा था। ये शिनलोंग बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है ये गेम सच में ख़त्म हो चुका है। गोहान बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हरा पा रहा हूँ। इसके बाद ये शिनलोंग बोलता है कि देखते हैं कि तुम मेरे नेक्स्ट अटैक के बाद खड़े हो पाते हो या नहीं। इसके बाद वो एकदम से गोहान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और गोहान जानता है कि वो इस बार ये शिनलोंग के अटैक्स को नहीं डॉज कर पाएगा। एकदम से ये शिनलोंग जाके गोहान के मुंह पे बहुत जोरदार लात मारता है और इसके बाद उस पर पंच बरसाने लग जाता है। गोहान के हाथ और पैर दोनों पैरालाइज्ड हैं और वो ये शिनलोंग के एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता, और इन अटैक्स की वजह से उसे बहुत सारा डैमेज पहुँच रहा होता है। आखिरकार ये शिनलोंग अपने दोनों हाथों को मिलाता है और गोहान के सर पर बहुत जोरदार घुसा मारता है। गोहान बहुत जोर से जाके ज़मीन से टकराता है, और इसके बाद ये शिनलोंग गोहान को ख़त्म करने के लिए अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाता है जिसका नाम होता है सुपर डार्क कैनन, और ये अटैक वो डायरेक्टली गोहान पे शूट कर देता है। गोहान के हाथ पैर अब चलने लग गए होते हैं और गोहान एकदम से देखता है कि उसकी तरफ ये अटैक बढ़ रहा है, पर अब काफ़ी देरी हो चुकी है और ये अटैक जाके उसे लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये शिनलोंग अपने अटैक को ख़त्म करने के बाद गोहान की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे अटैक से ख़त्म हो गया हो? मुझे लगा था कि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, जितना मैंने सोचा था ये लड़ाई उससे जल्दी ख़त्म हो गई, कितनी बुरी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट ज़्यादा ताकतवर होगा और वो लड़ाई थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कायोशिन रेल में सुप्रीम का ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी कभी टोकाई गोटेन और ट्रंक्स को लेकर कायोशिन रेल में आ जाते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स, तुम्हारी फाइट काफ़ी अच्छे तरीके से निकली। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, पर फादर और गोहान की फाइट कैसी चल रही है? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि दोनों ही अपनी पहली ड्रैगन बॉल को रिकवर करने में कामयाब रहे। तभी कभी टोकाई को याद आता है कि उनके पास ड्रैगन बॉल्स हैं। वो बोलता है कि मैं सारे की सारी ड्रैगन बॉल्स को यहीं पे छोड़ देता हूँ। इसके बाद सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोहान फिलहाल अपने दूसरे ईवल ड्रैगन से लड़ रहा है जिसका नाम है सुपर ये शिनलोंग, पर गोहान को उसके सामने थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जितना हमने सोचा था ये ड्रैगन उससे ज़्यादा ताकतवर निकला। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ईवल ड्रैगन इतना ज़्यादा ताकतवर है, मुझे लगा था कि गोहान अपनी सुपर सीएन 5 की फॉर्म में किसी को भी हरा सकता है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोहान अभी सुपर सीएन 5 में बदला नहीं है। ट्रंक्स बोलता है कि पर क्यों, उस ताकत के साथ वो किसी को भी आराम से हरा सकता है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि सुपर सीएन 5 माइंड और बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए गोहान कोशिश कर रहा है कि बिना ट्रांसफॉर्म हुए लड़ सके। ट्रंक्स बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया।
ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि पर मुझे नहीं लगता कि गोहन सुपर सीन 5 में बदले बिना इस ओपोनेंट को हरा सकता है। अब गोहन के पास कोई भी चॉइस नहीं है, इस ओपोनेंट को हराने के लिए उसे सीरियस होना होगा। ट्रंक्स बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काय अगर आप चाहते हैं तो हम जाके गोहन की मदद कर सकते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम बस देखते हैं कि गोहन क्या कर रहा है। गोहन अभी तक इस फाइट में सीरियस नहीं हुआ था, पर मुझे लगता है कि अब वो सीरियस होने वाला है, और वैसे भी अभी एक ही वर्ल्ड ड्रैगन का आना बाकी है, तो हो सकता है हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। ट्रंक्स बोलता है कि पर क्या होगा अगर गोहन हार गया तो? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि चिंता मत करो, मुझे गोहन पर पूरा विश्वास है, और हमें गोहन पर विश्वास करना भी होगा, उसे बैटल का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और वैसे भी हम ये नहीं भूल सकते कि वो महान सनगोकू का बेटा है। ट्रंक्स इस बात को समझ रहा होता है, वो बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं, मुझे गोहन पे पूरा विश्वास है। तभी कबीटो काय वहाँ से जाने लग जाते हैं, वो बोलते हैं कि एंसेस्टर मैं चलता हूँ, मुझे लास्ट ड्रैगन को ढूंढना है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। इसके बाद कबीटो काय लास्ट ड्रैगन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से प्लैनेट काचिन पर आ जाते हैं। ये शिंगलोंग ने अभी अभी गोहन को हराया होता है, और इसके बाद वो अपने नेक्स्ट अपोनेंट का इंतजार कर रहा होता है। तभी गोहन एकदम से बाहर निकल कर आता है, और ये शिंगलोंग बिल्कुल हैरान होता है। गोहन ये शिंगलोंग के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, और ये शिंगलोंग बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी ठीक हो, लगता है मैंने तुम्हारी ताकत को कम समझ लिया था, पर अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ लड़के मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। गोहन इसके बाद स्माइल करने लग जाता है। गोहन बोलता है कि जैसे तुमने अभी तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं भी उसी तरीके से इस फाइट को लेकर अभी सीरियस नहीं हुआ हूँ। यिशिंगलोंग ये बात सुन के हंसने लग जाता है। यिशिंगलोंग बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम सीरियसली लड़ो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, और हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे से सीरियसली लड़ने लग जाऊँ। गोहन बोलता है कि तुम ज़्यादा देर तक ऐसे हंस नहीं पाओगी। इसके बाद गोहन पावर अप करने लग जाता है। गोहन की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, और यिशिंगलोंग भी बिल्कुल हैरान होता है। गोहन की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो कायोशिन रेल में भी महसूस हो रही होती है। वो बोलता है कि ये की तो कमाल की है। ट्रंक्स बोलता है कि हम तो गोहन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, फिर भी उसकी ताकत इतनी ज़्यादा महसूस कैसे हो रही है? यिशिंगलोंग भी गोहन की ताकत से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? वेजिटा भी गोहन की ताकत को महसूस करता है। गोहन अपने आप को मेंटली उस स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो सुपर सीन 5 में जा सके, इसलिए वो पेन की डेथ को याद करता है, और यिशिंगलोंग गोहन को देख रहा होता है। गोहन उसके सामने ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यिशिंगलोंग सुपर सीन 5 गोहन को देखता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया। ट्रंक्स बोलता है कि आखिरकार गोहन सीरियस हो गया। गोटन बोलता है कि भाई तुम कमाल हो। इसके बाद हम धरती पे कबीटो काय को देखते हैं जो कि लास्ट ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ये ज़बरदस्त की तो लगता है गोहन की है, लगता है फाइट सीरियस होने वाली है, पर लगता है यिशिंगलोंग की ताकत भी बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गोहन की फाइट सही तरीके से होगी, पर मुझे आखिरी वर्ल्ड ड्रैगन को ढूंढना है। गोकू बस थोड़ा सा समय और लगेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार और। इसके बाद कबीटो काय आखिरी वर्ल्ड ड्रैगन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गोहन अपनी सुपर सैयन 5 की फॉर्म में यिशिंगलोंग के सामने खड़ा होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यिशिंगलोंग हंसता है और बोलता है कि लगता है अब तो मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा, मैं इस लड़ाई में काफ़ी इन्जॉय करूँगा। इसके बाद गोहन एकदम से यिशिंगलोंग पे अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि गोहन के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और गोहन को उस लिमिटेड टाइम में यिशिंगलोंग को भी हराना है। गोहन की स्पीड से यिशिंगलोंग हैरान रह जाता है। गोहन एकदम से यिशिंगलोंग के पीछे पहुँच गया होता है, और उसे बहुत खिंचा के पंच मारता है। यिशिंगलोंग बोलता है कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। गोहन एक बहुत ही ज़ोरदार पंच यिशिंगलोंग को मारता है। इस बारी गोहन यिशिंगलोंग को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा होता, और उसे लगातार पीटे जा रहा होता है। वो चारों तरफ से उस पर हमला कर रहा होता है, और लगातार उस पर घुसे बरसाया जा रहा होता है। इसके बाद गोहन यिशिंगलोंग को एक बहुत ही ज़ोरदार लात मारता है, और यिशिंगलोंग आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद गोहन एकदम से कामयाबी बनाता है, और एकदम से अपने अटैक को यिशिंगलोंग पे शूट करता है। गोहन का ये अटैक फुल पावर्ड होता है, और ये अटैक डायरेक्टली जाके यिशिंगलोंग को लगता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये वही अटैक है जिसने आइस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और एक ही झटके में आइस को ख़त्म कर दिया था। और गोहन को विश्वास होता है कि ये अटैक यिशिंगलोंग को हराने के लिए काफ़ी होगा। उसका अटैक ख़त्म होने के बाद वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है, ताकि वो देख सके कि यिशिंगलोंग जिंदा है या मारा गया। कायोशिन रॉयल में सभी लोग ये फाइट देख रहे होते हैं, और ट्रंक्स बोलता है कि गोहन की ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ताकत के मामले में अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसने यिशिंगलोंग को हरा दिया है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं। इसके बाद हम वापस लड़ाई में आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि यिशिंगलोंग अभी भी सही होता है। उसे थोड़ी सी चोटें जरूर लगी होती हैं, पर वो बिल्कुल सही सलामत होता है। गोहन उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि यिशिंगलोंग अभी मारा नहीं गया है। जिस अटैक ने आइस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उस अटैक ने यिशिंगलोंग पे काम नहीं किया। इससे पता चलता है कि यिशिंगलोंग की ताकत कितनी ज़्यादा है। यिशिंगलोंग इसके बाद नाच रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं इसी ताकत का इंतज़ार कर रहा था। लगता है तुम मेरी असली ताकत देखने के लायक हो, तुम जिस फॉर्म में हो लगता है तुम मेरी ताकत को संभाल सकते हो।
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। गोहान ये बात सुनकर हैरान होता है। इसके बाद यी शिंगलोंग पावर अप करता है और गोहान उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। यी शिंगलोंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और उसकी ताकत बहुत दूर तक महसूस हो रही होती है। गोहान भी उसकी ताकत को समझने लग जाता है और इसके बाद यी शिंगलोंग गोहान को देखता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यी शिंगलोंग की बॉडी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और यी शिंगलोंग बोलता है कि चलो अपनी फाइनल बैटल शुरू करते हैं। गोहान यी शिंगलोंग की इस नई ताकत को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और एकदम से यी शिंगलोंग गोहान पे हमला करना शुरू कर देता है। गोहान अपनी जगह पर खड़ा रहता है और जैसे ही यी शिंगलोंग गोहान के पास पहुंचता है वो उसे जोरदार घूंसा मारता है, पर गोहान भी यी शिंगलोंग को एक जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है। इन दोनों के पंच से बहुत ही ताकतवर फोर्स निकलती है जिससे आसपास का एरिया तबाह हो जाता है। यी शिंगलोंग और गोहान एक दूसरे पर पंचेस बरसा रहे होते हैं और दोनों की ताकतें बराबर लग रही होती हैं। गोहान यी शिंगलोंग को एक बहुत जोरदार पंच मारता है और इसके बाद वो उसे दूसरा पंच मारने वाला होता है, पर यी शिंगलोंग अपने आप को बचा लेता है। यी शिंगलोंग गोहान के अटैक को डॉज करके उसे पंच मारने वाला होता है, पर गोहान अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद गोहान एकदम से यी शिंगलोंग के सामने से गायब हो जाता है और एकदम से उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच कर उसे बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है और यी शिंगलोंग के मुँह से खून निकल पड़ता है। गोहान उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है और चारों तरफ से उस पर पंचेस बरसाए जा रहा होता है। गोहान यी शिंगलोंग पर इतना ज़्यादा हावी हो चुका होता है कि यी शिंगलोंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। गोहान यी शिंगलोंग की चेस्ट में लगातार पंचेस मार रहा होता है और यी शिंगलोंग के मुँह से खून निकल रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि ये फाइट तो सच में कमाल की है। गोहान उस पर पूरी तरीके से हावी है। इसके बाद गोहान एक बहुत ही ज़ोरदार पंच यी शिंगलोंग के चेहरे पर मारता है और ऐसा लगता है कि यी शिंगलोंग इस पंच की वजह से बेहोश होने वाला है। गोहान के इस पंच की वजह से यी शिंगलोंग बहुत ज़ोर से जाकर ज़मीन से टकराता है और पंच के फोर्स की वजह से वो बहुत दूर घिसड़ता हुआ चला जाता है। गोहान को लग रहा होता है कि शायद अब वो जीत जाएगा और इसके बाद यी शिंगलोंग खड़ा होता है और यी शिंगलोंग को देख के पता चल रहा होता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यी शिंगलोंग खड़ा होकर स्माइल करता है। वो बोलता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। इस वक्त मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोई भी मैच नहीं हूँ। यी शिंगलोंग की बातों से पता चल रहा होता है कि वो हारकर बिल्कुल भी दुखी नहीं है क्योंकि उसका अपोनेंट उससे ज़्यादा ताकतवर है और वो जीतना डिजर्व करता था। ट्रंक्स बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, हम लोग बेकार में ही परेशान हो रहे थे, गोहान जीतने वाला है। गोर्डन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम काय बोलते हैं कि काश जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही हो। ट्रंक्स बोलता है कि क्या हुआ सुप्रीम काय, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और सुप्रीम काय बोलते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं और गोहान को बहुत ही अजीब सा महसूस होने लग जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और यी शिंगलोंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि गोहान के साथ क्या हो रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि ये क्या चल रहा है, गोहान इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। ऐसा लगता है कि गोहान थोड़ी सी दिक्कत में है। तभी अचानक से ही गोहान चिल्लाता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। ट्रंक्स और गोर्डन ये देख के हैरान रह जाते हैं। गोहान को विश्वास नहीं होता कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। ट्रंक्स बोलता है कि ये क्या हुआ, वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में क्यों आ गया, अगर लड़ाई ऐसे आगे बढ़ेगी तो गोहान हार जाएगा। और सुप्रीम काय बोलते हैं कि लगता है मेरी कैलकुलेशन गलत थी, गोहान के पास 10 मिनट से भी कम समय था, ये अच्छा नहीं हो रहा है। सुप्रीम काय ने गोहान से कहा था कि 10 मिनट तक वो अपनी फॉर्म को मेंटेन कर पाएगा, पर गोहान उतनी देर तक अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाया। यी शिंगलोंग गोहान से बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये लड़ाई ऐसे एंड होगी, सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी पिछली फॉर्म के ऊपर एक टाइम लिमिट थी जिसे तुम क्रॉस कर चुके हो, अगर तुम मुझे अपनी उस फॉर्म में मार देते तो मुझे ज़रा सा भी दुख नहीं होता, पर इस लड़ाई का इस तरीके से एंड होना सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके बाद यी शिंगलोंग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारी इस फॉर्म में मुझे तुमसे लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बेहतर यही रहेगा कि मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूँ। गोहान अपने मन में बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये लड़ाई ऐसे ख़त्म होने वाली है, मैं अपनी फॉर्म को करीब 5 मिनट तक मेंटेन कर पाया, ये शायद इसलिए हुआ होगा कि लड़ाई की शुरुआत में मैंने बहुत सारा डैमेज ले लिया था, अगर मैं शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो ऐसा नहीं होता। कायोशिन रन में ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं लगता है गोहान के शुरुआत में डैमेज लेने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ट्रंक्स ओल्ड सुप्रीम काय से कहता है कि क्या आप हमें वहाँ पर लेके जा सकते हैं ताकि हम गोहान की मदद कर सकें। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर तुम वहाँ पर जाते भी हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम सुपर यी शिंगलोंग का सामना कर सकते हो, वो तुम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, अगर तुम वहाँ पर जाते भी हो तो तुम बस अपनी जान खतरे में डालोगी, तुम वहाँ पर जाकर गोहान की मदद नहीं कर पाओगी। ट्रंक्स बोलता है कि पर हमें कुछ तो करना होगा, हम गोहान को ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। ओल्ड सुप्रीम काय कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कबीटो काय को कहें कि वजीरा को लेकर गोहान के पास जाए जिससे वो गोहान की मदद कर सके। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, प्लीज़ मेरे फादर को कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके बाद हम कबीटो काय को देखते हैं जो कि लास्ट ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। गिरो उन्हें बताता है कि लास्ट ड्रैगन कहाँ पर है और वो गिरो को बोलते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पहुँचता हूँ, और आखिरकार उन्हें लास्ट ईवल ड्रैगन दिख जाता है। इसके बाद हम डीमन रैल में आते हैं। वेजिटा को लास्ट ईवल ड्रैगन की एनर्जी महसूस होती है, वो बोलता है कि लगता है वो यहाँ पर आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये अपोनेंट पिछले बारे से ज़्यादा ताकतवर होगा।
तभी हम ईवल ड्रैगन को देखते हैं और वेजिटा उसी की तरफ देख रहा होता है। ईवल ड्रैगन वेजिटा से बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मेरा ओपोनेंट एक बुढ़ा इंसान है, पर यह मत सोचना कि मैं तुम पर रहम करूँगा। ईवल ड्रैगन इस बात पर हंसता है और बोलता है कि लगता है तुम तो काफ़ी घमंडी हो, पर ऐसा नहीं है कि मुझे घमंडी लोग नापसंद हैं। वेजिटा ईवल ड्रैगन से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जन्म किस एनर्जी से हुआ था। ईवल ड्रैगन बताता है कि उसका जन्म तब हुआ था जब गोकू को वापस जिंदा करने की विश मांगी गई थी। वेजिटा बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है मुझे इस फाइट में मज़ा आएगा, तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि ये लड़ाई शुरू होने वाली है। इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है और सीधा सुपर सीजन 4 में चला जाता है। ईवल ड्रैगन को वेजिटा की ताकत पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटा बोलता है कि मैं इस लड़ाई को बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मेरे दोस्त सच में तुम तो बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हो, लगता है मुझे तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। इसके बाद वेजिटा और ईवल ड्रैगन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम कायोशिन रैल्म को देखते हैं जहाँ पर कबीटो काय वापस आ चुके होते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि कबीटो काय अच्छा हुआ तुम यहाँ पर वापस आ गए, जल्दी से जाओ और वेजिटा को गोहान के पास पहुँचाओ, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कबीटो काय बोलते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं क्या, मैं अभी वेजिटा के पास ईवल ड्रैगन को छोड़ के आया हूँ। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। ट्रंक्स बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, अब गोहान का क्या होगा। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, हमें तुम तीनों को वहाँ पर पहुँचाना होगा। कबीटो काय जल्दी से ट्रंक्स गोटन और रूप को लेकर गोहान के पास जाओ। इसके बाद हम वापस प्लैनेट काचिन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये शिंगलोंग गोहान की पीट पीट के हालत ख़राब कर रहा होता है। वो लगातार उस पर पंचेस बरसाया जा रहा होता है और गोहान अपनी बेस फॉर्म में होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। गोहान की हालत ख़राब हो रखी होती है और उसे गोकू की याद आ रही होती है। वो सिर्फ अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि गोकू इस वक्त क्या करता। ये शिंगलोंग गोहान पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता और उसे लगातार पीट रहा होता है। ये शिंगलोंग गोहान को पंच मारता है और गोहान के दिमाग में चल रहा होता है कि डैड, ना जाने आपने अपनी ज़िंदगी में कितने ताकतवर ओपोनेंट्स का सामना किया है, पर आपने कभी भी हार नहीं मानी। जब भी आप हारते थे आप फिर से खड़े हो जाते थे, इसी वजह से आपने आज तक अपने हर ओपोनेंट को हराया है और धरती की रक्षा करी है। पता नहीं डैड ऐसे टाइम पर क्या सोचते थे, उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता था, वो हर बारी क्यों खड़े हो जाते थे और वो कभी हार क्यों नहीं मानते थे। आखिर मैं इस ईविल ड्रैगन को कैसे हरा सकता हूँ, मैं पैन को कैसे बचाऊँ, मैं धरती की रक्षा कैसे करूँ। डैड प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे सिखाइए कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ताकतवर ओपोनेंट को कैसे हराऊँ। गोहान को वो हर समय याद आ रहा होता है जब गोकू ने धरती की रक्षा करी है। गोहान चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होता है और यिशिंग लोंग बोलता है कि लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। अचानक से ही गोहान स्माइल करने लग जाता है और यिशिंग लोंग को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या आखिरकार तुम पागल हो चुके हो। गोहान यिशिंग लोंग से बोलता है कि इस वक्त मुझे समझ आ रहा है कि मेरे फादर क्या सोचते थे और उन्हें कैसा महसूस होता था। यिशिंग लोंग बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गोहान बोलता है कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे तुम्हें कैसे हराना है। यिशिंग लोंग बोलता है कि क्या। इसके बाद गोहान एकदम से पावर अप करने लग जाता है और उसके शरीर में से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। यिशिंग लोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि गोहान की ताकत एकदम से कैसे बढ़ रही है। कुछ सेकंड पहले गोहान बिल्कुल कमज़ोर था। गोहान बोलता है कि जवाब मेरे बिल्कुल सामने ही था, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी होगी। गोहान एक बार फिर से पावर अप करता है और एकदम से सुपर सीजन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यिशिंग लोंग उसकी ताकत देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो समझ चुका होता है कि ये उसका अंत है। गोहान एक बहुत ही ताकतवर पंच बनाता है और यिशिंग लोंग के पेट में मारता है। इस एक पंच में गोहान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है और ये पंच यिशिंग लोंग की बॉडी के आर पार हो जाता है और ये यिशिंग लोंग का अंत होता है। उसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। यिशिंग लोंग को हराने के चक्कर में गोहान की सारी ताकत ख़त्म हो जाती है और उसे पंच मारते ही वो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। यिशिंग लोंग को हराने के बाद गोहान के चेहरे पर एक स्माइल होती है, पर गोहान की आँखें बंद हो जाती हैं और वो शांति से ज़मीन पर लेटा होता है। यिशिंग लोंग को हराने के लिए गोहान ने अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर दिया होता है। धरती पर हम देखते हैं कि विडेल की आंखों में हल्के से आंसू होते हैं और तभी चीची उससे पूछती है कि विडेल क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही हो। विडेल बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही थी। चीची बोलती है कि चिंता मत करो, गोहान बिल्कुल ठीक होगा, आखिर वो महान सन गोकू का बेटा है। विडेल बोलती है कि सही कहा। विडेल ये बात बोल तो रही होती है पर वो ये नहीं जानती कि उसके मन की ये बुरी फीलिंग कितनी सच है। प्लैनेट काचिन पर हम देखते हैं कि कबीटो आए गोटन ट्रंक्स और रूप को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि गोहान ज़मीन पर लेटा हुआ है। चारों के चारों भाग के एकदम से गोहान के पास जाते हैं। कबीटो काय सभी से बोलते हैं कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, मैं गोहान को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद कबीटो काय अपने रिवाइवल की ताकतों का गोहान पर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। कुछ देर ट्राई करने के बाद कबीटो काय बोलते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ पर आने में काफ़ी देरी हो गई। ट्रंक्स गोहान की मौत की बात सुनकर रो रहा होता है और सभी की आंखों में आंसू होते हैं।
कबीटो काई बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि गोहान के साथ ऐसा हो गया। गोटेन की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कि काश हम और ज़्यादा ताकतवर होते। इसके बाद कबीटो काई को वो ड्रैगन बॉल दिखती है और वो उस ड्रैगन बॉल को रिकवर करते हैं। 6 ईवल ड्रैगन मारे जा चुके हैं और जिस नेगेटिव एनर्जी से गोकू लड़ रहा था वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। कायोशिन रैन में अचानक से ही गोकू की आंखें खुल जाती हैं और सुप्रीम काई वेजिटा की लड़ाई को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी सिचुएशन तो ख़राब होती जा रही है। गोहान की मौत के बाद अगली लड़ाई को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी हम सुगोरो को देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काई उधर देखिए। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि क्या हुआ। गोकू बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और ओल्ड सुप्रीम काई के सामने खड़ा होता है। ओल्ड सुप्रीम काई गोकू को देख के बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू क्या तुम सच में जाग गए हो। गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी चिंता में डाल दिया था, पर आपकी वजह से ही मैं आज उठ पाया हूँ। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि गोकू भले ही तुम उठ गए हो पर मुझे तुम्हें बताना होगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। गोकू बोलता है कि आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोते वक्त सब कुछ सुन पा रहा था। पैन और गोहान के साथ काफ़ी बुरा हुआ है और ये चीज़ मैं जानता हूँ। इसके आगे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सुपर यिशिंग लोंग के सामने गोहान अपनी जान गंवा चुका है और वेजिटा की लड़ाई भी अब शुरू होने वाली है। पर फाइनली अब गोकू भी जाग चुका है, जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब समय आ गया है कि गोकू अपनी ताकत दिखाएगा और आखिरी ईवल ड्रैगन को हराने के बाद धरती पर फिर से शांति लौट आएगी। पर क्या सच में गोकू अभी जागा है या इसके पीछे भी कोई राज है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर यिशिंग लोंग गोहान को पीट रहा होता है और गोहान अपने फादर को याद कर रहा होता है। गोहान अपने फादर को याद करते करते अचानक से ही गोकू की आवाज़ सुनता है। वो बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अभी डैड की आवाज़ सुनी थी। इसके बाद गोहान थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और उसे अचानक से गोकू की आवाज़ सुनाई देती है। गोकू बोलता है कि गोहान। गोहान कहता है कि डैड, क्या ये सच में आप हैं। गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है। गोहान इसके बाद रोने लग जाता है। गोहान बोलता है कि नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी वजह से पैन की मौत हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। गोकू बोलता है कि गोहान, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। गोहान बोलता है कि एक रिक्वेस्ट। गोकू बोलता है कि हाँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। जो ईवल एनर्जी मुझे रोकी हुई थी वो काफ़ी हद तक प्योर हो चुकी है, पर अभी वो पूरी तरीके से प्योर नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं लड़ नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सुपर यिशिंग लोंग को हरा दो किसी भी तरीके से। गोहान पूछता है कि आप चाहते हैं कि मैं उसे हरा दूँ। गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये कर सकते हो। गोहान कहता है कि पर मैं ऑलरेडी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुका हूँ। गोकू बोलता है, गोहान हार मत मानो, तुम्हारे हार मानने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तुमने मुझे इतने सालों से लड़ते हुए देखा है, तुम जानते हो कि तुम्हें आगे कैसे लड़ना है। गोहान बोलता है कि मुझे डैड की तरह लड़ना होगा। गोकू गोहान से कहता है कि आगे की चिंता मत करना, तुम बस इसे हराने पर ध्यान दो, आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद गोहान समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अपनी सारी बची हुई ताकत खुद को ट्रांसफॉर्म करने में लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के लास्ट मोमेंट्स में उसके मन में क्या चल रहा था। वो अपने मन में बोलता है कि डैड के वर्ड्स की वजह से मैं अपनी सारी ताकत को उस लड़ाई में लगा पाया और आखिरकार मैं सुपर यिशिंग लोंग को हराने में भी कामयाब रहा, और उसे हराने के बाद मेरा मन पूरी तरीके से शांत था क्योंकि अब लड़ाई मेरे डैड के हाथों में थी। मेरे मन में कोई भी रिग्रेट नहीं था। थैंक यू डैड, प्लीज़ पेन और धरती की रक्षा करना। इसके बाद हम कायोशिन रैन में गोकू को देखते हैं जो कि ओल्ड सुप्रीम काई से बात कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काई, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं जल्दी मचा रहा हूँ, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट। गोकू बोलता है कि हाँ, मैं अपनी करंट फॉर्म में ईवल ड्रैगन्स को नहीं हरा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें। डीमन रैल में वेजिटा और ईवल ड्रैगन की लड़ाई चल रही होती है और वो ईवल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर ईवल ड्रैगन वेजिटा के अटैक को डॉच कर देता है और एकदम से उसके पीछे आ जाता है। वेजिटा उसे देख लेता है और उस पर की ब्लास्ट करता है, पर जैसे ही वेजिटा का अटैक ईवल ड्रैगन तक पहुंचता है वो एकदम से गायब हो जाता है और वेजिटा ये चीज़ देख लेता है। एक बारी फिर से ईवल ड्रैगन वेजिटा के पीछे आ जाता है, पर ईवल ड्रैगन को ये नहीं पता था कि ये वेजिटा की चाल थी। वेजिटा जानता था कि ईवल ड्रैगन उसके पीछे आने वाला है। वो एक बहुत ही ज़ोरदार पंच बनाता है और ईवल ड्रैगन के पेट में मारता है, और इसके बाद वो एक और पंच बनाता है और ईवल ड्रैगन के चेहरे पर एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। वेजिटा ईवल ड्रैगन पर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है और उसे एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। वेजिटा के अटैक की वजह से ईवल ड्रैगन बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। इसके बाद वेजिटा अपना अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटा अपना फाइनल शाइन अटैक बना रहा होता है और एकदम से इस अटैक को धरती की तरफ शूट करता है। इस अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वेजिटा इसके बाद हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकला, सच में मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। पर अचानक से ही ड्रैगन वेजिटा के अटैक के बाद बाहर आ जाता है और वेजिटा उसे देखता है। ईवल ड्रैगन के चेहरे पर स्माइल होती है और इसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसे वेजिटा के अटैक से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा होता और वेजिटा को ये बात समझ आ रही होती है।
वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें जितना टफ समझ रहा था तुम उससे ज़्यादा टफ हो। मैं खुश हूँ कि इस बार एटलीस्ट मुझे वर्दी ओपोनेंट मिला है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हो। वेजिटा बोलता है कि इसका क्या मतलब है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें लगता है अभी तक समझ नहीं आया है। वेजिटा बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम सिर्फ बाहरी ताकत देख के समझ रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। वेजिटा बोलता है कि बाहर की ताकत, इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि इसका जवाब सिंपल है, मैं तुमसे ताकतवर हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर। वेजिटा ये बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहे हो। इसके बाद ईवल ड्रैगन स्माइल करता है और एकदम से वेजिटा पे अटैक करना शुरू कर देता है। वेजिटा उसकी नई स्पीड को देख के हैरान हो जाता है। ईवल ड्रैगन एकदम से जाके वेजिटा के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और इसके बाद वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से फिर से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और इसके बाद वो उसे बहुत ज़ोरदार किक मारता है। ईवल ड्रैगन एकदम से वेजिटा पे हावी हो जाता है और वेजिटा पे चारों तरफ से लाते और गुस्से बरसा रहा होता है। वो एकदम से वेजिटा के पास जाता है और उसके सर पे बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है। वेजिटा बहुत जोर से जाके ज़मीन से टकराता है और इसके बाद वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, पर जैसे ही वो खड़ा हो रहा होता है ईवल ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है। वो वेजिटा को लगातार पंच मारने लग जाता है। वेजिटा की हालत ख़राब हो रही होती है पर ईवल ड्रैगन नहीं रुक रहा होता। वो वेजिटा पे पंच बरसाया जा रहा होता है। एकदम से वेजिटा को देख के ऐसा लगने लग जाता है कि वेजिटा बेहोश होने वाला है, पर तभी ईवल ड्रैगन उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है और एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है न्यू ड्रैगन बॉल। ये अटैक वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वेजिटा को निकल लेता है और जैसे ही अटैक वेजिटा से टकराता है एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है। ईवल ड्रैगन इसके बाद स्माइल कर रहा होता है, उसे लगता है कि उसने वेजिटा को हरा दिया है। इसके बाद हम कायोशिन रियल में देखते हैं कि कबीटो का एक गोटेन ट्रंक्स और रूप को लेके वापस आ जाते हैं और उनके साथ गोहान की बॉडी भी होती है। जैसे ही वो लोग वापस पहुंचते हैं वो देखते हैं कि गोगो वहाँ पे खड़ा हुआ है और गोगो को देख के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ट्रंक्स के चेहरे पे स्माइल होती है, वह बोलता है कि एटलीस्ट अब गोहान का सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगा। तभी सुगोरो सबको चुप होने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि गोगो की ट्रेनिंग जारी है ताकि वो ईवल ड्रैगन से लड़ सके। कबीटो का समझ जाते हैं कि गोगो किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा है। तभी हम गोगो के माथे पर एक एनर्जी देखते हैं जिसका मतलब यह है कि वो सुपर सैयन 5 बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। डीमन रियल में वेजिटा पे अटैक करने के बाद ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे पता था कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है, उसके पास ज़रा सी भी ताकत नहीं थी। पर अचानक से ही धरती हिलने लग जाती है और ईवल ड्रैगन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जहाँ पर वेजिटा गिरा हुआ था वहाँ पर एकदम से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वेजिटा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे ईवल ड्रैगन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा ईवल ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है तुम अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो, मैं अब तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि अच्छा, लगता है मैं गलत था, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी अपनी ताकतों को छुपा रहे थे। बहुत बढ़िया, लगता है इस लड़ाई में मज़ा आने वाला है। वेजिटा गुस्से में ईवल ड्रैगन को देख रहा होता है। वेजिटा एकदम से अटैक करने के लिए ईवल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। इस बार वेजिटा की स्पीड ईवल ड्रैगन से बहुत ज़्यादा होती है और ईवल ड्रैगन इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वेजिटा एकदम से ईवल ड्रैगन तक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। वेजिटा लगातार ईवल ड्रैगन पे पंच बरसा रहा होता है और उस पर ज़रा सा भी रहम नहीं खाता। वो ईवल ड्रैगन के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और इसके बाद वेजिटा एकदम से अपनी ताकतों को कॉन्सेंट्रेट करता है और इसके बाद वो ईवल ड्रैगन के पेट में बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ईवल ड्रैगन के मुँह से खून निकल जाता है पर ईवल ड्रैगन इतनी ज़ोरदार लात पड़ने के बाद भी गिरता नहीं है, वो खड़ा रहता है। वो बस पीछे पुश हो जाता है। ईवल ड्रैगन सर नीचे करके बस अपनी जगह पर खड़ा होता है और वेजिटा एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए पड़ता है और उसके चेहरे पे फिर से घुसा मारता है। वो ईवल ड्रैगन पे लगातार लाते और घुसे बरसा रहा होता है। वेजिटा इस ईवल ड्रैगन पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और ईवल ड्रैगन वेजिटा के सारे अटैक्स को झेल रहा होता है। वेजिटा के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने वेजिटा पे एक बार भी अटैक करने की कोशिश नहीं करी। इसके बाद वेजिटा आसमान की तरफ बढ़ता है और ईवल ड्रैगन भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटा एकदम से अपना अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है फाइनल शाइन अटैक। इसके बाद वेजिटा अपना अटैक ईवल ड्रैगन पे शूट करता है और जैसे ही ईवल ड्रैगन इस अटैक की चपेट में आता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये अटैक जाके एकदम से ज़मीन से टकराता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस अटैक की ताकत किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज़्यादा होती है और इस अटैक के ख़त्म होने के बाद एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। पर वेजिटा इस अटैक को ख़त्म करने के बाद खुश नहीं लग रहा होता, वो गड्ढे के अंदर देख रहा होता है और वो देखता है कि ईवल ड्रैगन अभी भी सही सलामत है। इसके बाद वो गड्ढे से बाहर आने लग जाता है। इतना ताकतवर अटैक झेलने के बाद भी ईवल ड्रैगन के चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलता है कि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं भी इस फाइट को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ। इसके बाद ईवल ड्रैगन एकदम से उड़ता है। वो एकदम से होल से बाहर आ जाता है और वेजिटा के सामने खड़ा होता है। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है। तभी वेजिटा को थोड़ा सा दर्द महसूस होने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है ईवल ड्रैगन के पिछले अटैक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, लगता है उसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद वेजिटा ईवल ड्रैगन से बोलता है कि हम ये लड़ाई अभी के अभी ख़त्म करेंगे।
ईविल ड्रैगन अपनी की चार्ज करने लग जाता है और वेजिटा उसे देख लेता है। इसके बाद ऐसा लगता है कि ईविल ड्रैगन वेजिटा पे अटैक करने वाला है, पर वो वेजिटा पे अटैक नहीं करता। वो अपनी की से अपने आप को चारों तरफ से घेर लेता है और वेजिटा हैरानी से उसे देख रहा होता है। ईविल ड्रैगन के चारों तरफ एक ड्रैगन की शेप बनने लग जाती है और इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन जैकेट। वेजिटा इस चीज़ को देख के हंस रहा होता है। वो बोलता है कि नाम तो बहुत ही अच्छा है, पर देखने वाली बात यह है कि तुम्हारी ताकत में इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। ईविल ड्रैगन बोलता है कि ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम मुझ पर अटैक करोगे। ईविल ड्रैगन और वेजिटा दोनों स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों को ही अपनी ताकतों पर पूरा विश्वास है। वेजिटा और ईविल ड्रैगन एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं और एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे जाके टकराते हैं। उन दोनों के टकराने से एक बहुत ही बड़ा फोर्स निकलता है। इसके बाद ईविल ड्रैगन वेजिटा के चेहरे पर बहुत जोरदार घुसा मारता है और इसके बाद वेजिटा भी ईविल ड्रैगन को बहुत ज़बरदस्त लात मारता है। कुछ सेकंड्स के लिए वेजिटा ईविल ड्रैगन पे हावी होने लग जाता है, पर तभी ईविल ड्रैगन वेजिटा के चेहरे पे पंच मारने की कोशिश करता है जिसे वेजिटा रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा ईविल ड्रैगन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और इसके बाद वो दोनों ही अपनी की को चार्ज करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों के अंदर से बहुत ताकत निकल रही होती है। आखिरकार उनकी ताकतों का फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो एक दूसरे को दूर से घूर रहे होते हैं। तभी वेजिटा बोलता है कि मैं इस लड़ाई को अभी के अभी ख़त्म करने वाला हूँ। ईविल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है क्योंकि वो भी इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहता है। वो भी वेजिटा पे अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दोनों के अटैक चार्ज हो चुके होते हैं और इसके बाद वेजिटा अपना अटैक शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है सुपर गैलेक कैनन और इसके बाद ईविल ड्रैगन भी अपना अटैक शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है नियो ड्रैगन बॉल। दोनों ही अटैक्स की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही ये दोनों अटैक टकराते हैं एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो दोनों ही अपने अटैक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं, पर ईविल ड्रैगन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है और वेजिटा इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। और आखिरकार वेजिटा इस लड़ाई को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए अपने अटैक को पुश करने लग जाता है और इसके बाद ईविल ड्रैगन स्माइल करता है और वेजिटा के अटैक की चपेट में आ जाता है, पर उसके चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई होती। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और हर तरफ धूल होती है। वेजिटा ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि ईविल ड्रैगन अभी जिंदा है या मारा गया। वेजिटा के चेहरे पर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान लग रहा होता है, और तभी अचानक से वेजिटा के सर में दर्द होने लग जाता है। पिछले चैप्टर में वेजिटा ईविल ड्रैगन के हाथों घायल हो गया था जिसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और एकदम से वेजिटा अपनी सुपर सी एन 5 की फॉर्म से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वो अपनी बेस फॉर्म में है और उसे इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता। वो अभी भी ईविल ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि वो अभी ज़िंदा है या मारा गया। पर तभी वेजिटा को कुछ दिखता है। धूल के बीच में कोई खड़ा होता है। धूल के छटते ही वेजिटा को ईविल ड्रैगन दिखता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। वो ज़रा सा भी घायल नहीं लग रहा होता और ईविल ड्रैगन के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। उसे देख के वेजिटा हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो सच में मॉन्स्टर हो। ईविल ड्रैगन बोलता है कि लगता है कि ये गेम ख़त्म हो चुका है, पर सच बताऊँ तो तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे इतनी टक्कर नहीं दे पाता। तुम्हारे लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पेनफुल मौत नहीं दूंगा और एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। वेजिटा इस बात पर हंसता है। वेजिटा बोलता है कि लगता है तुम्हें लग रहा है कि ये लड़ाई तुम्हारे लिए ईजी होने वाली है। ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वेजिटा इस वक्त ब्लफ कर रहा है। वो भी जानता है कि अब वो ईविल ड्रैगन के सामने नहीं जीत पाएगा। ईविल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है और वेजिटा एकदम से अपनी सुपर सीन की फॉर्म में आ जाता है, पर तभी एकदम से ईविल ड्रैगन वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देता है। ईविल ड्रैगन वेजिटा की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके पेट में लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है। वेजिटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और इन पंचेस की वजह से वो और ज़्यादा घायल होने लग जाता है। वो ईविल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर ईविल ड्रैगन उसके पंच को डॉज कर देता है और इसके बाद वो वेजिटा के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और उसके पेट में एक ज़ोरदार लात मारता है। वेजिटा की हालत ख़राब हो रही होती है, पर ईविल ड्रैगन रुक नहीं रहा होता और उसके पेट में एक और ज़ोरदार लात मारता है। वेजिटा इससे बहुत दूर जाके गिरता है। जैसे ही वेजिटा ज़मीन से टकराता है, ईविल ड्रैगन उसके पीछे फिर से पहुंच जाता है और एकदम से उसके बालों को पकड़ के उसके चेहरे पे पंच मारता है और लगातार उस पर पंचेस बरसाने लग जाता है। वेजिटा के मुंह से खून निकल रहा होता है। ईविल ड्रैगन स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें ख़त्म करने का समय आ गया। ईविल ड्रैगन ने वेजिटा के सर को पकड़ा हुआ होता है और वेजिटा ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता है। ईविल ड्रैगन बोलता है कि ये मेरा लास्ट अटैक होगा। वेजिटा खुद से बोलता है कि ये कितना शर्मनाक है, मैं इतने शर्मनाक तरीके से कैसे हार सकता हूँ। कैकरोट, लगता है मैं धरती की रक्षा नहीं कर पाया, जिस धरती की रक्षा हमेशा तुम करते आए हो। गोहान, पेन, कैकरोट, मुझे माफ़ करना। ईविल ड्रैगन अपने अटैक के साथ तैयार होता है और वो ये अटैक वेजिटा पे शूट करने वाला होता है, और जैसे ही वो ये करने वाला होता है एकदम से उसके चेहरे पे एक ज़ोरदार पंच पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि ये गोको होता है। गोको एकदम से अपनी सुपर सैयन 4 की फॉर्म में एकदम से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। ईविल ड्रैगन बोलता है कि ये कौन था। वेजिटा भी बिल्कुल हैरान लग रहा होता है। तभी वेजिटा देखता है कि उसके सामने गोको खड़ा है। वो बिल्कुल हैरानी से गोको को देख रहा होता है।
ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम कौन हो। वेजिटा भले ही ये बात ना माने पर वो गोगो को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो बोलता है कि कैकारोट तुमने हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ करना वेजिटा, मैं काफ़ी लेट हो गया। अब गोकू ईवल ड्रैगन का सामना करेगा। गोकू बोलता है कि अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। ईवल ड्रैगन पूछता है कि क्या तुम ही सनगोकू हो। गोकू बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि अच्छा तुमने काफ़ी लंबा समय लगा दिया, मैं ना जाने तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तुम किसी कांटे की तरह बार बार ही हमारे रास्ते में आ जाते हो, मैं इस लड़ाई को एक ही बारी में ख़त्म कर दूंगा। गोकू बोलता है कि इससे पहले कि हम लड़ाई शुरू करें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम सभी लोग ड्रैगन बॉल के कर्जे में हैं। ना जाने हिस्ट्री में हम कितनी बारी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते आए हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना जाने हमने कितनी बारी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है, और ड्रैगन बॉल्स ने हमारी रक्षा करी है, इस वजह से हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। ईवल ड्रैगन हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि पर इस बारी दुनिया की रक्षा हम अपने हाथों से करेंगे, अपनी ताकत के साथ, ये उन सब चीज़ों का अंत होगा, इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। इसके बाद ईवल ड्रैगन स्माइल करता है और पावर अप करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम जितना चाहे मजाक कर लो पर मेन क्वेश्चन यह है कि क्या तुम सच में मुझे हरा पाओगी, ये खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ है, फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। ट्रंक्स, गोटेन और रूब इस फाइट को देख रहे होते हैं और वेजिटा साइड लाइन से गोकू और ईवल ड्रैगन की फाइट देख रहा होता है। सब जानते हैं कि ये फाइनल ईवल ड्रैगन है और इसे हराते ही उनकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद गोकू और ईवल ड्रैगन एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। गोकू ईवल ड्रैगन को एक पंच मारने की कोशिश करता है जिस अटैक को ईवल ड्रैगन रोक लेता है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू के चेहरे पर एक पंच मारता है जिसे गोकू डॉच कर देता है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को लात मारने की कोशिश करता है जिसे गोकू फिर से डॉच कर देता है। गोकू इस मौके का फ़ायदा उठाता है और ईवल ड्रैगन के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है और एकदम से गोकू मौका देख के उसे एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ईवल ड्रैगन को इससे हल्की सी चोट लगती है और वो इस अटैक की वजह से थोड़ा सा पीछे पुश हो जाता है, पर इसके बाद वो गोकू को देखता है। गोकू अपना एक अटैक बना रहा होता है, ये अटैक होता है कामेहामेहा। गोकू अपना ये अटैक ईवल ड्रैगन की तरफ शूट करता है। वेजिटा, ट्रंक्स, गोटेन और बाकी सभी लोग ये देख रहे होते हैं। गोकू अपनी पूरी ताकत से इस अटैक को शूट करता है और ये अटैक ईवल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और इस अटैक के टकराते ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ धूल फैल जाती है। जहाँ से ये अटैक निकला होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा निशान छूट गया होता है। तभी गोकू ईवल ड्रैगन को देखता है। ईवल ड्रैगन बिल्कुल सही सलामत होता है और वो बिल्कुल हैरान लग रहा होता है। ये अटैक ईवल ड्रैगन से टकराया ही नहीं बल्कि उसके बराबर में से निकल गया। ईवल ड्रैगन बोलता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुमने ये जानबूझ के किया है। गोकू सोचने लग जाता है कि उसका अटैक मिस कैसे हो गया। गोकू इसके बाद स्माइल करता है और बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से लड़ा नहीं हूँ, लगता है मेरा एम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पर अगली बार तुम नहीं बच पाओगी। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है, आखिर कैकारोट के साथ ही क्या हो गया है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि कैकारोट अपनी सुपर सैयन 4 की फॉर्म में है पर उसके अंदर ताकत बढ़ कैसे रही है, वो अब पूरी तरीके से एक अलग इंसान लग रहा है और सबसे अजीब बात तो यह है कि वो अभी तक इस लड़ाई को लेकर सीरियस भी नहीं है। गोकू ईवल ड्रैगन से बोलता है कि लगता है तुम भी इस लड़ाई को लेकर अभी सीरियस नहीं हुए हो, क्या तुम भी धीरे धीरे करके देखना चाहते हो कि ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी। ईवल ड्रैगन स्माइल करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। गोकू भी इस बात पर हंसता है। वो बोलता है कि मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। इसके बाद गोकू बोलता है कि वार्म अप का समय अब ख़त्म हो चुका है, चलो अब सीरियस हो जाते हैं। वेजिटा इस लड़ाई से बाहर हो चुका है और गोकू और ईवल ड्रैगन की सीरियस फाइट अब शुरू होने वाली है। इसके बाद गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन पर हमला करना शुरू करता है और ईवल ड्रैगन गोकू की स्पीड को देख के हैरान रह जाता है। गोकू एकदम से जाके ईवल ड्रैगन के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और इसके बाद उसे दूसरा पंच मारता है। गोकू उस पर लगातार घूसे बरसाने लग जाता है और इसके बाद एंड में उसे खिंचा के एक लात मारता है। गोकू इस बारी पूरी तरीके से ईवल ड्रैगन पर हावी होता है। ईवल ड्रैगन दूर जाके गिरने वाला होता है पर गोकू उसके पीछे जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, पर गोकू का नेक्स्ट पंच उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। गोकू अपना नेक्स्ट पंच ईवल ड्रैगन के मुंह पे मारता है और ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि आसपास की पूरी ज़मीन फट जाती है और इस पंच में से इतना ज़ोरदार शॉक वेव निकलता है कि वो हर तरफ फैल जाता है। वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स सभी लोग इस पंच की ताकत को देख के हैरान रह जाते हैं। गोकू ने जहाँ पे ईवल ड्रैगन को पंच मारा था वो वहीं पे खड़ा होता है और इसके बाद ईवल ड्रैगन भी उठता है और उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। ईवल ड्रैगन गोकू से बोलता है कि तुम्हारा ये पंच तो पिछले वाले पंच से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। गोकू ईवल ड्रैगन से बोलता है कि लगता है तुम अब समझ गए हो, ये है मेरी असली ताकत, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। वेजिटा काफ़ी हैरान होता है। वेजिटा समझ चुका होता है कि गोकू क्या कर रहा है। वो बोलता है कि अच्छा आखिर ये पागल सोच क्या रहा है। तभी हम गोकू को देखते हैं और गोकू को देख के पता चल रहा होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब गोकू उठा होता है। गोकू ओल्ड सुप्रीम काय से बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काय मुझे ट्रेन कीजिए। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम्हें ट्रेन करूँ,
ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम बोल रहे हो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कोकू बोलता है कि आपने सही समझा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर वही टेक्निक का इस्तेमाल करें जो आपने गुहान और बाकी सभी पे करी है। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि अच्छा, यानी कि तुम भी सुपर सैयन 5 में बदलना चाहते हो। गोकू बोलता है कि आप सही समझे, मैं यही चाहता हूँ। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि अच्छा, पर सच बताऊँ तो मुझे एक बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये ईवल ड्रैगन बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और इसके सामने सुपर सैयन 5 भी कुछ नहीं कर पाएगा। गोकू बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं सुपर सैयन 5 से भी आगे निकलना चाहता हूँ। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि तुम सुपर सैयन 5 से भी आगे निकलना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? गोकू बताता है कि मुझे सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक सीक्रेट पता चला है जब मैं दूसरों की फाइट को सेंस कर रहा था। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि क्या? गोकू बताता है कि जब भी हमने किसी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लिमिट तोड़ के पाया, उस हर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कॉमन था। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि कुछ कॉमन था, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो क्या था? गोकू बोलता है कि सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सुपर सैयन 1 में बदलने के लिए रेज जरूरी था, और सुपर सैयन 2 में बदलने के लिए भी रेज जरूरी था, और सुपर सैयन 3 में बदलने के लिए खुशी का इमोशन ज़रूरी था, और सुपर सैयन 4 में बदलने के लिए दुख का इमोशन ज़रूरी था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सैयन अपनी लिमिट को तब तोड़ते हैं जब वो इमोशनली अपना कंट्रोल खो देते हैं। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि अच्छा, पर मुझे ये बताओ कि ये चीज़ तुम्हारी ताकतवर बनने में काम कैसे आएगी? गोकू बोलता है कि यहीं पर मुझे आपकी टेक्निक की ज़रूरत है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन सभी इमोशंस पे कंट्रोल पाकर अपनी ताकत को बाहर निकालूंगा और उस पर पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने इमोशंस के ऊपर से लिमिट को हटाने की कोशिश करूंगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी, जो कि उस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मैं इन सभी इमोशंस को एक एक करके रिलीज़ करूंगा तो हो सकता है कि मेरी ताकत गुहान और वेजिटा से भी ज़्यादा हो जाए, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो हो सकता है कि मैं सुपर सैयन 5 की ताकतों से आगे भी निकल जाऊँ, या फिर सुपर सैयन 5 की ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। इसके बाद हम करंट टाइम में आ जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, ये चारों के चारों इमोशंस को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसकी ताकत का आउटपुट मेरे और गोहन की ताकत से बहुत ज़्यादा है। कैक्रोट सैयन एवोल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ चुका है, इसीलिए चारों इमोशंस को एक साथ कंट्रोल करने का आइडिया उसे आ गया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक बारी फिर से मैं पीछे छूट गया, उसने एक बारी फिर से मुझे सरपास कर दिया, वो भी इतने कम समय में। कैक्रोट, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे पूरी तरीके से हरा दिया है, और अब इस लड़ाई को ख़त्म करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ईवल ड्रैगन आमने सामने खड़े होते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते हो ना, तुम्हारी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। गोकू बोलता है कि मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके बाद ईवल ड्रैगन पावर अप करने लग जाता है। ईवल ड्रैगन के पावर अप करने की वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा होता है, और गोकू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि इसकी की तो कमाल की है, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। ईवल ड्रैगन ने की से अपने आप को चारों तरफ से घेर लिया होता है, और इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन जैकेट मैक्स पावर। ईवल ड्रैगन स्माइल करता है और बोलता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने लड़ाई छोड़ी थी। गोकू बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम्हारी ताकत उससे भी ज़्यादा है, सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ईवल ड्रैगन अपनी जगह पर खड़ा होता है और एकदम से गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ईवल ड्रैगन बहुत तेज़ी से जाके गोकू के पेट में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और गोकू के मुँह से खून निकल आता है। ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है, और इसके बाद वो गोकू पे लगातार पंच बरसाने लग जाता है, और इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। गोकू जाके ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराता है, और इसके बाद ईवल ड्रैगन एक अटैक बनाने लग जाता है, जिस अटैक को वो गोकू पे शूट करने वाला होता है। इस अटैक का नाम होता है डबल ड्रैगन, और ये अटैक बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ये अटैक गोकू से जाके टकराता है, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा अपने आप को इस अटैक की ताकत से बचाने की कोशिश करता है। इस अटैक की ताकत को देख के सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सभी को लगता है कि गोकू शायद इस अटैक की वजह से अब दिक्कत में होगा। जहाँ ईवल ड्रैगन का ये अटैक टकराया होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, और ईवल ड्रैगन स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता। तभी उस गड्ढे के अंदर से कोई निकल के बाहर आ रहा होता है, और ये हमारा गोकू होता है। गोकू थोड़ा सा थका हुआ तो ज़रूर लग रहा होता है, पर वो ज़्यादा घायल नहीं होता। वो स्माइल कर रहा होता है। वो बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, तुम्हारे अटैक में तो काफ़ी ज़्यादा ताकत थी। ईवल ड्रैगन भी गोकू को देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुम काफ़ी टफ हो, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। ये फाइट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर और लड़ो। संग गोकू, लड़ने के लिए तैयार रहो। इसके बाद गोकू खुद से बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, इस फॉर्म में लड़ना बिल्कुल बेकार है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को देख रहा होता है, क्योंकि गोकू की लगातार बढ़ रही होती है। वेजिटा बोलता है कि आखिरकार मैं समझ पा रहा हूँ, कैकरोट की ताकत बढ़ रही है, वो इवॉल्व हो रहा है। गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है, और उसके बाल एकदम से वाइट हो जाते हैं। वेजिटा उसकी ताकत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। ट्रंक्स, गोटन और रूट भी काफ़ी हैरान लग रहे होते हैं।
आखिरकार गोकू भी एक जानी पहचानी सी फॉर्म में आ जाता है। ईवल ड्रैगन पहली बार किसी की ताकत को देख के डर रहा होता है। आखिरकार गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है और हम सबके सामने पहली बार खड़ा होता है सुपर सैयन 5 गोकू। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि जितना मैं सोच रहा था उसकी ताकत उससे भी ज़्यादा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि सेम लेवल पे होने के बावजूद भी ताकत में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। ईवल ड्रैगन हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है और वेजिटा बोलता है कि केकारोट तुम एक बार फिर से जीत गए। ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन पे हमला करना शुरू कर देता है और ईवल ड्रैगन गोकू की स्पीड से हैरान रह जाता है। उसकी स्पीड वेजिटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। भले ही गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों सुपर सैयन 5 क्यों ना हो, पर गोकू बिल्कुल ताकत के एक नए लेवल पर है। गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन के सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंचकर एक पंच बनाता है। गोकू ये ताकतवर पंच ईवल ड्रैगन के पेट में मारता है। ईवल ड्रैगन गोकू के अटैक को देख ही नहीं पाया होता और गोकू के इतने जोरदार पंच की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। गोकू एक बार फिर से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी कमर पर एक जोरदार पंच मारता है। ईवल ड्रैगन को ये पंच इतना जोरदार लगा होता है कि वो जमीन से जाकर टकराता है। गोकू इसके बाद एक अटैक बनाने लग जाता है। गोकू अपनी की को चार्ज करता है और इसके बाद वो अपने अटैक को शूट करने लग जाता है। ईवल ड्रैगन जमीन में गड़ा हुआ होता है और जैसे ही उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ था, एकदम से वो ऊपर की तरफ देखता है और एकदम से गोकू का अटैक आके उसे लग जाता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वेजिटा अपने आप को इस अटैक के फोर्स से बचाने की कोशिश करता है और इस अटैक के खत्म होने के बाद हर तरफ धूल फैल जाती है। कायोशिन रन में लगातार सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू के अंदर तो गजब की ताकत है। सच में गोकू से इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। गोकू अटैक के बाद ईवल ड्रैगन को देख रहा होता है। वो जानता है कि उस अटैक से ईवल ड्रैगन खत्म नहीं हुआ होगा। इसके बाद गोकू नीचे उतरता है और ईवल ड्रैगन के पास जाता है। ईवल ड्रैगन गोकू की ताकत से बिल्कुल हैरान होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि गोकू की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। इसके बाद ईवल ड्रैगन एकदम से आसमान की तरफ उड़ता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो आसमान में जाकर अपनी की चार्ज करता है। गोकू अभी भी उसे ही देख रहा होता है। ईवल ड्रैगन अपने दोनों हाथों को उठाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वेजिटा बोलता है कि ये तो कमाल की ताकत है, पर गोकू बिल्कुल शांत होता है। ईवल ड्रैगन अपना अटैक नीचे की तरफ शूट करता है। वेजिटा बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, पर गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है और ईवल ड्रैगन के अटैक को शांति से खड़ा होकर देख रहा होता है। ईवल ड्रैगन का अटैक गोकू तक बस पहुंच ही गया होता है। इसके बाद गोकू एकदम से चिल्लाता है और एक ही झटके में ईवल ड्रैगन के अटैक को ख़त्म कर देता है। ईवल ड्रैगन को विश्वास नहीं होता कि उसका सबसे ताकतवर अटैक बेकार हो गया। इसके बाद गोकू वो पोज बनाता है जिस पोज को हम सब जानते हैं। गोकू एक बहुत ही ताकतवर अटैक ईवल ड्रैगन की तरफ शूट करने वाला होता है। इसका नाम होता है लिमिटेड कामेहामेहा। गोकू अपना अटैक चार्ज करता है और ईवल ड्रैगन की तरफ शूट कर देता है। ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरानी से खड़ा होता है क्योंकि वो जानता है कि ये उसका अंत है। गोकू अपना अटैक ईवल ड्रैगन पे शूट करता है। ईवल ड्रैगन इस अटैक की चपेट में आ जाता है और आखिरकार उसका नामोनिशान मिल जाता है। गोकू अपना अटैक शूट करने के बाद शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है कि उसने कर दिखाया, ईवल ड्रैगन कहीं भी नहीं दिख रहा होता। कायोशिन रन में सब खुश हो रहे होते हैं क्योंकि गोकू जीत चुका होता है। वो बोलते हैं कि उसने कर दिखाया, पर गोकू खुश नहीं हो रहा होता। वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये की किसकी है, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक बार फिर से कायोशिन रन में आ जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ईवल ड्रैगन वहाँ पे पहुँच चुका होता है। किसी तरीके से वो टेलीपोर्ट करके कायोशिन रन में पहुँच चुका है। वो अपने आप को गोकू के अटैक से बचाने में कामयाब रहा और सभी के सभी लोग उसे देख के हैरान रह जाते हैं। सबको लग रहा था कि गोकू ने ईवल ड्रैगन को हरा दिया है, पर वो सब गलत निकले। कबीटो काई बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है जब मैंने इसे टेलीपोर्ट किया था इसने मेरी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को कॉपी कर लिया। गोकू बोलता है कि ये सही नहीं हुआ, ईवल ड्रैगन अभी भी जिंदा है। यही नहीं, वो टेलीपोर्टेशन भी जानता है। ईवल ड्रैगन स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि लगता है मेरे काउंटर अटैक का समय आ गया है। हमारे सभी हीरोज को लगा था कि गोकू ने ईवल ड्रैगन को हरा दिया है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया, पर अभी किसी को ये नहीं पता है कि ईवल ड्रैगन यहाँ पर क्यों आया है। ट्रंक्स, गोटेन और रूप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ईवल ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद करूं। ट्रंक्स बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और ईवल ड्रैगन हंसने लग जाता है। तभी एकदम से ईवल ड्रैगन अपनी टेलीकिनेसिस की ताकतों का इस्तेमाल करता है और एकदम से सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स उड़ने लग जाती हैं। ओल्ड सुप्रीम काई और कबीटो काई इस चीज़ को देख लेते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स उड़ के ईवल ड्रैगन के पास चली जाती हैं और ईवल ड्रैगन सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को निगल जाता है। हमारे हीरोज ये चीज़ होते हुए पहले भी देख चुके हैं। ट्रंक्स बोलता है कि उसने सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स निगल ली और एकदम से ईवल ड्रैगन की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ईवल ड्रैगन पावर अप करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके पहुँच जाता है। गोकू के साथ वेजिटा भी होता है और कबीटो काई दोनों को देखते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू तुम्हें यहाँ पहुँचने में काफ़ी देरी हो गई। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईवल ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। गोकू, वेजिटा और बाकी सभी लोग ईवल ड्रैगन को देख रहे होते हैं। वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग दिख रहा होता है
और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ईविल ड्रैगन बिल्कुल अलग दिख रहा होता है और सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स उसकी चेस्ट पर विजिबल होती हैं। ईविल ड्रैगन गोकू की तरफ देखता है और स्माइल करता है। गोकू भी ईविल ड्रैगन की ताकतों को देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये शख्स तो सच में कमाल का है, इतनी कमाल की तो मैंने कभी भी महसूस नहीं करी है। वेजिटा ईविल ड्रैगन की ताकतों को देख के समझ चुका होता है कि उसकी ताकतें बिल्कुल अलग लेवल पर पहुँच चुकी हैं। तभी वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि ट्रंक्स, हम लोग इनके रास्ते में हैं, जल्दी से इन लोगों के रास्ते में से दूर हो जाओ। तभी ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, और इसके बाद सारे के सारे वॉरियर्स वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब सिर्फ गोकू और ईविल ड्रैगन आमने सामने खड़े हैं। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि गोकू, अपना बेस्ट करने की कोशिश करना। गोकू लड़ने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि फाइनल राउंड शुरू करने का समय आ गया है। ईविल ड्रैगन और गोकू एक दूसरे को घूरते हैं और ईविल ड्रैगन को अपनी हार याद आ जाती है। उसे गोकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि हमारी पिछली लड़ाई में तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी थी, पर इस बारी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे जितनी दिक्कत दी है उस दिक्कत मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ। गोकू बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, जितना तुम सोच रहे हो ये लड़ाई उतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली, मैं तुम्हें इस लड़ाई में कुचल के रख दूँगा। ईविल ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, तो शुरू हो जाओ, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद गोकू और ईविल ड्रैगन दोनों पावर अप करने लग जाते हैं। कबीटुका ओल्ड सुप्रीम पावर और सुगोरो काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं और वो अपने क्रिस्टल बॉल में इस लड़ाई को देखने लग जाते हैं। वेजिटा, ट्रंक्स, गोटन और दूर से इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि कैकरोट, अब सब कुछ तुम पर है, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, इस पूरी दुनिया का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। इसके बाद गोकू और ईविल ड्रैगन एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गोकू और ईविल ड्रैगन बहुत ज़ोर से एक दूसरे से जाके टकराते हैं, जिससे बहुत ज़ोरदार फोर्स निकलता है, पर वो दोनों एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा पाते। इसके बाद गोकू ईविल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर ईविल ड्रैगन अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद ईविल ड्रैगन गोकू को एक लात मारने की कोशिश करता है, पर गोकू अपने आप को बचा लेता है और गोकू इसके बाद ईविल ड्रैगन को एक पंच मारता है। ईविल ड्रैगन ने पहले ही इस अटैक को देख लिया होता है और वो भी गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है और दोनों के पंचेस टकराते हैं और दोनों के पंच टकराने की वजह से बहुत ज़ोरदार फोर्स निकलता है। गोकू और ईविल ड्रैगन के बीच की लड़ाई इतनी ज़ोरदार होती है कि हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं। दोनों की एनर्जीज हर जगह टकरा रही होती हैं। दोनों बिल्कुल बराबरी पर लड़ रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इस लड़ाई की वजह से कायोशिन के पूरे प्लेनेट पे तूफान सा आ रखा होता है। सभी लोग इस लड़ाई को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लड़ाई में से इतना ज़्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि वेजिटा को भी इस लड़ाई को देखने में दिक्कत आ रही होती है। आखिरकार ईविल ड्रैगन गोकू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और उसे बस इसी मौके का इंतजार था। वो गोकू को एक ज़ोरदार लात मारता है और गोकू इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और ईविल ड्रैगन एकदम से अपनी की चार्ज करने लग जाता है। वो एक अटैक बनाता है और गोकू की तरफ शूट करता है और इस अटैक की वजह से एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका होता है। सभी लोग अचानक से इस अटैक की वजह से हैरान रह जाते हैं। अटैक के बाद हर जगह धुआं फैला हुआ होता है और ईविल ड्रैगन गोकू को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसने गोकू को हरा दिया। हमारे हीरोज़ को भी यही लगता है कि शायद गोकू मारा गया, पर कबीटुका और सुप्रीम काय बिल्कुल शांत लग रहे होते हैं। ईविल ड्रैगन स्माइल करता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि गोकू बिल्कुल सही सलामत है। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। ईविल ड्रैगन मुड़ के गोकू की तरफ देखता है। वो थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा होता है, पर गोकू बिल्कुल शांत होता है। गोकू इसके बाद ईविल ड्रैगन की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही तुम्हारी पूरी ताकत है? अगर ये तुम्हारी पूरी ताकत है तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे टक्कर दे पाओगी। ईविल ड्रैगन को गोकू की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, पर तभी ईविल ड्रैगन खुद को शांत करता है और गोकू से बोलता है कि चिंता मत करो, ये मेरी पूरी ताकत नहीं थी, ये तो सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज थी। गोकू ये बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि मुझे ये बात सुनकर शांति मिली, मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद गोकू भी अपनी पूरी ताकत बाहर निकालने के लिए पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा गोकू की नई ताकत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। ईविल ड्रैगन भी बहुत हैरान होता है, उसे लगा नहीं था कि गोकू और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। ईविल ड्रैगन के सामने गोकू बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि गोकू अब बिल्कुल सीरियस हो चुका है और इस फाइट को ख़त्म करना चाहता है। ईविल ड्रैगन ये बात सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है ये मुझे अपनी टक्कर का नहीं समझ रहा है। इसके बाद ईविल ड्रैगन भी पावर अप करता है और वो भी अपनी असली ताकत को बाहर निकालता है। ट्रंक्स, गोकू और ईविल ड्रैगन की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होता है। ट्रंक्स बोलता है कि सच में विश्वास नहीं होता, हम तो अपने करंट लेवल पे इनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। एकदम से ईविल ड्रैगन अपनी की चार्ज करता है और अपना अटैक शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन स्नेक और ये अटैक बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ पहुँचता है। गोकू एकदम से इस अटैक के सामने से गायब हो जाता है और इसके बाद वो अपने हाथ में की ब्लास्ट बनाता है। वो एकदम से ईविल ड्रैगन के पास पहुँचता है और उस पर ये की ब्लास्ट शूट करता है। ईविल ड्रैगन अपनी तरफ इस अटैक को बढ़ते हुए देख लेता है और इस अटैक को डॉच कर देता है। गोकू का अगला की ब्लास्ट भी तैयार हो चुका होता है और वो ईविल ड्रैगन की तरफ देख के स्माइल करता है। वो लगातार अपने की ब्लास्ट ईविल ड्रैगन की तरफ शूट करने लग जाता है। गोकू के सारे की ब्लास्ट ईविल ड्रैगन की तरफ जाते हैं और बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं। हमारे बाकी हीरोज इस ताकत के फोर्स से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि गोकू के सारे अटैक बेकार हो गए हैं।
ईवल ड्रैगन अचानक से ही उसके बराबर में पहुंच जाता है और गोकू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे देख के हैरान रह जाता है। ईवल ड्रैगन गोकू पे सरप्राइज अटैक करके उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद गोकू ईवल ड्रैगन को लात मारता है और ईवल ड्रैगन अपने पंच की मदद से गोकू के अटैक को रोक लेता है। गोकू और ईवल ड्रैगन की ताकतें टकराने की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। कबीटो काई बोलते हैं कि ये लड़ाई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लैनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वेजिटा गोकू की ताकतों से बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि कैकरोट की ताकतें तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं। ट्रंक्स बोलता है कि विश्वास नहीं होता कि गोकू उस पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू पावर अप करता है और वो एक बहुत ही जोरदार पंच ईवल ड्रैगन के चेहरे पे मारता है। इसके बाद वो ईवल ड्रैगन के पेट में बहुत जोरदार पंच मारता है। इस पंच की वजह से ईवल ड्रैगन के मुंह से खून निकल जाता है। इसके बाद गोकू एकदम से ईवल ड्रैगन के पीछे जाता है और अपने दोनों हाथ मिला के उसे बहुत जोरदार पंच मारता है। ईवल ड्रैगन इस पंच की वजह से बहुत जोर से जाके जमीन से टकराता है और ईवल ड्रैगन को देख के ये भी पता चल रहा होता है कि इस अटैक की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया है। ईवल ड्रैगन बहुत जोर से जाके जमीन से टकराया होता है और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो एकदम से पावर अप करता है। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में होने की वजह से खुद को ईवल ड्रैगन की ताकत के फोर्स से बचाता है, पर गोकू अपने सुपर सेन 5 फॉर्म में है और उसे उसकी ताकतों से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ईवल ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके मन में एक प्लान बन रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि लगता है मेरे में और गोकू में ये फ़र्क था कि उसका हिडन पोटेंशियल ज़्यादा था। इसके बाद ईवल ड्रैगन उड़ के एकदम से गोकू के सामने आ जाता है। गोकू बिल्कुल शांत लग रहा होता है और ईवल ड्रैगन काफ़ी गुस्से में होता है। ईवल ड्रैगन गोकू से बोलता है कि गोकू सच में तुम कमाल हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ताकत का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। गोकू बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, सच में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ईवल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो। इसके बाद ईवल ड्रैगन अपने अटैक को चार्ज करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से ये स्माइल बहुत ही जल्दी गायब कर दूंगा, मेरे नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो जाओ। गोकू हैरानी से ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि इसकी की तो बहुत तेज़ी से पड़ रही है, आखिर ये करना क्या चाहता है? ईवल ड्रैगन एकदम से शांत हो जाता है और गोकू हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। गोकू को लग रहा था कि ईवल ड्रैगन अटैक उस पर शूट करेगा, पर अचानक से ही ईवल ड्रैगन अपना अटैक दूसरे डायरेक्शन में शूट कर देता है। इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन कैनन। ये अटैक सीधा हमारे दूसरे हीरो ट्रंक्स और बाकी सभी की तरफ जाने लग जाता है और ट्रंक्स इसकी चपेट में आने ही वाला होता है, पर तभी एकदम से गोकू अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो ट्रंक्स के सामने पहुंच सके। वेजिटा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने बेटे को बचा सके, पर वेजिटा के पहुंचने से पहले ही गोकू वहां पे पहुंच जाता है और ईवल ड्रैगन का अटैक उसे लग जाता है। इस अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोटेन और रूब इस अटैक के प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ट्रंक्स देखता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है क्योंकि गोकू ने उसे आगे बचा लिया है। ट्रंक्स गोकू को थैंक्स बोलता है, पर तभी उसका ध्यान जाता है कि गोकू काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। वेजिटा को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि ट्रंक्स की जान बचाने के लिए गोकू ने अपनी जान खतरे में डाली और ईवल ड्रैगन का यही प्लान था। वो एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि गोकू यही तुम्हारा वीक पॉइंट है, मुझे यही जानना था। गोकू मुड़ के ईवल ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ट्रंक्स बोलता है कि गोकू मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती है। कबीटो काई और ओल्ड सुप्रीम काई क्रिस्टल बॉल में ही फाइट को देख रहे होते हैं। कबीटो काई बोलते हैं कि गोकू घायल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि ये हमारी गलती है, हमने सभी को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवल ड्रैगन एकदम से गोकू पे हमला करना शुरू कर देता है। जैसे ही ईवल ड्रैगन गोकू के पास पहुंचता है, गोकू उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर इस अटैक को रोकने में उसकी काफ़ी ताकत लगती है और पिछले अटैक की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका होता है। ईवल ड्रैगन ये बात देख के हंसता है और वो फिर से गोकू को उसी जगह मारता है जहाँ पर गोकू पिछले अटैक की वजह से घायल हो गया था। इस अटैक की वजह से गोकू काफ़ी घायल हो जाता है और ईवल ड्रैगन को बस इसी मौके का इंतजार था। वो लगातार गोकू को पीटने लग जाता है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना गोकू, तुमने मुझे पिछली फाइट में ख़त्म ना करके बहुत बड़ी गलती करी और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो लगातार गोकू को पीट रहा होता है और वो बोलता है कि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। ये बोलते बोलते ईवल ड्रैगन ने गोकू को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारा होता है और गोकू थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को देखता है और गोकू के चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है। तभी वेजिटा के मन में एक ऐसा प्लान बनता है जो करना वो कभी पसंद नहीं करता। वेजिटा ट्रंक्स और गोटेन को बुलाता है और बोलता है कि हमें गोकू को अपनी ताकत देनी होगी। फाइट में हम देखते हैं कि ईवल ड्रैगन को गोकू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो अपने दोनों हाथों को मिला के गोकू को बहुत जोरदार पंच मारता है और गोकू इसके बाद बहुत जोर से जाके ज़मीन से टकराता है। गोकू को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो थोड़ा बहुत घायल हो चुका है और ईवल ड्रैगन हंसते हुए बोलता है कि गोकू ये फाइट यहीं पर ख़त्म होती है। ईवल ड्रैगन अपना अटैक चार्ज करता है और वो अपना ये अटैक गोकू पे शूट करने ही वाला होता है। वो बोलता है कि गोकू ये तुम्हारा अंत है, और जैसे ही वो अपना ये अटैक शूट करने वाला होता है वो उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। ईवल ड्रैगन अपना अटैक रोक देता है
और बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। ओब अपने मन में बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा और थोड़ा सा भी समय नहीं जुटा पाऊंगा। अगर मुझे इस वक्त दूसरों की मदद करनी है तो मैं अपनी चिंता नहीं कर सकता। और इसके बाद ओब अपने अंदर की डार्कनेस को बाहर निकालने लग जाता है। वो किड बू की ताकतों को समन करता है और इन ताकतों को निकालने के बाद ओब की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाती है। ओब इन ताकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं और गोकू के बराबर में वेजिटा, गोटन और ट्रंक्स खड़े होते हैं। वो अपनी ताकतों गोकू में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ताकि गोकू फाइट को जारी रख सके और इस फाइट को जीत सके ताकि वो पूरी दुनिया की रक्षा कर सके। गोटन अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में होता है और ट्रंक्स अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में होता है। वेजिटा अपनी सुपर सैयन 5 फॉर्म में होता है। जैसे ही वो अपनी ताकतें गोकू के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वैसे ही गोकू हील भी होने लग जाता है। तभी ईवल ड्रैगन का ध्यान गोकू की तरफ जाता है। वो देखता है कि सभी के सभी सैयन्स गोकू में अपनी ताकतें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये बात देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान था, मैं तुम्हारे इस प्लान को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। वो एक अटैक बना के गोकू की तरफ शूट करने वाला होता है पर तभी ओब उसे देख लेता है। ओब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर ईवल ड्रैगन ओब के अटैक को डॉच कर देता है और इसके बाद वो ओब को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। तभी अपनी ताकतें ट्रांसफर करते हुए गोटन, ट्रंक्स और वेजिटा बहुत ही कुछ अजीब सा देखते हैं। गोकू ने दो लोगों का हाथ पकड़ा हुआ होता है और गोकू काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा होता है। ये दोनों शख्स होते हैं पेन और गोहान। वो दोनों भी आफ्टर लाइफ से गोकू को अपनी एनर्जी देते हैं और आखिरकार ताकतों का ट्रांसफ़र पूरा हो जाता है। इसके बाद गोकू अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि सभी लोग मुझे माफ़ करना, तुम सभी को मिलके मुझे बचाना पड़ा। ईवल ड्रैगन गोकू की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि ये उसका अंत है क्योंकि गोकू की ताकतें पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी हैं। सभी सैयन्स की ताकतों को एब्जॉर्ब करने के बाद गोकू ने ताकत के एक बिल्कुल ही नए लेवल को पा लिया और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल अलग लेवल का था। और गोकू की ताकत को महसूस करने के बाद ईवल ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं। गोकू ईवल ड्रैगन को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि सुपर सुशेनरॉन, मैंने शेनरॉन से वादा किया था कि अगली बार जब धरती पर खतरा आएगा तो हम सभी धरतीवासी उस खतरे का सामना खुद करेंगे और इस दुनिया की रक्षा करेंगे। मेरा अगला अटैक मेरा फाइनल अटैक होगा। हम सभी की ताकतों का आखिरी खतरा तक मैं अपने नेक्स्ट अटैक में लगा दूंगा। इसके बाद गोकू ईवल ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ईवल ड्रैगन की हालत ख़राब हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये गोकू की पूरी ताकत है और गोकू झूठ नहीं बोल रहा। गोकू सभी सैयन्स की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए ईवल ड्रैगन को सबसे पहले एक लात मारता है और ये किक इतनी ज़ोरदार होती है कि ईवल ड्रैगन के मुंह से खून निकल जाता है। इसके बाद गोकू उसे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। इस वक्त भले ही गोकू ईवल ड्रैगन से अकेला लड़ रहा हो पर सभी सैयन्स की ताकत उसके साथ है और सभी सैयन्स उसकी लड़ने में मदद कर रहे हैं। गोकू ईवल ड्रैगन को लगातार पीटता जा रहा होता है और पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर देता है और आखिरकार गोकू ईवल ड्रैगन को पंच मार के आसमान की तरफ उड़ा देता है। और अब ईवल ड्रैगन बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका है। गोकू अपनी बची हुई सारी ताकत अपने फाइनल पंच में लगाता है और इस पंच में सभी सैयन्स की ताकत और होप होती है। गोकू ईवल ड्रैगन के पेट में ये पंच मारता है और सभी सैयन्स की ताकत को मिलाकर आखिरकार वो ईवल ड्रैगन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। पर इतना ताकतवर अटैक झेलने के बाद भी ईवल ड्रैगन ख़त्म नहीं हुआ होता। इसके बाद गोकू अपना कामयाब बनाता है। गोकू बोलता है कि हम ड्रैगन बॉल्स के हमेशा ही शुक्र गुजार रहेंगे, हम हमेशा ही ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते आए हैं और हो सकता है हमें फ्यूचर में भी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना पड़े और हमारी ही वजह से ड्रैगन बॉल्स के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी भी जमा हुई थी और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ही उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें। इसके बाद गोकू अपने अटैक को चार्ज करता है और आखिरकार वो सभी सैयन्स की ताकतों को मिला के लिमिटेड काम में हमें शूट करता है। ईवल ड्रैगन के पास गोकू के इस अटैक से बचने का कोई भी मौका नहीं होता और वो सीधा गोकू के इस अटैक की चपेट में आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में ईवल ड्रैगन का नामोनिशान मिट जाता है। आखिरकार दुनिया के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा खतरा टल चुका है और इसके बाद गोकू चैन की सांस लेता है। आखिरकार सभी लोग गोकू की जीत की वजह से खुश होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू तुमने कर दिखाया। गोटन बोलता है कि आपने कर दिखाया डैड। वेजिटा गोकू की तरफ देख के स्माइल करता है और हम सभी जानते हैं कि वेजिटा गोकू को इससे बड़ा थैंक्स नहीं बोल सकता। इसके बाद कबीटो का सेक्रेट वाटर की मदद से ओब को शांत करते हैं और ओब भी देख के खुश होता है कि गोकू आखिरकार जीत चुका है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोकू की फाइट देख के हमेशा ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और आखिरकार सातों की सातों ड्रैगन बॉल्स एक जगह पर हैं और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू आखिरकार अब हमारे पास सारी ड्रैगन बॉल्स हैं। गोकू सभी से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, आप लोगों को मेरी वजह से इतनी दिक्कत आई। चलिए सभी लोग बिना देरी करे बुलमा के यहाँ चलते हैं ताकि हम ड्रैगन को समन करके सब कुछ ठीक कर सकें। ट्रंक्स बोलता है कि सही कहा, पेन की बॉडी भी वहीं पर है। इसके बाद ट्रंक्स कबीटो काय से बोलता है कि कबीटो काय, क्या आप हमें धरती पर लेके चलेंगे? कुछ ही देर में वो सभी लोग धरती पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि गोहान और पेन की बॉडी भी वहीं पर होती है। ट्रंक्स गोकू से बोलता है कि गोकू क्या तुम शेनरॉन को समन करना चाहोगे? गोकू बोलता है कि हाँ ज़रूर।
इसके बाद गोकू शेनरॉन को बुलाता है। जैसे ही शेनरॉन सामने आता है, गोकू बोलता है कि शेनरॉन, हम काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हैं, हमारी वजह से तुमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। शेनरॉन बोलता है कि गोकू, तुमने ईवल ड्रैगन्स को हरा के काफ़ी अच्छा काम किया, और जैसा कि तुम लोगों ने कहा था, तुमने ये काम अपनी ताकत से किया, और तुम सभी की ताकत और तुम्हारी सोच में बदलाव की वजह से मुझे लगता है कि आगे ये दिक्कत फिर से नहीं आएगी। और अब जब सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। गोकू बोलता है कि शेनरॉन, मुझे माफ़ करना कि हम एक बारी फिर से तुम पर डिपेंड कर रहे हैं, पर ये एक ऐसी दिक्कत है जो सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। मेरी बस एक ही विश है जो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी कर दो। पैन, गुहान और जो भी लोग इस फाइट के दौरान मारे गए हैं, उन सभी को ज़िंदा कर दो। विडेल बहुत चिंता में होती है क्योंकि शेनरॉन ने अभी तक कुछ नहीं बोला होता है, पर तभी शेनरॉन बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद गुहान और पैन दोनों जिंदा हो जाते हैं, और गोकू उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। सभी लोग गुहान को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चीची की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, और विडेल एकदम से पैन को गले लगा लेती है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी पैन का ध्यान गोकू की तरफ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से भाग के गोकू के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बहुत ही लंबे समय बाद अपने ग्रैंडफादर को देख रही है। वो बोलती है कि वेलकम बैक ग्रैंडपा गोकू। गोकू बोलता है कि हाँ, इस बारी मैं सच में घर वापस आ गया हूँ। आखिरकार ड्रैगन बॉल्स पूरी तरीके से प्योरीफाई की जा चुकी हैं, और ये गोकू और बाकी सभी लोगों की एक बहुत ही लंबी फाइट का अंत था। ये भले ही इस कहानी का अंत हो, और ड्रैगन बॉल की दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ड्रैगन बॉल की दुनिया हमेशा चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी, जब तक गोकू और उसके दोस्त यहाँ पर हैं। और दोस्तों, इस बहुत ही बेहतरीन एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी आगे भी कंटिन्यू है, पर वो स्टोरी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से पुरानी स्टोरी का मज़ा ख़राब हो जाता। इसीलिए मैंने अभी तक उस पार्ट को अपने चैनल पर भी कवर नहीं किया है। जैसे ही वो पार्ट कम्प्लीट होगा, मैं आपके लिए वो पार्ट भी लेकर आ जाऊँगा, और तब तक मेरे हिसाब से ये स्टोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन एंडिंग है। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।